हेलो माय फ्रेंड्स, लगे रहो कोडिंग के ऊपर पूरे 10 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स का कोर्स लेके आया हूँ। ये बिगिनर्स लेवल का कोर्स है और ये पार्ट वन है। अगर मेरे साथ लगे रहोगे, जुड़े रहोगे, मजा आएगा, तो इसका हम पार्ट टू भी लेके आएंगे और पार्ट थ्री भी लेके आएंगे, जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स को एडवांस करते जाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट तुम कहीं से भी लर्न करो, लेकिन लैंग्वेज की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो उसी वक्त आती है जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो। और ये पूरा एक कोर्स है तुम्हारे लिए। मैंने इसको एक कोर्स का नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ बस जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट से नहीं बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट के जो भी कॉन्सेप्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा नाम सालार है, आई एम अ प्रोग्रामिंग टीचर और इंस्ट्रक्टर। और अगर तुम लोगों को ये कोर्स करने में मजा आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिख के जरूर बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। अब तुम लोगों को मेरी तस्वीर नहीं दिखाई देगी, मेरी आवाज सुनाई देगी। अब चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि वो कौन से 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग बनाने वाले हैं, ये बिगिनर्स लेवल के हैं, और उसके बाद हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे वन बाय वन। तो मेरे दोस्तों, मैं जल्दी से 10 के 10 प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो कि हम कोड करेंगे और उसके बाद हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। मैं ये भी बता दूं कि हम कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम स्क्रैच से सारे प्रोजेक्ट्स को कोड करेंगे। हम उनकी HTML भी लिखेंगे, CSS भी लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट भी लिखेंगे। अब देखो, जो पहला प्रोजेक्ट है वो है बॉडी कलर चेंज, और इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कलर पिकर। इस कलर पिकर को हम जिस कलर पे भी लाके रखेंगे वो हमारी बॉडी का कलर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसके अंदर तुम ये सीखोगे कि कलर पिकर को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में रीड किया जाता है। ठीक हो गया। जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर तुम सिंपल कैलेंडर बनाना सीखोगे, और यहाँ पे तुम्हें ये पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट के साथ बेसिकली किस तरह से काम किया जाता है। जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो सिंपल टूडू एप्लीकेशन है। तुम ये देखोगे कि किस तरह से टूडू को लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है और डॉम को मैनिपुलेट किया जाता है। जो फोर्थ प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम एक सिंपल सा डार्क एंड लाइट मोड टॉगल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो फिफ्थ प्रोजेक्ट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सा है। तुम लोगों ने देखा होगा वेब के ऊपर शो पासवर्ड का आई आइकन होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा पासवर्ड जो है वो शो हो जाता है क्लियर टेक्स्ट के अंदर। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम गेस द नंबर गेम प्रोग्राम करेंगे, इससे तुम लोगों की लॉजिक अच्छी होगी। और जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7 है उसके अंदर हम CSS वेरिएबल्स को बेसिकली मैनिपुलेट करना सीखेंगे, और तुम ये भी सीखोगे कि CSS वेरिएबल्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है। प्रोजेक्ट नंबर 8 के अंदर हम एक मैनुअल इमेज स्लाइडर बनाएंगे जिसको बटन्स के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 9 हमारा सिंपल काउंटर है, हम अपने काउंटर को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं, और इसके अंदर दो लिमिट्स हैं, एक है 0 की और मैक्सिमम इसके अंदर है 10, राइट? और जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हम डाइस सिमुलेशन बनाएंगे और इसमें एनिमेशंस को भी डालेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, दो डाइस रोल होंगे और उसके बाद यहाँ पे उनका सम भी आएगा। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं और तुम लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और ये तो अभी शुरुआत है। हम इसका पार्ट टू भी लेके आएंगे, पार्ट थ्री भी लेके आएंगे। तुम लोग जावास्क्रिप्ट कहीं से भी लर्न कर सकते हो, और प्रोजेक्ट्स करने के लिए यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम टू लगे रहो कोडिंग, राइट? अब जब तुम लोगों को समझ में आ गया है कि हम क्या बनाने वाले हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, तो चलो अब कोड एडिटर में चलते हैं और वन बाय वन इन तमाम प्रोजेक्ट्स को कोड करते हैं। इट्स नॉट टाइम फॉर द डेवलपमेंट। हमारा पहला प्रोजेक्ट है चेंज बॉडी कलर, और इस कोर्स के अंदर जो एडिटर इस्तेमाल होगा वो है VS Code। आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 3 फाइल्स की जरूरत है, एक HTML की फाइल होगी, एक CSS की होगी और एक JavaScript की होगी। अमूमन पहले HTML लिखी जाती है, सेटअप की जाती है, क्योंकि CSS और JavaScript दोनों HTML के ऊपर अप्लाई होती है। तो अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले HTML लिखेंगे, उसके बाद
CSS लिखेंगे और फिर लास्ट में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो लगे रहो, जुड़े रहो मेरे साथ, कोड करते रहो। अब हम HTML को सेटअप करते हैं। सिंपली सबसे पहले एक div कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को डालेंगे। कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं और उसमें डाल देते हैं चूज योर फेवरेट बॉडी कलर। और उसके बाद हमने कलर फिगर को कोड करना है। जो कलर एलिमेंट है वो इनपुट एलिमेंट इनपुट टैग के साथ कोड होता है जिसमें टाइप होती है कलर। ठीक हो गया। जब इनपुट एलिमेंट की टाइप कलर होती है तो फिर हमें एक कलर फिगर ब्राउजर में मिलता है। हमें इस कलर फिगर की जरूरत जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है, तो हम इसको आईडी दे देते हैं यहाँ पे कलर, और साथ ही साथ हम इसको एक क्लास भी दे देते हैं कलर। अब चल के जरा ब्राउजर में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब ये देखो, हमें ब्राउजर में इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। हमारी हेडिंग ऊपर आ गई और यहाँ पे मुझे कलर फिगर मिल रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब तुम ये देखो कि कलर फिगर का जो डिफॉल्ट कलर है वो ब्लैक है, और ये जो कलर है बेसिकली ये कंट्रोल होता है वैल्यू एट्रीब्यूट से। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि अपने कलर फिगर को यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट देता हूँ। हम इस डिफॉल्ट को चेंज करेंगे और मैं यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट देता हूँ। अब इस वैल्यू एट्रीब्यूट को जो मैंने कलर की वैल्यू देनी है वो हमेशा 6 डिजिट्स हेक्साडेसिमल होगी। अब मैंने डिफॉल्ट करना है वाइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FF, दो डिजिट्स हो गए FF एंड देन FF। तो व्हाइट कलर की 6 डिजिट्स में जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो है डबल एफ डबल एफ डबल एफ। यहाँ पे RGB कलर का कॉन्सेप्ट है। ये तीन पेयर है इस तरह से, रेड ब्लू ग्रीन, राइट? तो इस तरह से कलर फिगर को बेसिकली कलर की वैल्यू दी जाती है। अब हमारे कलर फिगर का जो डिफॉल्ट है वो चेंज हो गया, हमने इसकी वैल्यू ब्लैक से हटा के व्हाइट कर दी है। अब देखो मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ तो कलर फिगर की जो वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है, वो व्हाइट है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी का कलर भी व्हाइट है। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी CSS को भी डाल लेते हैं। CSS फाइल मौजूद है, इसको हमें HTML के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको HTML के साथ लिंक कर देते हैं। और अब मैं इस CSS फाइल को एक दूसरे टैब में साथ में ही खोल लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि हमें HTML भी दिखता रहे और साथ ही साथ हमें CSS भी दिखते रहे। CSS में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा रीसेट करते हैं। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, आदत है, हमेशा जब भी CSS फाइल लिखो तो एक छोटा सा रीसेट कर दो। मार्जिन को जीरो कर दो, हेडिंग को जीरो कर दो और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स के ऊपर डाल दो, ठीक है। ये छोटा सा रीसेट है, ये करना नहीं भूलना। अब हम पकड़ते हैं अपने कंटेनर को। कंटेनर लेने का फायदा ये होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हम चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर अप्लाई हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम कंटेनर के ऊपर चला सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स अलाइन सेंटर, क्योंकि मैं तमाम एलिमेंट्स को सेंटर में लाना चाहता हूँ। अब देखो मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ तो ये देखो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे सेंटर के अंदर आ गए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली हेडर को पकड़ लेता हूँ और इसको मैं सिंपली एक हेडिंग देता हूँ 1 RAM की। 1 RAM कितना होता है, 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। और अब लास्ट के अंदर हम पकड़ लेते हैं अपने इनपुट एलिमेंट को। अब अपने कलर टूल को हम थोड़ी सी हाइट देते हैं और विड्थ देते हैं, लेट्स से के 200 पिक्सल्स की विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं 40 पिक्सल्स की, और उसके बाद हम इसको बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन, और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा देते हैं 10 पिक्सल्स का, और जो इसका बैकग्राउंड है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो कलर फिगर है ये भी स्टाइल हो गया। ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं और अपने रिजल्ट को चेक करते हैं। ये देखो ये मैंने रिफ्रेश मारा और सारी की सारी जो CSS हमने लिखी है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारा कलर फिगर जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो हमारी HTML भी हो गई और CSS भी हो गई। अब जो लास्ट स्टेप है वो है जावास्क्रिप्ट का। तो चलो अब इसकी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, अपने प्रोजेक्ट को फाइंड अप करते हैं। CSS फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल मौजूद है। इस जावास्क्रिप्ट फाइल को मैंने अपने HTML पेज के साथ लिंक करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML के थ्रू कॉल होती है। और इसको मैं लिंक करूंगा बिल्कुल एंड में, बॉडी से बिल्कुल ही ऊपर, राइट? तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से
लिंक होती है और जो सोर्स एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर हम फाइल का नाम लिखते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया हो कि जावास्क्रिप्ट को हम पेज के बिल्कुल एंड में क्यों लिंक करते हैं। उसकी वजह यह है कि जावास्क्रिप्ट मोस्टली एचटीएमएल को मैनिपुलेट करती है, तो इस एचटीएमएल के ब्राउजर में पहले रेंडर्ड होना जरूरी है। अगर जावास्क्रिप्ट को हम शुरू में यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो पेज हमारा टॉप से बॉटम इस डायरेक्शन के अंदर ब्राउजर में रेंडर होता है। तो जब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन होना शुरू होगी तो नीचे उसको एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे जिनको जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेट करना चाह रही होगी, तो इसकी वजह से हमें ब्राउजर के अंदर एरर मिलेगा। एक तरीका और भी है कि हम जावास्क्रिप्ट को डिले कर सकते हैं। मैं इस टैग को यहाँ से उठाता हूँ लेट्स से और यहाँ पे हेड सेक्शन में डाल देता हूँ। इस तरह से डालने के बाद मुझे इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम है डेफर। ये जो डेफर एट्रीब्यूट है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को रोके रखेगा। ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब एचटीएमएल पूरा यहाँ तक बॉडी तक ब्राउजर में रेंडर्ड हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में जावास्क्रिप्ट को बॉडी से पहले यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, राइट? और यहाँ पे हमें डेफर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट हमारी लिंक हो गई, तो बस लगे रहो, जुड़े रहो और चलो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें सबसे पहला काम जो करना है वो इस इनपुट एलिमेंट को जो कि बेसिकली कलर पिकर है इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, कलर फिगर के पास एक आईडी है जो कि कलर है, तो हम उस आईडी को यूज करके यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इवेंट का। हमें अपने कलर फिगर के ऊपर इवेंट को कोड करना है और कलर फिगर के साथ जो इवेंट जाता है वो है चेंज, राइट? तो कलर फिगर की वैल्यू में जब भी चेंज होगा ये इवेंट रेज होगा, और इवेंट को कोड करने के लिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो मेथड यूज करते हैं वो है इवेंट लिस्नर, राइट? ये नॉर्मली दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट जो होता है वो नाम होता है इवेंट का, और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि इवेंट को हैंडल करता है, जस्ट लाइक दिस, राइट? तो ये एक फंक्शन है। तो जब कभी भी कलर पिकर की वैल्यू चेंज होगी ये इवेंट रेज होगा और ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो ये फंक्शन उसी वक्त कॉल होगा जब जब वैल्यू चेंज होगी। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि क्या बेसिकली काम यहाँ पे हो रहा है। मैं लॉक करता हूँ और कलर पिकर की जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको यहाँ पे रीड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया? और मैंने क्या बताया था, ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है ये बेसिकली कलर की वैल्यू को कंट्रोल करता है। ब्राउजर को रिफ्रेश मारते हैं और जल्दी से कंसोल को खोल लेते हैं। देखो ये हमारा कंसोल आ गया। अब मैं यहां से क्या करता हूँ कि कलर को दूसरे कलर को चूज करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। तो जो भी कलर मैंने चूज किया उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और ये किसके थ्रू आ रही है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू आ रही है। अब तुम लोगों को सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, अब इसी वैल्यू को हमने उठा के बस बॉडी को अप्लाई करवा देना है। अब बॉडी की सिलेक्शन तो जावास्क्रिप्ट डॉम के अंदर बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे कंसोल खुला हुआ है तो साथ ही साथ तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉक्यूमेंट, राइट, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के नीचे पूरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट गैदर्ड होता है। ये देखो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा तो पूरा जो मेरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है डॉक टाइप के साथ वो यहाँ पे आ गया। और डॉक्यूमेंट के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेड तो क्या होगा कि मेरे जो एचटीएमएल का जो हेड सेक्शन है वो यहाँ पे इस तरह से मुझे मिलेगा। देखो खाली मुझे हेड सेक्शन मिल रहा है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में हेड एक प्रॉपर्टी बन जाता है, इसको हम प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखूं डॉक्यूमेंट और मुझे सिर्फ बॉडी को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी। इससे क्या होगा, मुझे अपने पूरे डॉक्यूमेंट का बॉडी जो है वो मिल जाएगा। ये देखो मुझे पूरा का पूरा बॉडी जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो बस यही काम करना है, मैंने बॉडी को सेलेक्ट करने के लिए
बॉडी को कॉल करना है जो कि एक बेसिकली प्रॉपर्टी बन चुकी है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और मैंने बॉडी का सीएसएस चेंज करना है। तो बॉडी के ऊपर मैं सीएसएस चेंज करने के लिए स्टाइल को कॉल करूंगा। जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब भी सीएसएस चेंज होती है तो हम स्टाइल को कॉल करते हैं। और कौन सी सीएसएस चेंज करनी है, मैंने मैंने चेंज करनी है बैकग्राउंड कलर की सीएसएस, राइट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली लिखी जाती हैं कैमल केस के अंदर, राइट। और अगर मैं सीएसएस में बैकग्राउंड कलर लिखेंगे हम, तो वो कुछ इस तरीके से होगी, बीच में हाइफन आता है और यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सीएसएस प्रॉपर्टीज हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इस तरह से कैमल केस में, ठीक है। तो मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया, उसकी सीएसएस को सिलेक्ट किया, और सीएसएस की जो प्रॉपर्टी मैंने चेंज करनी है उसको सिलेक्ट किया। और यहाँ पे अब मैं इसको सिंपली वो वैल्यू दे दूंगा जो कि कलर पिकर से आ रही है। इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। लो मेरे दोस्तों, हमारा पहला प्रोजेक्ट चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। अब ब्राउजर में इसको रिफ्रेश मारते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखो, ये मैंने रिफ्रेश मारा। अब मैं यहां से चूज करता हूँ कोई कलर। ये देखो, ये बॉडी के ऊपर अप्लाई हो गया। कोई दूसरा कलर लेते हैं यहाँ से, ये कलर ले लेते हैं। ये देखो, ये अप्लाई हो गया। और कोई कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये देखो, ये अप्लाई हो गया। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रोजेक्ट सॉल्व हो गया, एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो चलो चलते हैं अब अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है मिनी कैलेंडर, और इसमें तुम जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट को स्टडी करोगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी हमें तीन फाइल्स की जरूरत है, एक HTML की होगी, एक CSS की होगी, और एक जावास्क्रिप्ट की होगी। तो सबसे पहले हम अपने HTML को सेटअप करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें चार चीजें शो करवानी है। हमें शो करवाना है मंथ का नाम, डे का नाम, डेट एंड ईयर। तो हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर हमें चार पैराग्राफ की जरूरत है। एक होगी मंथ की, और एक होगी हमारे पास डे नेम की, और उसके बाद हमें एक चाहिए डेट के लिए, और एक पैराग्राफ चाहिए हमें ईयर के लिए, राइट। तो हमारे पास चार पैराग्राफ हो गए, चारों के पास अपनी क्लास। अच्छा, अब ये पैराग्राफ्स जो हैं वो एम्प्टी हैं। जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ब्राउजर में कोई अपेयरेंस नहीं होती। तो इसकी सीएसएस लिखने के लिए हमें इसके अंदर इनिशियली कुछ ना कुछ डाटा डालना पड़ेगा। तो हम इनिशियली थोड़ा सा डाटा डाल देते हैं ताकि हम इसकी सीएसएस को लिख सकें। तो हम कहेंगे कि मंथ, लेट से कि जनवरी है, और जो दिन है वो मंडे का है, डेट जो है वो फर्स्ट है, और जो ईयर है वो 2024 है, ठीक हो गया। तो ये हमारा इनिशियली डाटा है। जावास्क्रिप्ट इसको ओवरराइड कर देगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी हमें जरूरत इसलिए है ताकि हम सीएसएस को रेडी कर सकें, और ये ब्राउजर में इसका आउटपुट है, ठीक है। हमारे पास चारों की चारों फील्ड्स यहाँ पे आ रही हैं। अब चलते हैं और जल्दी से इसकी सीएसएस को लिख लेते हैं। सीएसएस फाइल हमारे पास बनी पड़ी हुई है यहाँ पे, और सीएसएस को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक भी किया हुआ है। बस इस फाइल को हम ओपन करते हैं एक डिफरेंट टैब के अंदर यहाँ पे। और सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अच्छी बात है कि हम डिफॉल्ट्स को रीसेट कर दें। मार्जिन को हम कर दें 0, और उसके बाद हेडिंग को भी हम कर दें 0, एंड देन बॉक्स साइजिंग को हम बॉर्डर बॉक्स कर दें। उसके बाद हम टारगेट करते हैं बॉडी को। बॉडी को सबसे पहले हम हाइट देंगे 100 व्यू पोर्ट की। हाइट देना क्यों जरूरी है मैं भी बताता हूँ। और उसके बाद हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ चॉकलेट। अच्छा, अब इस पूरे कंटेनर को, ये जो मेरा कंटेनर है, इसको मैंने पेज के सेंटर में लेके आना है, ठीक है। उसके लिए मैं यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी कि फ्लेक्स की जो तीन मशहूर प्रॉपर्टीज हैं एक साथ यूज होती हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, राइट। तो किसी भी ब्लॉक को आपने उसके पेरेंट ब्लॉक के अंदर अगर सेंटर में लेके आना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो याद कर लो। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज उस वक्त काम करेंगी जब पेरेंट ब्लॉक के पास एक हाइट होगी। तो ये हाइट जो है यहाँ पे
ये जरूरी है। अगर ये हाइट नहीं होगी तो ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगी। अब क्या होगा, जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है ये बॉडी के बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा। मैं अपने पेज को रिफ्रेश मारता हूँ तो ये देखो बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो गया और जो कंटेनर है पूरे का पूरा बॉडी के सेंटर में आ गया। अब इस कंटेनर के ऊपर फोकस करते हैं और इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो सी एस एस में कंटेनर को पकड़ लेते हैं, इसका सिलेक्टर बनाते हैं क्लास सिलेक्टर, इसको विड्थ देते हैं लेट्स से कि 50% कर देते हैं बॉडी की, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम लाइट ग्रे कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं बॉर्डर रेडियस को लेके लेट्स से कि 10 पिक्सल्स, और इसके अंदर हम थोड़ी सी हेडिंग डाल देते हैं 1 RAM की। ठीक हो गया, रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो हमारा जो कंटेनर है वो विजिबल हो गया ब्राउजर के अंदर। अब बारी बारी ये जो 4 पैराग्राफ्स हैं इनको स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस मंथ को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, इसका जो बैकग्राउंड मैंने चूज किया है वो है ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू होगा तो फिर टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं और टेक्स्ट को हम बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग देते हैं 10 पिक्सल्स की, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 1.5 RAM, और उसके बाद मार्जिन बॉटम देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल्स का। ठीक हो गया, पेज को रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो यहाँ पे स्टाइल हो गया। एक काम और करते हैं कि हम इन तमाम टेक्स्ट को बिल्कुल ही सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए हम कंटेनर के पास जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले लो। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो अपने टेक्स्ट को सेंटर कर देंगे। हमारा मंथ स्टाइल हो गया, अब पकड़ लेते हैं डे नेम को और इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। डे नेम को हम कलर देते हैं रेड, और जो फॉन्ट साइज है इसको 2 RAM कर देते हैं, और इसका भी जो फॉन्ट वेट है इसको हम बोल्ड कर देते हैं। रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो ये भी स्टाइल हो गया। अब आ जाते हैं डेट के ऊपर, डेट को हमने जो है वो काफी बड़ा बनाना है, विजिबल बनाना है, तो हम डेट को लेट्स से के फॉन्ट साइज देते हैं 5 RAM, और फॉन्ट वेट बोल्ड। रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो बड़ी सी डेट यहाँ पे शो हो रही है, और लास्ट में इस ईयर वाले पैराग्राफ को भी स्टाइल कर लेते हैं, और जो हमारा ईयर वाला पैराग्राफ है इसको सिंपली हमने एक फॉन्ट साइज देना है 1.3 RAM कर देते हैं, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। राइट, रिफ्रेश करते हैं और ये देखो ठीक है हमारा जो मिनी कैलेंडर का जो लेआउट था वो रेडी हो गया, इसकी सीएसएस जो है वो रेडी हो गई। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, वहां पर हम डेट ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे। ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपडेट होंगी, सिस्टम का जो भी डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पे आके पब्लिश हो जाएगा। सीएसएस को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और जावास्क्रिप्ट फाइल हमने बना के रखी हुई है उस फाइल को मैंने एचटीएमएल के साथ ऑलरेडी लिंक भी किया हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, हमें इन तमाम एलिमेंट्स की अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज करवाना है, तो हमें इनको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन तमाम के पास क्लासेस हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का क्वेरी सेलेक्टर मेथड को यूज करके इन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और इनकी सिलेक्शन करते हैं।
अच्छा जी, सिलेक्शन हो गई। अब सिलेक्शन के बाद हमें डेट ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है और उसमें से हमें चार चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। मंथ का नाम निकालना है, डे का नाम निकालना है, डेट निकालना है और ईयर निकालना है। अब ये सब कुछ कैसे होगा, उसके लिए हम चलते हैं कंसोल में, वहां पे डेट ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। कंसोल एक जबरदस्त टूल है, उसको यूज किया करो। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को कोड करने से पहले वहां पे टेस्ट किया करो। तो राइट क्लिक करके जल्दी से कंसोल को खोलते हैं और ये हमारा कंसोल आ गया। और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे ब्राउजर में लिखता हूँ डेट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट, तो मेरे पास जो मोज़िला की डॉक्यूमेंटेशन है वो आ जाएगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे देखो कि ये जो डेट ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, उसके पास बहुत से मेथड्स हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब डेट ऑब्जेक्ट को यूज किस तरह करते हैं, डेट ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हमें जो डेट ऑब्जेक्ट है उसका एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो लेट्स से कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं डी, और इस तरह से, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट का, जो डेट ऑब्जेक्ट है उसका एक वेरिएबल बनाने का। अब मैंने डी जो है वो बना दिया वेरिएबल इस तरह से। अब अगर मैं डी को प्रिंट करवाऊंगा तो तुम देखोगे कि पूरा यहाँ पे डेट का स्ट्रिंग और टाइम का स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। आज थर्सडे है, फरवरी की 22 है और ये इसका एयर आ रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन ये एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ रहा है। मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे इतने से कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। मुझे चाहिए मंथ का नाम, डे का नेम और डेट चाहिए और ईयर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मेरे पास एक मेथड है जो कि मैं कॉल कर सकता हूँ, गेट फुल ईयर, यहाँ से मुझे ईयर मिल जाएगा। और गेट डेट है, मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे गेट डेट मिल जाएगा। तो ईयर और डेट मैं यहाँ पे अभी कॉल करता हूँ अपने वेरिएबल डी को के रेफरेंस के साथ। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट फुल ईयर और ये मैंने मेथड कॉल किया, ये देखो मुझे पूरा ईयर मिल गया। अब मैं लिखूंगा गेट डेट, तो मुझे आज की डेट भी मिल गई। तो ये दो मेथड्स तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक मेथड है गेट मंथ, अगर मैं इसको कॉल करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यू मिल रही है 1, और 1 का मतलब है फेब्रवरी, दूसरा महीना। तो जो गेट मंथ जावास्क्रिप्ट का मेथड है वो बेसिकली मंथ का नंबर देता है इंटीजर वैल्यू में, और ये वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो 0 का मतलब है जनवरी और 1 का मतलब है फरवरी, 2 का मतलब है मार्च, और इसी तरीके से ये आगे जाता जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, मुझे यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग चाहिए मंथ का जो कि मुझे नहीं मिल रहा। और अगर मैं दिन की बात करूं तो यहाँ पर एक मेथड है गेट डे, अगर मैं इस गेट डे को कॉल करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे नंबर 4 मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज जो दिन है वो थर्सडे है, यहाँ पे मुझे 4 मिल रहा है। तो ये जो गेट डे मेथड है बेसिकली ये डे का जो कि आज थर्सडे है इसका वीक में क्या नंबर है वो बताता है। थर्सडे जो है वो वीक के अंदर फोर्थ डे है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे एंड थर्सडे, राइट। तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो दो चीजें हैं, दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ईयर की इंफॉर्मेशन और डेट की इंफॉर्मेशन तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रही है, लेकिन मंथ नेम और डे नेम वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो अब हम क्या करें भाई, ये ग्रेट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ये जो मोज़िला की वेबसाइट है ऑफिशियल है। अगर मैं इसी को यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे ये जो आ रहा है ना अदर वेज टू फॉर्मेट अ डेट, अब यहाँ पे हमारे पास और फंक्शंस है, और जो फंक्शन बेसिकली हमें चाहिए या मेथड हमें चाहिए वो यहाँ लास्ट के अंदर है, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। इस पे क्लिक करते हैं, ये जो बेसिकली मेथड है ये हमें मंथ का नाम भी देगा और हमें डे का नाम भी देगा। इस मेथड को भी हम जावास्क्रिप्ट का जो डेट ऑब्जेक्ट है उसके साथ सिंपली कॉल कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये बेसिकली दो आर्गुमेंट्स लेता है, दो 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 पैरामीटर्स लेता है। पहला है कि आपने डेट किस लैंग्वेज में चाहिए, मुझे चाहिए इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EN। जो दूसरा ऑप्शन है और जो दूसरा पैरामीटर है उसके अंदर ये एक ऑप्शन लेता है जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ने दी हुई है। ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये एक
जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर अगर मैं वैल्यू दूंगा वीक डे लॉन्ग, तो मुझे वीक डे का स्ट्रिंग मिलेगा, और अगर मैं दूंगा मंथ लॉन्ग तो मुझे मंथ का स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ पहले कैंसोल में कि हम किस तरीके से इसको कॉल करेंगे। कैंसोल में चलते हैं यहाँ पे, और अपने डी वेरिएबल को यूज करके मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ टू लोकल डेट स्ट्रिंग इस तरह से। ठीक है, अब जो पहला आर्गुमेंट है इसका वो है लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है, और जो दूसरा आर्गुमेंट है उसमें हमने ऑप्शन प्रोवाइड करना है। ऑप्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, और वैल्यू इसकी क्या होगी। यहां से मैं जाता हूं और मुझे चाहिए लेट्स से कि वीक का नाम, तो मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा और इसमें यहां पर डाल दूंगा, और उसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा। तो ये देखो आज थर्सडे है और मुझे थर्सडे का स्ट्रिंग जो है वो मिल रहा है, और इसी को अगर मैं वीक से हटा के प्रॉपर्टी को मैं मंथ कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मंथ मिल रहा है। तो मंथ और जो डे का नेम है उसके लिए हम यूज करेंगे टू लोकल डेट स्ट्रिंग, और ईयर के लिए और डेट के लिए सिंपली हम गेट फुल ईयर और गेट डेट को हम कॉल कर लेंगे। ये तमाम जो मेथड्स हैं ये बिलोंग्स करते हैं जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट को, तो इसीलिए हमें डेट ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाने की जरूरत है। अब चलते हैं अपने कोड में, और हमें समझ में आ गया है कि हमने किस तरीके से इन डेट के जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वेब के ऊपर शो करवा देते हैं। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए डेट ऑब्जेक्ट का जो कि मैंने कंसोल में दिखाया था। वेरिएबल हमारा रेडी हो गया, अब इस वेरिएबल को यूज करके हम बारी बारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो सबसे पहले हम मंथ की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो मेथड है वो है टू लोकल डेट स्ट्रिंग, हमें डेट चाहिए इंग्लिश में। सेकंड पैरामीटर ऑब्जेक्ट होगा जिसकी प्रॉपर्टी होगी मंथ और वैल्यू होगी लॉन्ग, राइट। अब हम लेते हैं डे नेम को, यहां पर जो ऑप्शन की वैल्यू है वीक डे लॉन्ग, अब ले लेते हैं डेट को, और इसका जो मेथड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है गेट डेट, और लास्ट में लेते हैं ईयर को, इसको भी अपडेट कर देते हैं, और इसका भी जो मेथड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है गेट फुल ईयर। तो मेरे दोस्तों हमारा मिनी कैलेंडर रेडी हो गया। एक आखिरी मरतबा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो सारी फील्ड्स अपडेट हो गई जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर टू जिसके अंदर हमने एक मिनी कैलेंडर बनाया और जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट को यूज किया। तो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट नंबर थ्री की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है एड आइटम टू द लिस्ट, और हम एक बिगनर लेवल का टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी हमें तीन फाइल्स की जरूरत है, एक HTML की होगी, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। सबसे पहले हम हमेशा की तरह HTML को सेटअप करेंगे, फिर CSS लिखेंगे और लास्ट में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो HTML को सेटअप करते हैं और एक कंटेनर बना लेते हैं, एप्लीकेशन कंटेनर। अब इस एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर मैं एक और कंटेनर लेता हूं और इसका नाम देता हूं इनपुट कंटेनर। कंटेनर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम एलिमेंट्स को जो कि एक दूसरे से बिलोंग करते हैं उनको ग्रुप कर सके, हमें फिर CSS लिखने में आसानी होती है। और इस कंटेनर के बाहर लेकिन जो मेन कंटेनर है उसमें रहते हुए मैं एक कंटेनर और लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ टू डू कंटेनर, राइट। अब जो पहला कंटेनर है इसके अंदर मुझे एक चाहिए इनपुट, और इस इनपुट को मैं एक क्लास दे देता हूँ लेट्स से टू डू,
और साथ में मुझे एक चाहिए बटन, और इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ, एड टू डू, और यहाँ पे लिखूंगा एड आइटम, राइट। तो इनपुट कंटेनर के अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया इनपुट एलिमेंट को लेके, और इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, और साथ ही साथ मैंने एक बटन भी बना लिया, और इसको मैंने क्लास दी है एड टू डू। अब आ जाते हैं यहाँ पे टू डू पे। अब जो भी हमारे टू डू होंगे वो बेसिकली एक लिस्ट आइटम होंगे, तो हम यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं और इसको हम क्लास दे देते हैं, लेट्स से टू डू लिस्ट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं लिस्ट आइटम। हमें इनिशियली एक दो लिस्ट आइटम डालने की जरूरत है ताकि हम सीएसएस को रेडी कर सकें। अब लेट्स से कि एक हमारा जो टू डू है वो है डू होमवर्क, एक और डाल देते हैं इनिशियली, लेट्स से के गो फॉर वॉक, राइट। तो एप्लीकेशन की बेसिक एचटीएमएल कंप्लीट हो गई। एक मरतबा ब्राउजर में चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो ब्राउजर का रिजल्ट बहुत ही क्लियर है, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, बटन आ रहा है, और यहाँ पे हमने जो दो टू डूज एड की हैं वो भी शो हो रही है। अब चलते हैं और इसकी सीएसएस को लिखते हैं। तो वो सीएसएस फाइल यहाँ पे बनी हुई है, और वो फाइल यहाँ पे लिंक भी हुई हुई है। मुझे बस इस फाइल को एक दूसरे टैब में खोलना है, जो कि मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और हम जल्दी से इसकी सीएसएस को लिख देते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल बताने की जरूरत नहीं है, मार्जिन को जीरो करते हैं, हेडिंग को भी जीरो करते हैं, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, और उसके बाद बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, बॉडी को एक हाइट दे देते हैं 100 व्यू पॉइंट की, और थोड़ी सी बॉडी में हेडिंग भी डाल देते हैं। मैं इस टू डू एप्लीकेशन को पेज के सेंटर में नहीं लेके आ रहा, क्योंकि टू डू जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, तो बेहतर है कि हम टू डू कंटेनर को ऊपर की तरफ रखें। और अब हम टू डू कंटेनर को इस तरह से टारगेट कर लेते हैं। हम अपने टू डू कंटेनर को विड्थ देते हैं, लेट्स से के 30% ऑफ द बॉडी, और उसके फौरन बाद मैं इस कंटेनर को मार्जिन जीरो ऑटो के साथ सेंटर में लेके आ जाता हूँ। मार्जिन जीरो ऑटो एक पुरानी ट्रेडिशनल और बहुत ही यूजफुल टेक्निक है किसी भी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने के लिए। इसके ऊपर मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, मैं उस ट्यूटोरियल को लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ, तो आप बाद में इसको देख सकते हो। अब उसके बाद हम कंटेनर को बॉर्डर देते हैं, लेट्स से 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ब्लू एंड रेड की थीम बनाते हैं, और बॉर्डर रेडियस लेते हैं लेट्स से के 20 पिक्सल्स, और इसको भी हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं लेट्स से 1 रैम। अब टाइम आ गया, ब्राउजर में अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और रिजल्ट को चेक करते हैं। ये हमारा पेज है, इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखो हमारा जो भी सीएसएस था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर आते हैं और पहले इन दोनों एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं, और उसके बाद इस लिस्ट आइटम को अनऑर्डर लिस्ट को स्टाइल करेंगे। तो जो ऊपर का पोर्शन है हमारा वो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर है, इनपुट कंटेनर में। सिंपली मैं सबसे पहले इनपुट कंटेनर को टारगेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स करवाऊंगा, और उसके बाद मैं मार्जिन बॉटम डाल दूंगा लेट्स से 20 पिक्सल्स का। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने क्यों करवाया, डिस्प्ले फ्लेक्स करवाने से ये दोनों एलिमेंट्स हैं वो फ्लेक्स आइटम बन जाएंगे। उससे ये होगा कि इनकी जो हाइट है वो सेम रहेगी, मैं जब इसकी हाइट को बढ़ाऊंगा तो ये अपने आप को स्ट्रेच करके इसकी हाइट के बराबर ले आएगा। ये फ्लेक्स की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है और डिफॉल्ट करेक्टरिस्टिक है, और वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और अपने इनपुट एलिमेंट को, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके पास क्लास है टू डू, टू डू को लेके सेलेक्ट करते हैं। अब देखो मैं इसको देता हूँ हाइट लेट्स से 40 पिक्सल्स की, ठीक हो गया। अब जैसे मैं अपनी पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हम देखना कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी हाइट हो जाएगी 40 पिक्सल, और साथ ही साथ ये जो बटन है जो कि फ्लेक्स आइटम बन चुका है ये अपने आप को भी 40 पिक्सल कर लेगा। ये देखो ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो दोनों की जो हाइट है वो सेम हो गई। तो फ्लेक्स से हमारा काम बेसिकली बहुत आसान हो जाता है। अब फ्लेक्स की दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये बेसिकली ग्रो करेगा और जितने भी अवेलेबल स्पेस के ले सकता है ये ले लेगा। अब देखो टू डू के पास ही मैं रहता हूँ और टू डू को कहता हूँ फ्लेक्स ग्रो,
और इसको एक इंटीजर वैल्यू देता हूँ, लेट्स से के टू। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स ग्रो कर जाएगा और जो भी स्पेस अवेलेबल है वो इसको रिजर्व कर लेगा। ये देखो, तो फ्लेक्स ग्रो का बेसिकली ये काम होता है, ये किसी भी आइटम को ग्रो करवा सकती है और जो भी अवेलेबल स्पेस होती है वो उस आइटम को एलोकेट हो जाती है। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है फ्लेक्स की वो जीरो होती है। ये दोनों फ्लेक्स आइटम्स हैं, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो थी, तो मैंने इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ा के टू कर दिया। आप इसको वन भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को मजीद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज दे देते हैं। लेट्स से के मार्जिन राइट कर देते हैं 5 पिक्सल्स, हेडिंग भी 5 पिक्सल्स, एंड जो फोन साइज है उसको 1.3 रैम कर देते हैं। अब देखो रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन भी आ गया और इसका जो फोन साइज है वो भी बढ़ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम इस बटन को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसकी जो क्लास है वो है एड टू डू, और सबसे पहले इसको पैडिंग देते हैं। टॉप एंड बॉटम को हम जीरो कर देते हैं, लेफ्ट एंड राइट को हम लेट्स से के 10 पिक्सल कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मल से प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स से के फॉन्ट साइज को 1.2 रैम, बैकग्राउंड कलर को रेड करते हैं, टेक्स कलर को वाइट करते हैं, बॉर्डर को नन करते हैं और कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। अब रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो बटन हमारा स्टाइल हो गया, लेकिन जो टेक्स है वो मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। 1.2 के बजाय हम इसको 1.1 कर देते हैं। फिर से रिफ्रेश मारते हैं, अब जो है वो ठीक लग रहा है। तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन स्टाइल हो गया। अब आ जाते हैं इस नीचे वाले पोर्शन के ऊपर। अब नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास एक्चुअल टू डू लिस्ट है, तो सबसे पहले जो बुलेट्स हैं हम उनको हटा देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम उसको सेलेक्ट करते हैं उसकी क्लास को लेके, और यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको हम कर देते हैं नन। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो बुलेट्स आती हैं डिफॉल्ट वो खत्म हो जाएंगी। अभी देखो मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो ये देखो जो बुलेट्स थी वो यहाँ से रिमूव हो गए, और अब सिंपली ये जो लिस्ट आइटम्स हैं हम इनको स्टाइल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इनको विड्थ देते हैं 100% कि ये अपने पेरेंट कंटेनर में 100% एक्सपेंड कर जाएं, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम ब्लू एंड रेड की थीम बनाते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, हमारा कलर हमारा वाइट हो गया, और जो फॉन्ट साइज है उसको हम 1.2 रैम कर देते हैं, और तमाम जो एल ही है वो एक दूसरे के साथ मार्जिन को मेंटेन करेंगी। तो हम मार्जिन बॉटम देते हैं लेट्स से के 5 पिक्सल्स, और लास्ट में हम 5 पिक्सल्स के हेडिंग को डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट आइटम्स हैं वो भी स्टाइल हो गए। रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो हमारी जो लिस्ट आइटम्स हैं उनके ऊपर CSS अप्लाई हो गए। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल लेआउट वर्जन है जो कि रेडी हो गया, CSS कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ और इसको फंक्शनल बनाते हैं। तो CSS फाइल को मैं यहाँ से बंद करता हूँ, और जावास्क्रिप्ट फाइल हमेशा की तरह हमने बना के रखी हुई है और उस फाइल को HTML के साथ हमने जोड़ भी दिया है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं, और जाने से पहले हमने क्या करना है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल में हमने सेलेक्शन करनी है, हमने इस इनपुट एलिमेंट को अवेलेबल करना है, जो ये बटन है इसको भी हमने अवेलेबल करना है, इसके ऊपर क्लिक एवेंट फायर होगा, और उसके बाद जो टू डू है वो हमने प्रोग्राम करनी है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा बता दूँ कि आप देख सकते हो कि जो टू डू है बेसिकली ये एक लिस्ट आइटम है, राइट। हमने बेसिकली एक लिस्ट आइटम बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर बेस्ड ऑन जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे, और उस लिस्ट आइटम को हमने ऐड करवा देना है इस यूएल कंटेनर के अंदर। ये काम हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेना है, तो हमारी एप्लीकेशन डायनामिक बन जाएगी और फंक्शनल बन जाएगी। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं इस बटन को और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्लिक इवेंट। इसके पास क्लास है एड टू डू, तो मैं
यहाँ पे सेलेक्ट बटन एंड अप्लाई क्लिक इवेंट, राइट। तो बटन को हम सेलेक्ट करते हैं क्वेरी सेलेक्टर को लेके, और जो क्लास है वो है एड टेबल, और डायरेक्टली इसके ऊपर हम एड इवेंट लिस्नर को कॉल कर लेते हैं। हमें बटन का कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत बेसिकली नहीं है, और जो इवेंट है वो है क्लिक। जब क्लिक परफॉर्म होगा तो हम एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। अब इस छोटी सी डेवलपमेंट के बाद मैं फौरन अपने कोड को चेक कर लूंगा कि मेरा ये कोड यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं कंसोल में एक ओके का मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। पेज को रिफ्रेश मारते हैं और उसके फौरन बाद कंसोल को ओपन करते हैं। कंसोल में ऑलरेडी एरर आ रहा है, और ये जो एरर है ये बेसिकली सिलेक्शन को लेके है। हाँ, क्वेरी सिलेक्टर में हमने सिलेक्टर देना होता है, और ये क्लास है बेसिकली, तो हमें यहाँ पे डॉट लगाना है जो कि हम भूल गए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डॉट लगाना है। हमारी क्लास है एड टू डू। एक मरतबा और चेक कर लेते हैं कि जो क्लास है, जी हाँ, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एड टू डू। दोबारा से पेज को रिफ्रेश मारते हैं, और ये देखो जो एरर है हमारा वो यहाँ से गायब हो गया, ठीक हो गया। अब अगर इस बटन को क्लिक करूं तो यहाँ पे ओके का मैसेज आना चाहिए, जिसका मतलब यह हुआ कि हमारा बटन क्लिक के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ओके का मैसेज आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप देखो यहाँ पे लेआउट जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। इसको हम फ्लेक्स रैप के थ्रू सही कर सकते हैं, मीडिया क्यूरीज के थ्रू भी सही कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स रैप के लिए हमें दोबारा से CSS में जाना पड़ेगा, और ये हमारा बेसिकली इनपुट कंटेनर है, और यहाँ पे हमने फ्लेक्स अप्लाई किया था, और हम कहते हैं फ्लेक्स रैप और वैल्यू होगी रैप, राइट। तो इससे ये होगा कि जो एलिमेंट कंटेनर से बाहर जा रहा होगा वो रैप कर जाएगा, नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। तो अभी देखिए मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो क्या होगा कि हमारा जो आइटम जो कंटेनर से बाहर जा रहा था वो नीचे की तरफ उसने फॉल कर दिया। इन चीजों का ताल्लुक बेसिकली रिस्पॉन्सिव लेआउट से है, और इस कोर्स के अंदर मैंने इन चीजों को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अगर आप गौर करो तो मैं कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की CSS नहीं लिख रहा हूँ। सारा फोकस जो है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। CSS को आप जैसे चाहो इम्प्रूव करो, चेंज करो, अपनी मर्जी के हिसाब से लिखो। तो चलो ठीक हो गया, अब हमारा जो बटन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अब चलते हैं और मजीद डेवलपमेंट करते हैं। तो बटन हमारा काम कर रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में से, जो कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हमने उसको रीड करना है जब भी बटन पे क्लिक किया जाए। तो उसके लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने एक वेरिएबल बनाया टू टेक्स्ट, जिसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को सेव करेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स को पहले हमें सेलेक्ट करना है। उसके पास एक क्लास है टू, और इसके ऊपर हमने कॉल करना है वैल्यू प्रॉपर्टी को। वैल्यू प्रॉपर्टी बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट में रीड करती है। अब हम जो भी टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। ये काम भी हमारा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने एक ब्रांड न्यू li एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना है, राइट। तो HTML एलिमेंट्स बनाने के लिए हम बेसिकली क्रिएट एलिमेंट मेथड को यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बिल्कुल इस तरह का एलिमेंट बनाया जाएगा जो कि इस रेफरेंस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब हमने इस ब्रांड न्यू LE के अंदर क्या करना है, हमने इस टेक्स्ट को इंसर्ट करवा देना है। अब हम कर देंगे इंसर्ट टेक्स्ट इनटू LE, और LE के हम ऊपर हम कॉल करेंगे इनर टेक्स्ट, और असाइन करवा देंगे टू डू टेक्स्ट को। तो इस लाइन के बाद हमारे पास एक फंक्शनल LE तैयार हो जाएगा जिसके अंदर टेक्स्ट भी मौजूद होगा। मैं एक काम करता हूं कि यहां पर आके लॉक करता हूं LE वेरिएबल को, राइट, इस LE वेरिएबल को, और देखते हैं कि हमें लॉक के अंदर क्या मिलता है। अपने पेज को रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, लेट्स से गो होम क्लिक करते हैं,
तो ये देखो, पूरा का पूरा हमें एक LE एलिमेंट बना बनाया मिल रहा है और जिसके अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास LE लिस्ट आइटम तो बन गया, इसको हमने इसके कंटेनर में UL के अंदर ऐड करवा देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास UL है, इसके अंदर हमें इसको ऐड करवा देना है। UL के पास क्लास है टू डू लिस्ट, तो हमें इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम बाहर की तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं, इवेंट के बाहर की तरफ, क्योंकि हमने इसको एक ही मरतबा जो है वो सेलेक्ट करना है। तो कंसेंट टू डू लिस्ट क्वेरी सेलेक्टर, और जो क्लास है वो है टू डू लिस्ट। एक मरतबा नाम को डबल चेक कर लेता हूं, जी हाँ टू डू लिस्ट है, राइट। तो हमने जो लिस्ट कंटेनर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस टू डू लिस्ट के ऊपर हम कॉल करेंगे अपेंड चाइल्ड, राइट, क्योंकि हमने इसको, इस li को जो कि बेसिकली इस टू डू का चाइल्ड बनने वाला है, इसी वजह से हमने अपेंड चाइल्ड मेथड कॉल किया टू डू के ऊपर। और जो हमारी ब्रांड न्यू टू डू है जो कि हमने बनाई है वो हमने इसके अंदर अपेंड करवा देनी है। तो दोस्तों हमारी सिंपल सी टू डू एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो गई। ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश मारते हैं और कुछ नई टू डूज को ऐड करते हैं। कंसोल को यहाँ से बंद करता हूँ और अब देते हैं नई टू डू, लेट्स से के टेक बाथ ऐड, और ये देखो टू डू यहाँ पे ऐड हो गई। और उसके बाद डू जिम और टू डू यहाँ पे ऐड हो गए, राइट। तो हम यहाँ पे मजीद टू डू इस तरह से ऐड कर सकते हैं, हमारा जो कंटेनर है वो नीचे की तरफ ग्रो करता जाएगा। तो मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, तो बस लगे रहो, जुड़े रहो और अब चलते हैं अपने फोर्थ प्रोजेक्ट की तरफ। अपने प्रोजेक्ट नंबर 4th के अंदर हम एक सिंपल सी सादी सी लाइट एंड डार्क मोड एप्लीकेशन बनाएंगे। जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाते हैं तो उस वक्त हम लाइट एंड डार्क मोड के लिए दो डिफरेंट CSS फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक नॉर्मल CSS फाइल होती है और एक CSS फाइल डार्क मोड के लिए होती है। और जब हमको डार्क मोड एक्टिवेट करवाना होता है तो हम नॉर्मल CSS फाइल को डार्क मोड वाली CSS फाइल से रिप्लेस करवा देते हैं, और इस रिप्लेसमेंट के लिए हमें जरूरत पड़ती है जावास्क्रिप्ट की। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है लाइट एंड डार्क मोड को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हम CSS फाइल्स को आपस में स्विच नहीं करवाएंगे। उसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम एक सेलेक्टर को स्विच करवाएंगे, यानी कि एक अलग से CSS फाइल की जगह हमारे पास एक सेलेक्टर होगा जो कि डार्क मोड को एक्टिवेट करवाएगा। बात वही है कि हम स्विच करेंगे, टॉगल करेंगे, लेकिन एक अलग CSS फाइल के बजाय हम एक सेलेक्टर को यूज करेंगे। और उसका रीजन यह है कि मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को सिंपल रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो लगे रहो, जुड़े रहो और मेरे साथ आगे चलो। इस प्रोजेक्ट को कोड करने के लिए भी हमें 3 फाइल्स की जरूरत है जो कि मेरे पास मौजूद हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। CSS फाइल भी लिंक्ड है और जावास्क्रिप्ट फाइल भी लिंक्ड है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने HTML को सेटअप कर लेते हैं। तो हमें एक बटन चाहिए लाइट एंड डार्क मोड को टॉगल करवाने के लिए, और उसको हम एक क्लास भी देते हैं, लेट्स से लाइट एंड डार्क। और यहाँ पे इनिशियली हम लिखेंगे डार्क, क्योंकि जो डिफॉल्ट मोड है हमारा वो वाइट होगा। जब डिफॉल्ट मोड वाइट होगा तो बटन के ऊपर डार्क शो होना चाहिए, और जब डार्क मोड एक्टिवेट होगा तो बटन के ऊपर लाइट शो होना चाहिए। ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमें अपने पेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट चाहिए ताकि हम लाइट एंड डार्क मोड का जो भी इफेक्ट है उसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक हेडर लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ कि लाइट एंड डार्क मोड एप्लीकेशन, और उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, उसमें थोड़ा टेक्स्ट डाल लेता हूँ, लेट्स से के 50 वर्ड्स, और फिर एक हेडर लेता हूँ और इसमें कुछ डाल देता हूँ, और फिर एक पैराग्राफ लेके उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा टेक्स्ट की ज़रूरत है ताकि हम लाइट एंड डार्क मोड को एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये इस वक्त मुझे ब्राउजर में आउटपुट मिल रहा है, थोड़ी सी इसमें CSS डाल देते हैं, हमें ज़्यादा CSS की इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं है। तो CSS फाइल यहाँ पड़ी हुई है, इसको मैं एक डिफरेंट टैब में खोल लेता हूँ हमेशा की तरह। ये हमारी CSS फाइल यहाँ पे आ गई है, और तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन को हम 0 करते हैं,
हेडिंग को भी हम जीरो करते हैं और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स पे लाते हैं। और उसके बाद हम तमाम जो थोड़े से एलिमेंट्स हैं इनको यहाँ पे हम टारगेट कर लेते हैं। बटन H1, पैराग्राफ एंड H3, क्योंकि हमने मार्जिन यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है तो ये सारे के सारे चिपक जाएंगे एक दूसरे से। हम इन सब को एक मार्जिन बॉटम दे देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल्स का। ठीक हो गया, रिफ्रेश मारते हैं। ये देखो हमारा मार्जिन जो अप्लाई हो गया। इस बटन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमारे बटन के पास क्लास है लाइट एंड डार्क, इसको इस क्लास को यूज करके सिलेक्ट करते हैं और इसको बड़ा करने के लिए मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ इस तरीके से। रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो हमारा बटन जो था बड़ा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली एक सिलेक्टर बनाना है जो कि रिजर्व्ड होगा किसके लिए, डार्क मोड के लिए। ये डार्क मोड को एक्टिवेट करवाएगा। ये एक होगा एक क्लास सिलेक्टर। और डार्क मोड के लिए हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करवाना है और जो टेक्स्ट कलर है हमने इसको वाइट करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा रिजर्व सेलेक्टर है जो कि जावास्क्रिप्ट एक्टिवेट करेगा इस बटन के क्लिक होने पे। अब अगर ये जो सेलेक्टर है ये अगर मैं बॉडी पे यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँ क्लास डार्क, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो इस वक्त डार्क मोड में चली जाएगी। मैं दिखाता हूँ ब्राउजर में, देखो रिफ्रेश मारते हैं। ये देखो हमारा डार्क मोड अप्लाई हो गया, सेलेक्टर जो है वो अप्लाई हो गया। लेकिन ये काम हमने किस पे करना है, ये काम हमने इस बटन के क्लिक होने पे करना है और उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। तो अभी हम बॉडी से इसको यहाँ से रिमूव करवा देते हैं और ये काम हम अब करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इस CSS फाइल को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। और जावास्क्रिप्ट फाइल मेरे पास ये पड़ी हुई है, इस फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक भी किया हुआ है। तो चलते हैं अब जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट में हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने बटन को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर क्लिक इवेंट अप्लाई करना है, क्योंकि ये सारा काम हो रहा है ये इस बटन को क्लिक करने पे हो रहा है। और इसके पास क्लास है लाइट एंड डार्क, और क्लास अगर होगी तो हमें यूज करना पड़ेगा क्वेरी सेलेक्टर मेथड को। तो हम बटन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और जो सिलेक्टर है वो है लाइट एंड डार्क मोड। बटन सिलेक्ट हो गया और अब इसको हम दे देते हैं क्लिक इवेंट। उसके लिए हम यूज करते हैं एड इवेंट लिस्टनर मेथड को। एड इवेंट लिस्टनर मेथड के ऊपर मैंने काफी टाइम पहले एक कंप्लीट दो ट्यूटोरियल्स के ऊपर एक वो बनाया, लेक्चर बनाया, जो कि आप मेरे चैनल पर फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में और जानने की जरूरत है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये क्लिक इवेंट हमारा अटैच हो गया बटन के ऊपर और जब जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर सारा काम होगा। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे एक सिंपल सी लॉजिक कोड होगी और वो लॉजिक ये चेक करेगी कि अगर बॉडी के पास डार्क मोड का सिलेक्टर है तो इसको रिमूव कर दो और अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो। दैट्स इट। अब ये डार्क मोड सिलेक्टर बेसिकली है क्या, ये एक क्लास है, डार्क क्लास है। तो हमने ये चेक करना है कि बॉडी के पास डार्क क्लास है या नहीं है, अगर है तो रिमूव कर दो, नहीं है तो डाल दो। अगर तो ये लॉजिक समझ में आ गई है तो आगे चलो, अगर नहीं समझ में आई तो जुड़े रहो और लगे रहो, जब मैं कोड करूंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है लॉजिक की, कंडीशन की, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इफ स्टेटमेंट की। अब हमने किसकी क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करना है, किस एलिमेंट की क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करना है, वो बॉडी की। और बॉडी को हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी बन जाती है। अब इस बॉडी के ऊपर हम लगाएंगे क्लासलेस प्रॉपर्टी, ये बॉडी की तमाम क्लासेस को जावास्क्रिप्ट में ले आएगा। और क्लासलेस प्रॉपर्टी का जो मेथड है वो है कंटेन्स, जो के फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा कि बॉडी के पास क्लास है या नहीं है, और कंटेन्स में हम डालेंगे डार्क। सिंपल एंड एलिगेंट, बॉडी को सिलेक्ट किया, बॉडी की क्लासेस को जावास्क्रिप्ट में लेकर आए और अब उस क्लासेस में से हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें डार्क मौजूद है या नहीं है। तो एक काम करते हैं कि कंसोल लगाते हैं यहाँ पे, अगर हो तो मैसेज आ जाए कंटेन, और अगर ना हो तो मैसेज आ जाए डज नॉट कंटेन, राइट।
और अभी हमको पता है कि बॉडी के पास डार्क क्लास नहीं है, ये देखो बॉडी के पास क्लास नहीं है, तो जो मैसेज आएगा वो डज नॉट कंटेन का आएगा। चेक कर लेते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश मारते हैं और कंसोल खोलते हैं, ये हमारा कंसोल है, क्लिक करते हैं, ये देखो डज नॉट कंटेन आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि HTML में जाता हूँ और बॉडी में डार्क क्लास को डाल देता हूँ। ये हमारा HTML आ गया, मैं बॉडी में अप्लाई कर दूँ डार्क क्लास, फिर से रिफ्रेश मारते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो आ रहा है कि डार्क क्लास कंटेन, और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो डार्क मोड अप्लाई हो गया। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इस लॉजिक को हम फर्दर डेवलप कर देते हैं। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर बॉडी के पास डार्क क्लास है तो अंदर आ जाओ मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पर आके हम डार्क क्लास को रिमूव कर देंगे, और अगर बॉडी के पास डार्क क्लास नहीं है तो हम यहाँ आ जाएंगे एल्स में, और यहाँ पे हम बॉडी में डार्क क्लास डाल देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूँ, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे है कोड करने का, वो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं, नॉट कह लो या डज नॉट कह लो। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉडी के पास डार्क क्लास नहीं है, अगर नहीं है तो ऐड कर दो भाई, यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे, और अगर बॉडी के पास डार्क क्लास है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको रिमूव करवा देंगे। ऐड एंड रिमूव के लिए भी क्लास लिस्ट जो प्रॉपर्टी है इसके पास अपने मेथड है, तो हम क्या करते हैं कि अगर बॉडी के पास डार्क क्लास नहीं है तो हम बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, इसकी सारी क्लासेस को एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे हम एड मेथड को कॉल करके उसमें डार्क क्लास डाल देते हैं। और अगर बॉडी के पास डार्क क्लास है तो हम सेम काम करेंगे, बॉडी को बॉडी की क्लास लिस्ट में हम यहाँ पे रिमूव मेथड को कॉल करके क्लास को यहाँ से रिमूव करवा देंगे। ये देखो सिंपल सा काम था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, और लाइट एंड डार्क टॉगल जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब ब्राउज़र में चलते हैं, उससे पहले हमने यहाँ पे HTML में अप्लाई की थी क्लास को, इसको यहाँ से रिमूव कर देते, ठीक है। अब रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को भी खोल लेते हैं, तुम देखो एक एक क्लास किस तरीके से बॉडी में ऐड हो रही है। अच्छा मैं क्लिक करता हूँ डार्क, ये देखो डार्क क्लास यहाँ बॉडी के अंदर ऐड हो गई और सेलेक्ट जो था वो अप्लाई हो गया। क्लिक करता हूँ अगेन से, तो ये देखो डार्क क्लास मौजूद थी तो वो यहाँ से रिमूव हो गई, और जो सेलेक्टर के जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ से गायब हो गई। तो हमारा काम तकरीबन हो गया, अब हमने इस बटन को थोड़ा सा सही करना है। ये देखो ये तो सही है, जब ये लाइट मोड होगा तो यहाँ पे डार्क आना चाहिए, और जब डार्क मोड होगा तो यहाँ पे लाइट आना चाहिए, तो इसको भी जावास्क्रिप्ट में जाके फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब डार्क मोड ऐड होगा तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो लाइट होगा, तो बटन का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर हम डाल देते हैं लाइट, और इसका जो अपोजिट काम है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम डाल देंगे डार्क। दैट्स इट मेरे दोस्तों, हमारा लाइट एंड डार्क मोड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं ब्राउजर में और इसको एक आखिरी मरतबा रिफ्रेश मार के चेक करते हैं। तो पेज को रिफ्रेश मारते हैं, कंसोल को बंद करते हैं, क्लिक करते हैं डार्क पे, ये देखो डार्क मोड अप्लाई हो गया और यहाँ पे आ रहा है लाइट। भाई वापस जाना है लाइट पे, तो लाइट पे क्लिक करो, लाइट मोड अप्लाई हो गया और यहाँ पे आ रहा है डार्क। तो दोस्तों हमने सिंपल सी लाइट एंड डार्क मोड टॉगल एप्लीकेशन बनाई, कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट नंबर 5 में हम शो एंड हाइड पासवर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। ये इंटरेस्टिंग भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। तुम लोगों ने वेब के ऊपर देखा होगा शो एंड हाइड का फंक्शन, आज खुद से कोड कर लो और देखो कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम तीन चीजें लर्न करोगे। नंबर 1, HTML में आइकन्स किस तरह से ऐड होते हैं। नंबर 2, टेक्स्ट बॉक्स के साथ आइकन को किस तरह से जोड़ा जाता है। एंड नंबर 3, ये जो शो पासवर्ड है ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से करवाया जाता है। तो बस लगे रहो, जुड़े रहो और लर्न करते रहो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी हमें 3 फाइल्स की जरूरत है, हमेशा की तरह एक HTML की फाइल होगी, एक CSS की होगी और एक जावास्क्रिप्ट की होगी। CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स HTML के साथ ऑलरेडी लिंक्ड हुई है, ठीक है। यहाँ पे CSS है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है।
अब सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की HTML को सेटअप कर लेते हैं। अब हमेशा की तरह हम एक कंटेनर बनाते हैं, इसको नाम देते हैं पासवर्ड कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हमें पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वो बना लेते हैं और इसको आईडी देते हैं पास, और प्लेस होल्डर में डाल देते हैं पासवर्ड। ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा ब्राउजर में और उसकी टाइप होगी पासवर्ड। टाइप पासवर्ड से क्या होगा, जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में, वो रिप्लेस हो जाएगा एस्टेरिक से। इसको हम कहते हैं मास्किंग। अभी देखो मैं तुमको ब्राउजर में दिखाता हूँ। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा उसकी जगह यहाँ पे एस्टेरिक्स आएंगे। ठीक है, ये पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है। जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स होता है उसकी टाइप होती है टेक्स्ट, ये टाइप होती है, और इस नॉर्मल में क्या होता है, हमें क्लियर टेक्स्ट दिखाई देता है। ये देखो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो क्लियर टेक्स्ट में नजर आएगा। तो एक हमारे पास इनपुट की टाइप है टेक्स्ट, और जो दूसरी टाइप है वो है पासवर्ड। अब अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो शो एंड हाइड पासवर्ड की एप्लीकेशन है इसमें काम क्या हो रहा होता है। इसमें बेसिकली ये जो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू है इसको बेसिकली हम चेंज करवा रहे होते हैं। जब हमें पासवर्ड को शो करवाना है तो हम टाइप की वैल्यू को पासवर्ड से टेक्स्ट करवा देंगे, और जब वापस करवाना है तो हम टेक्स्ट को हटा के उसकी जगह वैल्यू पासवर्ड डाल देंगे, और ये काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो मैंने तुम लोगों को अभी से बेसिक आइडिया दे दिया कि काम क्या होने वाला है जावास्क्रिप्ट में। लगे रहो, जुड़े रहो, इंटरेस्टिंग है और मजा आएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने यहाँ पे एक आई आइकन को लेके आना है। अब आइकन के लिए हमारे पास बहुत सी जगह है, हम फॉन्ट ऑसम पे जा सकते हैं, वहां से आइकन ला सकते हैं, वहां पे फ्री आइकन मिलते हैं। हम गूगल फॉन्ट पे जा सकते हैं और वहां से भी आइकन ला सकते हैं। फॉन्ट ऑसम और गूगल के अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप आइकन्स ले सकते हो। मैं इस प्रोजेक्ट में आइकन लूंगा गूगल से, तो चलो गूगल पे चलते हैं और वहां से हम आई का आइकन लेके आते हैं। अब देखो तुमने करना क्या है, ब्राउजर में एक टैब खोलना है और इस टैब में सर्च करवा देना है गूगल आइकन्स। सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा fonts.google.com। ठीक है, जो आइकन्स होते हैं बेसिकली उनको फॉन्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, वो बेसिकली फॉन्ट ही होते हैं। हम क्या करते हैं कि क्लिक करते हैं गूगल फॉन्ट्स पे, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ ये देखो हमारे पास सारे आइकन्स हैं वो आ रहे हैं। अब इन आइकन्स को हमने लेके किस तरीके से जाना है, पहले तो हम सर्च करते हैं वो आइकन जो हमें चाहिए। हमें चाहिए आई का आइकन, तो आई को सर्च करवाते हैं। तो देखो सबसे ऊपर ही जो पहले दो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें हमारे पास विजिबिलिटी आई का ऑप्शन आ रहा है और विजिबिलिटी ऑफ आई का ऑप्शन आ रहा है। हमें ये इन दोनों की जरूरत है। जब पासवर्ड को हमने विजिबल करवाना होगा तो ये आइकन यूज होगा, और जब विजिबिलिटी बंद करवानी होगी तो ये आइकन यूज होगा। ठीक है, इनिशियली हमने इसको लेना है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कहीं पे छोटी सी विंडो खुल जाएगी। ये देखो ये विंडो खुल गई। अब यहाँ पे मैं अगर नीचे की तरफ जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि इस आइकन को हमने इंसर्ट किस तरीके से करवाना है। ये जितने भी आइकन्स होते हैं ये बेसिकली प्रोग्राम होते हैं किसी भी इनलाइन एलिमेंट्स में। अब जैसे कि ये जो स्पैन है एक इनलाइन एलिमेंट है, और ये इस आइकन का कोड है, ये मैंने डालना है उठा के अपने HTML में, और उसके बाद इस कोड को रेंडर करवाना है एक आइकन के अंदर। और उसकी इंफॉर्मेशन मेरे वेब ब्राउजर के पास नहीं है कि ये जो कोड है जिसके पास एक क्लास है मटेरियल सिंबल आउटलाइन और ये जो टेक्स्ट है विजिबिलिटी, ये किस तरह से एक आई के आइकन में ट्रांसलेट होगा, रेंडर्ड होगा, वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस API लिंक से। ये गूगल की API लिंक है, तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए। अभी देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ इनपुट के नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आइकन का जो कोड था वो आ गया, लेकिन अभी मुझे आइकन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे ब्राउजर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस कोड को मैंने आइकन बनाना है या नहीं बनाना। वो इसको एक नॉर्मल स्पैन टैग की तरह ट्रीट करेगा जिसके अंदर ये टेक्स्ट मौजूद है, और ये टेक्स्ट हमारे ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगा। ये देखो ये हमारा ब्राउजर है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो विजिबिलिटी यहाँ पे आ रही है। तो हमारे ब्राउजर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इस API लिंक की जरूरत है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने HTML के हेड सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे इस लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, ये मेरा लिंक जो था पूरे का पूरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ये जो स्पैन टैग है मेरा यहाँ पे, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा आई आइकन के अंदर। रिफ्रेश मारता हूँ पेज को, ये देखो मुझे यहाँ पे आई आइकन जो है वो मिल गया। तो ये तरीका है बेसिकली गूगल से आइकन्स को लेने का। और अगर तुम फॉन्ट ऑसम से भी लोगे या किसी और प्लेटफॉर्म से भी लोगे तो आइकन्स तुमने इसी तरीके से ऐड करने हैं। आइकन का एक कोड होता है और उसके बाद प्लेटफॉर्म की एपीआई होती है, लिंक होता है जो कि तुमने साथ में लेना होता है। अच्छा अब देखो कि मैंने ये वाला आइकन ऐड किया, ठीक है। इसका जो कोड है उसके अंदर एक क्लास है जो कि डिफॉल्ट क्लास है, हम चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबिलिटी ऑफ, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबिलिटी। अब अगर मैं विजिबिलिटी ऑफ वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका कोड एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है विजिबिलिटी ऑफ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं विजिबिलिटी के टेक्स्ट को विजिबिलिटी ऑफ के साथ रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे बेसिकली ये आई शट वाला आइकन मिल जाएगा। और ये मैं तुमको एचटीएमएल में करके दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास जो आइकन है उसका टेक्स्ट है विजिबिलिटी, मैं अंडरस्कोर के साथ यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ, तो यही हमारा जो आइकन है वो आई शट वाला आइकन बन जाएगा। रिफ्रेश मारता हूँ मैं पेज को तो चेक करना कि आइकन हमारा चेंज हो गया। तो हमको दो चीजें पता चल गई हैं। पहली चीज ये कि पासवर्ड को शो और हाइड किस तरह करवाना है, उसके लिए हमें इस टाइप एट्रीब्यूट के साथ खेलना है। और दूसरी चीज ये कि आंख को बंद और खोलना किस तरीके से है, उसके लिए हमें इस विजिबिलिटी को ऑफ कर देना है, और जब आंख को खुलवाना है तो यहाँ से ऑफ को हटा देना है। और अगर हम इस काम को अच्छे से कर लेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाएगी। अब इससे पहले कि हम जावास्क्रिप्ट में जाएं, सबसे पहले इसकी सीएसएस को लिख लेते हैं। तो सीएसएस फाइल को मैं यहाँ साइड में खोल लेता हूँ। ये सीएसएस फाइल आ गई। और तुम लोगों को पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मार्जिन को जीरो करते हैं, हेडिंग को भी जीरो करते हैं और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अब उसके बाद मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बॉडी को हाइट देता हूँ 100 व्यू पोर्ट की, और इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लेट्स से के ब्लू, और बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स करवा के जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करता हूँ। वही पुरानी टेक्निक सेंटर में लाने के लिए अलाइन आइटम्स को भी मैं सेंटर करवा देता हूँ। उससे क्या होगा, हमारा ये जो कंटेनर है पूरा का पूरा ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। देखो रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो सारा का सारा हमारा जो कंटेंट है वो पेज के सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पासवर्ड कंटेनर को पकड़ता हूँ, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंटेनर है, पासवर्ड कंटेनर, और इसको मैं देता हूं एक बैकग्राउंड कलर येलो ले लें, या एक काम करते हैं कि येलो ग्रीन ले लेते हैं। अभी अगर पेज को रिफ्रेश मारते हैं तो हमें कंटेनर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, येलो ग्रीन सा बैकग्राउंड के अंदर। अब इस कंटेनर पे मजीद प्रॉपर्टीज डालते हैं और इसके साइज वगैरह को सेट कर देते हैं। तो मैं साइज लेट से कंटेनर का कर लेता हूँ विड्थ 400 पिक्सल्स। विड्थ के बाद देते हैं बॉर्डर रेडियस और लेट्स से के 5 पिक्सल्स की, और थोड़ी सी हेडिंग डाल देते हैं 10 पिक्सल्स की। तो ये काम हमने किस पे किया, ये काम हमने किया इस पासवर्ड कंटेनर के ऊपर। अब रिफ्रेश मारते हैं पेज पे तो तुम्हें अब दिखाई देगा बड़ा सा कंटेनर दिखाई दे रहा है। अब इस कंटेनर के ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंटेनर है, राइट। अब क्या करते हैं कि इस कंटेनर को बनाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्ट जो होती है वो रो होती है, जस्टिफायर कॉन्टेंट को सेंटर करते हैं और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर करते हैं। तो फ्लेक्स अप्लाई करने से क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे, उनके ऊपर ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम अप्लाई हो जाएगा। अब देखो मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ तो क्या होगा, अब देखो दोनों एलिमेंट सेंटर में आ गए और अलाइन आइटम्स ने उनको एक लाइन के अंदर अलाइन भी कर दिया। अब काम करते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। अब जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके पास कोई क्लास नहीं है, आईडी है, तो इसका यहाँ पे एक आईडी सिलेक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है उसको कर देता हूँ 90%, यानी कि वो कंटेनर का 90% अब ले लेगा। देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो हमारे टेक्स्ट बॉक्स ने कंटेनर का पूरा 90% ले लिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का जो फॉन्ट साइज है उसको 16 पिक्सल कर देता हूँ 1 रैम, और जो आउटलाइन होती है उसको नन कर देता हूँ, और जो बॉर्डर है मैं उसको भी नन कर देता हूँ, और साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको कर दूंगा ट्रांसपेरेंट,
तो ये कलर ले लेगा किसका, अपने कंटेनर का जो कि येलो है। अब देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो इस तरीके का मुझे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। तो अब तुम देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली यहाँ पे मौजूद है, लेकिन CSS को यूज करके हमने उसको इस तरीके से बना दिया कि वो अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, उसका जो बैकग्राउंड था वो खत्म हो गया। और अब तुम देखो यहाँ पे आई का जो आइकन है ये कोने पे आके कितना जबरदस्त लग रहा है। अब देखने में किस तरह की फील आ रही है, देखने में इस तरह की फील आ रही है कि ये आई का जो आइकन है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जुड़ा हुआ है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी अमेजिंग चीजें जो है वो CSS से हो सकती हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ CSS को यूज करके इस टेक्स्ट बॉक्स को कंटेनर के अंदर ट्रांसपेरेंट करवा दिया। अभी मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो देखो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ तक जाएगा और इससे आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मेरा खत्म हो रहा है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ राइट में, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा, मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे आकर रुक जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा लेआउट मुकम्मल हो गया, CSS कंप्लीट हो गई, हमने आई आइकन को गूगल से ला के आसानी के साथ इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ यहाँ पे अटैच करवा दिया। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में और इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको प्रोग्राम कर लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का ना काम बड़े मजे का होना है और बड़ा सिंपल सा काम है। पहले तो मैं CSS को यहाँ से बंद कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें इन दोनों एलिमेंट्स की जरूरत है, इसके पास आईडी है हम इसको उठा सकते हैं आईडी से, स्पैन के पास आईडी नहीं है, हम क्या करते हैं कि स्पैन को एक आईडी एट्रीब्यूट दे देते हैं। लेट्स से कि हम इसको कहते हैं कि इसकी आईडी है आई। अभी जो आई का आइकन है जिसकी आईडी हमने आई दी है, ये हमें जावास्क्रिप्ट में चाहिए और इसके ऊपर हमने क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाना है, क्योंकि जब इस पे क्लिक होगा तो इनपुट अपने टाइप एट्रीब्यूट को चेंज करेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और इस फाइल को मैंने लिंक भी किया हुआ है। तो चलते हैं इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर और दोनों एलिमेंट्स को बारी बारी सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले करते हैं इनपुट को, और इनपुट की जो आईडी है मेरे पास वो है पास, और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आइकन को। जो आईडी है वो है आई, ठीक है। अब आई आइकन के ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक इवेंट प्रोग्राम करना है। तो आई आइकन के ऊपर हम लगाएंगे एड इवेंट लिस्ट ना, इवेंट होगा क्लिक, और जब क्लिक होगा तो हम एक फंक्शन को कॉल करवा लेंगे और इस फंक्शन के अंदर हमने प्रोग्राम करना है। अपने कोड को जल्दी से कंसोल में चेक कर लेते हैं कि अगर हम आई आइकन के ऊपर क्लिक करें तो हमें ये ओके का मैसेज मिलना चाहिए। पेज को रिफ्रेश मारते हैं और अपना कंसोल खोलते हैं, क्लिक मारते हैं आई आइकन पे, ये देखो हमें यहाँ पे ओके मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आई आइकन जो है वो क्लिक के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो मेरे दोस्तों यहां तक हमारा काम हो गया। अब हमने करना क्या है, जब आई आइकन के ऊपर क्लिक हो तो हमने पासवर्ड को विजिबल करवाना है, और जो डिफॉल्ट होता है वो क्या है कि पासवर्ड जो है वो हिडन होता है, राइट। अभी जो पासवर्ड हिडन डिफॉल्ट है, हम इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम एक बूल वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम कहते हैं शो पासवर्ड, और ये शुरू से क्या है फॉल्स है, यानी कि फॉल्स का मतलब है कि पासवर्ड जो है वो हिडन है। जब ये ट्रू होगा तो उसका मतलब है कि पासवर्ड हमने शो करवाना है। यहां तक बात समझ में आ गई है, तो आगे चलो। तो डिफॉल्ट हमने फैसला कर लिया कि डिफॉल्ट हमारा हिडन है, हमारा शो पासवर्ड वेरिएबल फॉल्स है। जब हम फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे अपने आई आइकन के ऊपर तो हमने इसको चेंज करवाना है ट्रू में, जब सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे तो हमने अपने शो पासवर्ड को चेंज करवाना है ट्रू से फॉल्स में, थर्ड टाइम क्लिक करेंगे तो हमने इसको दोबारा से फॉल्स से ट्रू में चेंज करवाना है। ये बेसिकली वेरिएबल है वो दो स्टेट्स के अंदर स्विच कर रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लाइन ऑफ कोड है जो कि हम लिखते हैं इस तरीके से। ये लाइन ऑफ कोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी फेमस लाइन ऑफ कोड है। ये क्या करती है, ये बेसिकली स्विच करती है बिटवीन टू स्टेट्स के दरमियान। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉजिकल नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वेरिएबल असाइनमेंट के दोनों तरफ मौजूद है, सेम वेरिएबल। तो अब क्या होगा, पासवर्ड की वैल्यू है फॉल्स, जब मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट टाइम तो नॉट फॉल्स ये चेंज हो जाएगा ट्रू में, तो यहाँ पे ट्रू असाइन हो जाएगा। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो शो पासवर्ड की वैल्यू ट्रू थी, तो नॉट ट्रू क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, तो शो पासवर्ड के अंदर
फॉल्स असाइन हो जाएगा। तो हर क्लिक के ऊपर हमारा जो शो पासवर्ड है वो दो स्टेट्स के दरमियान घूमता रहेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब एक काम करते हैं कि कंसोल में जाते हैं और शो पासवर्ड को वहां पे प्रिंट करवाते हैं, पेज को रिफ्रेश मारते हैं तो शो पासवर्ड हमारा फॉल्स है, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो ट्रू आ गया, दोबारा क्लिक करूंगा फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो गया फॉल्स। तो ये दो स्टेट्स के दरमियान हमारा शो पासवर्ड जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है। अब इस शो पासवर्ड वेरिएबल की बेस पे हमने अपने इनपुट एलिमेंट का जो ये टाइप एट्रीब्यूट है इसको चेंज करवाना है, टाइप पासवर्ड से टेक्स्ट में और फिर टेक्स्ट से पासवर्ड में। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास सेट एट्रीब्यूट का मेथड मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ शो पासवर्ड, यानी कि अगर शो पासवर्ड की वैल्यू ट्रू है तो क्या करो, इनपुट एलिमेंट के ऊपर कॉल करो सेट एट्रीब्यूट को, और कौन सा एट्रीब्यूट हमने सेट करवाना है, जो एट्रीब्यूट हमने सेट करवाना है या चेंज करना है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, वो है टाइप। तो पहला जो पैरामीटर है वो है एट्रीब्यूट का नाम, ये देखो ये एट्रीब्यूट है टाइप। और जब पासवर्ड शो करवाना होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनपुट के टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू टेक्स्ट कर दी, कब, जब शो पासवर्ड की वैल्यू होगी ट्रू। अगर ऐसा नहीं है और शो पासवर्ड की जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो होगी फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, सेट एट्रीब्यूट को दोबारा से कॉल करेंगे और जो टाइप एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को दोबारा से पासवर्ड करवा देंगे। तो मेरे दोस्तों ये लो प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। चलते हैं जरा ब्राउजर में इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं और कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, ABC 123 क्लिक करते हैं, ये देखो पासवर्ड हमारा विजिबल हो गया। दोबारा से क्लिक करते हैं और ये पासवर्ड हमारा दोबारा से मास्क हो गया, जबरदस्त काम हो गया, एप्लीकेशन हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने छोटा सा काम क्या करना, कि इस आई आइकन को भी चेंज करवाना है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा आई आइकन है मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल को लिखूंगा और उसकी जो टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे कॉल करूंगा। जब पासवर्ड शो होगा तो हमने हाइड वाले आइकन को लेके आना है, वो हाइड वाले आइकन की वैल्यू क्या है, विजिबिलिटी अंडरस्कोर ऑफ। मैं यहां से विजिबिलिटी को कॉपी करता हूँ, यहां पे लिखता हूँ और अंडरस्कोर ऑफ कर देता हूँ। और जब पासवर्ड शो नहीं हो रहा होगा तो हमने यहाँ पे आई आइकन विजिबिलिटी वाला शो करवाना है। लो जी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जबरदस्त काम हो गया। आई होप जो कुछ भी मैंने समझाया है बताया वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं ब्राउजर में, आखिरी मरतबा अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और एप्लीकेशन को चेक करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, कंसोल को बंद करते हैं और पासवर्ड लिखते हैं ABC 3, क्लिक करते हैं आइकन के ऊपर, ये देखो पासवर्ड विजिबल हो गया और यहाँ पे आई का आइकन भी जो है वो चेंज हो गया। अब हमने पासवर्ड छुपाना है तो ये हमने बंद किया, हमारा पासवर्ड भी छुप गया और यहाँ पे आई का आइकन भी विजिबिलिटी में आ गया। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। और 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने आधा कोर्स कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा प्रोजेक्ट नंबर 6 है गेस द नंबर गेम, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसमें तुम लोगों की लॉजिक बिल्डिंग होगी और कुछ जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड लाइक ऑलवेज इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें 3 फाइल्स की जरूरत है, एक HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की। तीनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की HTML को सेटअप करते हैं। पूरी एप्लीकेशन को हम एक कंटेनर में लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एप्लीकेशन कंटेनर, राइट। अब इस एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर मुझे 2 मजीद कंटेनर चाहिए, एक मेरा गेम का कंटेनर होगा और एक मेरा प्ले अगेन का कंटेनर होगा, ठीक है। तो मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ गेम पैनल कर देता हूँ, और दूसरा कंटेनर बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा प्ले अगेन पैनल, राइट।
राइट, तो ये दो कंटेनर्स हैं मेरे पास जो कि एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। अब पहले प्रोग्राम करते हैं इस गेम पैनल को। अब इस गेम पैनल के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें गेम का लेआउट चाहिए, हमें एक हेडर चाहिए जिसको हम क्लास देते हैं टाइटल, और इसमें डाल देते हैं गेस द नंबर गेम। और उसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं, इसके अंदर हम यूजर इंफॉर्मेशन डाल देंगे लाइक गेस नंबर बिटवीन 1 to 10, राइट। अब इसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इसमें यूजर नंबर को इनपुट करेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम आईडी देते हैं यूजर इनपुट, इसकी क्लास भी कर देते हैं सेम यूजर इनपुट, ठीक हो गया। और लास्ट में हमें एक बटन चाहिए, बटन ले लेते हैं, इसको क्लास देते हैं btn चेक, आईडी भी दे देते हैं और यहां पे लिखते हैं चेक, ठीक हो गया। अब इस बटन के नीचे हमें एक और पैराग्राफ चाहिए जिसके अंदर हम हिंट शो करवाएंगे लाइक के गेस हायर है या लोअर है, ठीक है। तो हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसको क्लास देते हैं हिंट की, और इनिशियली इस पैराग्राफ की सीएसएस लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे कि योर गेस इज लोअर। तो ये हमारा गेम पैनल जो है वो कंप्लीट हो गया, हमें इससे ज्यादा एचटीएमएल इस गेम पैनल में नहीं चाहिए। अब जरा ब्राउजर में रिफ्रेश मारते हैं, इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है ब्राउजर में, जैसे कि हमने चाहा था सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जो दूसरा पैनल है हमारा वो है प्ले अगेन पैनल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक पहले एक पैराग्राफ लेंगे, इसके अंदर हम रिजल्ट को शो करवाएंगे लाइक यू वॉन और यू लॉस्ट। लॉस्ट होता नहीं है, इंसान विन ही कर लेता है इसके अंदर। हम यहाँ पे लिख देते हैं यू वॉन, ठीक है, इनिशियली हम ये लिख रहे हैं, और बाद में हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे कि गैस ये था, तुमने सही गैस किया, इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं और इसको एक टेक्स्ट देते हैं प्ले अगेन, और इसको भी एक आईडी देते हैं btn प्ले अगेन एंड क्लास btn प्ले अगेन, ठीक है। ये देखो प्रोजेक्ट की हमारी HTML कंप्लीट हो गई, हमने एक कंटेनर लिया एप्लीकेशन कंटेनर जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट मौजूद है। इस एप्लीकेशन कंटेनर को हम पेज के सेंटर में ले आएंगे, उसके बाद हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक गेम पैनल का है और एक प्ले अगेन का है। इन दोनों कंटेनर्स के दरमियान एक इंटरेक्शन होगा, एक शो होगा एक टाइम में, स्टार्ट करेंगे हम इससे, जब गेम हमारा ख़त्म हो जाएगा तो ये कंटेनर हमारा गायब हो जाएगा और ये कंटेनर हमारा सामने आएगा। अभी देखो पेज को रिफ्रेश मारते हैं तो हमारे पास ये दोनों कंटेनर आ रहे हैं, ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर। अब चलते हैं सीएसएस से, सीएसएस से इन दोनों कंटेनर्स को कुछ शक्ल दे देते हैं। तो सीएसएस फाइल हमने बना के रखी हुई है, फाइल यहाँ पे लिंक भी हुई हुई है, तो इस फाइल को मैं एक डिफरेंट टैब के अंदर खोल लेता हूँ, यहाँ पे हमें सीएसएस लिखने में आसानी होगी। और सीएसएस में तुम लोगों को पता ही है यार कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम रीसेट कर देते हैं, हेडिंग को भी जीरो करते हैं और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम बॉडी को टारगेट करते हैं, बॉडी को एक हाइट देते हैं 100 व्यूपोर्ट की, और उसके बाद बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं लेट्स से डार्क ब्लू का। अब यहाँ पे हम फ्लेक्स के थ्रू इस पूरे कंटेनर को बॉडी के सेंटर में ले आएंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। बॉडी को करवाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब तो तुम लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए यार, हम कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं पीछे जिसके अंदर हम फ्लेक्स को यूज़ कर रहे हैं। और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करते हैं और अलाइन आइटम्स को भी हम सेंटर करते हैं, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश मारते हैं तो तुम देखोगे कि सीएसएस अप्लाई हो गई, पूरे का पूरा कंटेनर हमारा यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इस कंटेनर को ऊपर आते हैं और बारी बारी इनको स्टाइल कर लेते हैं। तो पकड़ते हैं अपने इस एप्लीकेशन कंटेनर को, और इसको हम पहले देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, लेट्स से कि हमारी बॉडी का कलर डार्क ब्लू है तो हम इसको कर देते हैं ब्लू,
और उसके बाद इसके अंदर हम पैडिंग डाल देते हैं 1 RAM की, जो कि 16 पिक्सल्स के बराबर होता है, और इसको हम देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, तो व्हाइट एंड ब्लू का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इसके बाद हम अपने कंटेनर को एक विड्थ देते हैं, और विड्थ में कर देता हूँ लेट से के 40% ऑफ बॉडी कर देता हूँ। अब जरा पेज को रिफ्रेश मारते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हमें क्या रिजल्ट दे रही हैं। ये देखो रिफ्रेश मारा मैंने और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेलेक्टर HTML को सेलेक्ट नहीं कर रहा है। अमूमन क्या होता है कि सेलेक्टर की स्पेलिंग के अंदर मसला होता है। ये है एप कंटेनर, और यहाँ पे जो क्लास है, देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, आई और ए को हमने स्विच कर दिया। ठीक है, अब ये जो है काम करेगा। दोबारा से रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो हमारा कंटेनर शो हो रहा है यहाँ पे। और अब आ जाते हैं कंटेनर के अंदर, बाकी जो चीजें हैं उनको बारी बारी स्टाइल करते हैं। अब कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम इस टाइटल को पकड़ते हैं और इसको फॉन्ट साइज देते हैं लेट से के 4 RAM, और इसके कलर को हम वाइट कर देते हैं। अच्छा, कलर हमने सभी का वाइट करवाना है, तो हम एक काम करते हैं कि हम ऊपर जाते हैं, ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है, हम यहाँ पे कलर वाइट डाल देते हैं। ठीक है, तो वाइट कलर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और फिर हमें इंडिविजुअली अपने एलिमेंट्स को वाइट कलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं कि एक बॉर्डर बॉटम दे देते हैं 2 पिक्सल्स का सॉलिड वाइट। ठीक है, ये हमारा जो टाइटल है वो स्टाइल हो गया। रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो हमारा टाइटल आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 4 RAM फॉन्ट साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अगर इतना ही बड़ा साइज रखना है तो फिर हम इस कंटेनर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। दूसरा काम यह है कि हम साइज को, फॉन्ट साइज को कम भी कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम कंटेनर के साइज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश मारते हैं, अभी भी हमें साइज के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक आ रहा है। अब विड्थ को नहीं बढ़ाते हैं कंटेनर की, बल्कि ये जो फॉन्ट साइज है इसको 3.5 RAM कर देते हैं। फिर से रिफ्रेश मारते हैं, अब जो है वो बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो हमारा टाइटल रेडी हो गया और उसके नीचे जो है वो अंडरलाइन भी आ रहा है। अब टाइटल के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, गेस द नंबर बिटवीन 1 to 10, इसको स्टाइल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कर देते हैं। अच्छा, इसके पास क्लास नहीं है, तो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ लेट से इन्फो, और जो भी स्टाइल हम इसके ऊपर डालेंगे वो स्टाइल हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। के काम करते हैं कि ये जो इन्फो क्लास है इसको हम कॉमन कर देते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो इन्फो क्लास जो है वो शेयर्ड क्लास हो गई इन दो के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इन्फो को पकड़ते हैं यहाँ पे, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक फोन साइज दे देते हैं लेट से के 1.5 RAM का, और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम कर देते हैं बोल्ड। ठीक हो गया, तो ये जो है वो दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो, ठीक है, दोनों पैराग्राफ्स हमारे यहाँ पे स्टाइल हो गए। अब आ जाते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर और बटन के ऊपर, दोनों का स्टाइल कर लेते हैं। जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके पास यहाँ पे ये क्लास है यूजर इनपुट, और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, इसकी जो आउटलाइन है उसको नन करते हैं, बॉर्डर को भी नन करते हैं, और बॉर्डर रेडियस देके इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंडेड कर देते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा के कर देते हैं 1.2 RAM, और इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करते हैं, इसको थोड़ी सी हम हेडिंग देते हैं लेट्स से के 10 पिक्सल्स की इसको हेडिंग देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल हो गया। रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो टेक्स्ट बॉक्स हमारा ठीक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम पकड़ेंगे अपने चेक बटन को, ये हमारा इंपॉर्टेंट बटन है। तो इसकी जो क्लास है हमारे पास वो है BTN चेक, इसको हम जो बॉर्डर है इसका वो नन करते हैं, इसके बैकग्राउंड को हम कर देते हैं डार्क ब्लू, जो कि हमारे बॉडी के बैकग्राउंड का कलर है, और जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको कर देते हैं वाइट। उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं हेडिंग देके 15 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स, इसके ऊपर जो कर्सर होगा उसको पॉइंटर कर देते हैं, फोन साइज है उसको भी हम 1.2
रन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा बटन भी जो है स्टाइल हो गया, रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो हमारा बटन भी यहाँ पे स्टाइल हो गया। अब इसके बाद जो चीज रह गई है वो ये वाला प्ले अगेन का बटन है, इसको भी जल्दी से स्टाइल कर लेते हैं। तो ये हमारा है प्ले अगेन का बटन। इस बटन के ऊपर भी हमने तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज लगानी है जो कि हमने चेक वाले बटन के ऊपर लगाई है, लेकिन हम प्ले अगेन का जो बटन है उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं कि प्ले अगेन की जो ये क्लास है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बी टी एन प्ले अगेन। ठीक है, तो प्ले अगेन हमारा ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ले लेगा, लेकिन साथ ही साथ हम नीचे की तरफ प्ले अगेन का अलग से एक सिलेक्टर बना के सिर्फ जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ओवरराइड कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो हमारा प्ले अगेन भी जो है वो स्टाइल हो गया। रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो हमारा प्ले अगेन का बटन भी स्टाइल हो गया, हमारा लेआउट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। दो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी कर देते हैं। एक क्या है कि हम तमाम एलिमेंट्स को इस कंटेनर के सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली जाऊंगा इस एप्लीकेशन कंटेनर के पास। ये मेरा एप्लीकेशन कंटेनर है और यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा, एप्लीकेशन के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो अपने आप को सेंटर अलाइन कर लेगा। देखो मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखो पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी सेंटर अलाइन हो गई। ये तो एक इम्प्रूवमेंट थी। तो दूसरी इम्प्रूवमेंट है वो ये कि हम थोड़ा सा गैप डाल देते हैं ये जो एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान। हम शुरू करते हैं टाइटल से, टाइटल के पास आते हैं और लेट्स से कि इसको मार्जिन बॉटम देते हैं हम 20 पिक्सल्स का, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। और उसके बाद जो मेरे इन्फो हैं यानी कि जो पैराग्राफ्स हैं उनको भी देता हूँ, यूजर इनपुट को देता हूँ, और बटन्स को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट में आएंगे। चलो डाल देते हैं, बटन के पास भी डाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने सबको मार्जिन बॉटम दे दिया। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी इन बिटवीन। अब देखो रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो अच्छी खासी स्पेस आ गई, अब खुला खुला अच्छा लग रहा है। अब देखो हमारा गेम लेआउट रेडी हो गया और हमने इसकी CSS कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो प्ले अगेन द कंटेनर है इसको हाइड करवा देंगे। ये कब शो होगा, जब गेम हमारा गेस हो जाएगा, गेस कंप्लीट हो जाएगा, तब हमने इस प्ले अगेन के कंटेनर को शो करवाना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम CSS में जाएंगे और यहाँ पे हम एक हाइड का सेलेक्टर बना के रख लेंगे। ठीक है, इसकी क्लास होगी हाइड और ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले नन करवा देगा। जिसके ऊपर भी ये क्लास अप्लाई होगी हाइड, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन हो जाएगी और वो HTML से गायब हो जाएगा। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारा जो है वो प्ले अगेन का पैनल है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको हाइड क्लास डाल देता हूँ। मैं रिफ्रेश मारूंगा वो तुम देखोगे प्ले अगेन का जो पैनल है वो यहाँ से गायब हो गया। और जब मुझे ये शो करवाना होगा मैं यहाँ से हाइड क्लास को निकाल के जो गेम पैनल है उसके अंदर मैं हाइड क्लास डाल दूंगा। अब मेरा गेम पैनल हाइड हो जाएगा और प्ले अगेन का जो पैनल है वो शो हो जाएगा। ये देखो रिफ्रेश मारता हूँ, गेम पैनल गायब हो गया और प्ले अगेन का पैनल सामने आ गया। ये काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो गेम पैनल है वो बाय डिफॉल्ट शो होगा, तो हम यहाँ से हाइड क्लास को निकाल देते हैं और ये जो प्ले अगेन का पैनल है इसको हम यहाँ पे हाइड करवा देते हैं। और उसके बाद हमने इस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट डाला था ताकि हम इसकी CSS लिख लें, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक खाली क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और ये वाला जो टेक्स्ट है यू वॉन, इसको हम पढ़े रहने देते हैं क्योंकि ये अभी हाइड हुआ हुआ है। जब इसको शो करवाएंगे तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको हम चेंज कर देंगे। तो दोस्तों मैं अपनी CSS फाइल को यहाँ से बंद कर रहा हूँ, लगे रहो जुड़े रहो क्योंकि अब वक्त आ गया है जावास्क्रिप्ट का। देखो जावास्क्रिप्ट फाइल मेरे पास बना के मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये फाइल यहाँ पे लिंक भी है। अब इससे पहले हम जावास्क्रिप्ट में चलें, ये फाइंड आउट कर लो कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन किन किन एलिमेंट्स से करनी है। हमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए। देखो हमें ये इनपुट चाहिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे हम अपना गेस लिखेंगे। ये जो चेक बटन है इसके ऊपर सारा जो है वो गेम प्लान होगा। ये हिंट वाला चाहिए, यहाँ पे हम हिंट देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे हम रिजल्ट शो करवाएंगे और ये हमारा बटन होगा प्ले अगेन का। तो हमें कोई 5 के करीब एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन हम इनको एक साथ सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम इनको जब टाइम आता जाएगा सेलेक्ट करते जाएंगे। लेकिन ये जो दो एलिमेंट्स हैं ऊपर के ये हमने फौरी सेलेक्ट करने हैं। तो अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट में और इनकी जो क्लासेस हैं, इनकी जो IDs हैं, बेसिकली क्लास से भी कर सकते हैं, इनकी जो IDs हैं यूजर इनपुट और BTN चेक,
इन दोनों को लेके इनको जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल करवाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इनपुट को, कॉन्स्टेंट यूजर इनपुट, और जो आईडी है वो है यूजर इनपुट। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं चेक बटन को, और इसकी जो आईडी है वो है btn चेक। इस चेक बटन के ऊपर हमने क्लिक इवेंट प्रोग्राम करना है, तो btn चेक के ऊपर हम कॉल करते हैं एड इवेंट लिस्टनर मेथड को। इवेंट हमारा होगा क्लिक, और जब ये इवेंट रेज होगा तो हम सिंपली एक फंक्शन को कॉल करवा देंगे। ठीक है, अब यहां तक जो हमने डेवलपमेंट किए इसको जल्दी से कंसोल लॉग में चेक कर लेते हैं। ये जरूरी होता है कि छोटी छोटी डेवलपमेंट्स के बाद हम कंसोल लॉग में चेक करें, अगर कोई भी एरर हो तो उसको यहीं पर सॉल्व कर लें। अपने पेज को रिफ्रेश मारते हैं और उसके बाद कंसोल खोलते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखो ओके का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो परफेक्टली फाइन है, काम कर रहा है। अब जो पूरा का पूरा गेम है और जो लॉजिक है वो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर प्रोग्राम होनी है, बटन के क्लिक के ऊपर प्रोग्राम होनी है। अब इससे पहले कि हम लॉजिक को प्रोग्राम करें, हमें ये देखना है कि हमारे पास डाटा क्या है, क्योंकि लॉजिक डाटा के ऊपर प्रोग्राम होती है। हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं डाटा की, एक है यूजर इनपुट जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे, और एक है रैंडम नंबर जो कि हमने जनरेट करवाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू 1 से लेके 10 तक। तो पहले ये देख लेते हैं कि रैंडम नंबर्स किस तरीके से बनते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैथ ऑब्जेक्ट है और इसके पास एक फंक्शन होता है रैंडम। ठीक है, ये जो रैंडम फंक्शन है ये बेसिकली हमें नंबर देता है 1 से कम, 0 से 0.99 की रेंज में ये रैंडम फंक्शन हमें नंबर देता है। ठीक है, ये 1 से कम होता है। अब चलते हैं कंसोल में और देखते हैं कि हमें वहां पे क्या नंबर्स मिल रहे हैं। रिफ्रेश मारते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखो हमें यहाँ पे रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल के अंदर, और ये सारे के सारे 1 से कम है, ये 0 से 0.99 की हमें रेंज में मिलते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी नंबर मिल रहा है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे जो नंबर चाहिए वो 10 तक की रेंज में चाहिए। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं और क्लिक करूं तो तुम देखोगे कि मुझे ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यूज मिलना शुरू हो गई। अब ये जो इंटीजर वैल्यूज हैं ये मुझे हमेशा 0 से 9 तक मिलेंगी, मुझे 10 कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस नंबर से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 होगा ही नहीं, वो हमेशा 1 से कम होगा। तो मुझे 9 मिलेगा, मुझे 10 नहीं मिलेगा, और मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि जो रैंडम नंबर है वो 0 भी जनरेट करवा सकता है। अगर वो 0 जनरेट करवाएगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0 मुझे 0 मिल जाएगा। उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है वो है 0.99, और 0.99 से जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर वैल्यू है वो 9 मिलेगी, मुझे 10 नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम राउंड के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के पास एक फंक्शन है मैथ डॉट सील, सील जो है वो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करता है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है मैथ डॉट फ्लोर, जो फ्लोर फंक्शन है वो नीचे की तरफ राउंड ऑफ करता है। तो हमने जो फंक्शन यूज करना है वो है सील, कि अगर हमें 0 वाली वैल्यू मिले तो वो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करके 1 बन जाएगी, और जो 9 वाली वैल्यू होगी वो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होके 10 बन जाएगी। तो इस तरह हमें दोनों मिनिमम और मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, 1 भी मिलेगा और 10 भी मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मुझे रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से, मैं उसको सिंपली मैथ डॉट सील के अंदर पास करवा दूंगा, ये उस रिजल्ट को राउंड ऑफ कर देगा ऊपर की तरफ। अब मुझे जो रैंडम नंबर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1 से लेके 10 की रेंज में, और यही मुझे चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए। अभी देखो मैं रिफ्रेश मारता हूँ और क्लिक करता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो मुझे रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं, मुझे 1 मिला और 10 भी मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे दोनों लोअर बाउंड
और अपर बाउंड मिल रहे हैं, और बीच के अंदर जो भी रेंज है 1 से लेकर 10 तक वो मुझे मिल रही है। तो रैंडम नंबर्स का डाटा हमने जनरेट करवा लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो हमने चेक किया, अब हमें सही रिजल्ट मिल रहा है, तो हम एक काम करेंगे कि हम एक अलग से फंक्शन बना लेंगे और हम कहेंगे गेट रैंडम नंबर। तब कभी भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमें एक रैंडम नंबर दे देगा, और हमें एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है एक राउंड के लिए। तो हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं और हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमें एक रैंडम नंबर मिल जाएगा। अब हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब इस इवेंट से ऊपर जब यह फाइल लोड होगी, तो इस इवेंट से ऊपर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर रैंडम नंबर, और यहाँ पे हम गेट रैंडम नंबर जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस फाइल को लोड करेंगे एक रैंडम नंबर यहाँ पे कॉल हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर का रैंडम नंबर होगा, उसको हमने इस वेरिएबल में सेव कर लिया। रैंडम नंबर के बाद जो दूसरा हमारा डाटा है जिसको हमने अवेलेबल करना है वो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यूजर नंबर, और टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं वैल्यू प्रॉपर्टी के थ्रू। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये जो वैल्यू प्रॉपर्टी है ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको रिटर्न कर देती है। तो हमारे पास अब दोनों चीज़ें आ गई, हमारे पास एक रैंडम नंबर भी आ गया, और यूजर जो भी गेस करेगा वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम लोग हर क्लिक के ऊपर रीड कर लेंगे इस वेरिएबल के अंदर। अब इस यूजर इनपुट वेरिएबल को हमने वैलिडेट भी करवाना है, क्योंकि यूजर कोई भी इनपुट डाल सकता है, और यू एज ए प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल कि आपने देखना है कि जो डाटा आ रहा है वो वैलिड है भी या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम फौरन ही एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, कॉल करेंगे इज नॉट अ नंबर फंक्शन को, और इसमें पैस करवा देंगे यूजर नंबर को। इज नॉट अ नंबर जो फंक्शन है वो चेक करता है कि जो वैल्यू पास कराई गई है वो नंबर है या नहीं है। अगर वो नंबर नहीं है, इसका नाम है नॉट अ नंबर, अगर ये नंबर नहीं है तो ये मेथड हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर यहाँ से हमें ट्रू मिलेगा तो इसका मतलब है कि यूजर ने नंबर नहीं लिखा, यूजर ने हो सकता है कोई स्ट्रिंग लिख दिया हो या कोई दूसरा करेक्टर डाल दिया हो। तो इस केस के अंदर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक और केस भी बनता है यहाँ पे कि ये भी हो सकता है कि यूजर ने यूजर इनपुट को जो भी नंबर वो डाल रहा है एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं जो कि हमने वैलिडेट करवाने हैं, ठीक है। तो अगर नंबर नंबर नहीं है या फिर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एम्प्टी छोड़ दिया गया है, तो अब हम यहाँ पे एक्शन लेंगे, और वो एक्शन क्या होगा, हम यूजर को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करवाने के लिए हमारे पास पैराग्राफ है, हमारे पास यहाँ पे ये हिंट वाला पैराग्राफ है, तो इसके अंदर हम मैसेज शो करवाएंगे। अब जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्योंकि जो हिंट है वो एक क्लास है हिंट, और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इन वैलिड नंबर प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके फौरन बाद जो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो हम नीचे कोट करेंगे, वो है रिटर्न। ये रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, ये रिटर्न इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को यहीं पे खत्म कर देगा। यानी कि जैसे ही इनवैलिड इनपुट प्रोग्राम में आएगा हम ये मैसेज शो करवाएंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को यहाँ पे स्टॉप कर दो। रिटर्न प्रोग्रामिंग के अंदर दो काम करता है, और इत्तेफाक से देखो कि दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं। रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करता है किसी भी फंक्शन से या मेथड से, और रिटर्न एक फंक्शन और मेथड की एग्जीक्यूटिंग को स्टॉप करता है। जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, इस फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाएगी, इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। अब एक काम करते हैं कि ब्राउज़र में चलते हैं और इनवैलिड इनपुट देके चेक करते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही। देखो रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेश मारते ही लग रहा है कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, और
सेमी कॉलन की जगह बेसिकली हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, तो जो एरर है बेसिकली यहाँ पे कॉलन को हटा के यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब फिर से रिफ्रेश मारते हैं और कंसोल पे आते हैं और इसको एम्प्टी छोड़ते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड नंबर प्रोवाइडेड। अब दोबारा से रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नैन वाला जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, यहाँ पे कोई इनवैलिड टेक्स्ट देते हैं जो कि नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर, क्लिक करते हैं, ये देखो इनवैलिड नंबर प्रोवाइडेड। ठीक है, हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो काम कर रही है, तो हमारी ये वाली लॉजिक कंप्लीट हो गई और रिटर्न लगा के हमने इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को रोक दिया। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमने अपने गेम को प्ले करवाना है, लेकिन यहाँ पर भी हमने एक कंडीशन को चेक करवाना है, वो ये कि हमने ये भी तो चेक करना है कि जो नंबर इनपुट किया जा रहा है वो 1 से लेके 10 के दरमियान है भी या नहीं है, अदरवाइज हमें फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कंप्यूटर के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालें। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करवाएंगे, चेक यूजर इनपुट इंटरवल। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ यूजर नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, एट द सेम टाइम यूजर नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, राइट। अगर यूजर नंबर या जो भी यूजर ने इनपुट किया है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो 1 से लेके 10 की रेंज में है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा गेम प्ले, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल्स लेंगे और इस एल्स के अंदर हम दोबारा से एरर मैसेज प्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है। तो ये हमारी सेकंड वैलिडेशन है, ये हमारी फर्स्ट वैलिडेशन है और ये हमारी सेकंड वैलिडेशन है, यहाँ पे मैं एन को मिस कर गया। अब जरा ब्राउजर में चल के इस डेवलपमेंट को भी चेक करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 11, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, चेक, ये देखो इंसर्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लर्न कर रहे हो ना कि किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग हो रही है। अब जो पूरा गेम प्ले होगा वो बेसिकली यहाँ पे होगा, ठीक है, अगर नंबर वैलिड है और प्रोवाइडेड है इस रेंज के अंदर, यहाँ पे बेसिकली अब सारा गेम प्ले होगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 3 चीजें चेक करनी है, 3 स्टेटमेंट्स होंगी इफ की, एक चेक करेगी कि यूजर का जो गैस है वो कंप्यूटर के नंबर से कम है, दूसरी चेक करेगी यूजर का गैस कंप्यूटर के नंबर से ज्यादा है, तीसरी चेक करेगी यूजर का जो गैस है वो कंप्यूटर के नंबर के इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल होगा तो आप गेम जो है वो जीत जाओगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ यूजर नंबर इज ग्रेटर देन, और जो कंप्यूटर नंबर है यहाँ पे कंप्यूटर रैंडम नंबर वेरिएबल के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर रैंडम वेरिएबल का नाम, तो अगर यूजर का गैस कंप्यूटर के गैस से ज्यादा है तो हम यूजर को हिंट देंगे, क्या हिंट देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, अगर गैस ज्यादा है तो हम लिखेंगे यूर गैस इज हायर, ये हिंट मिल जाएगी यूजर को। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर यूजर का जो नंबर है वो कम हो कंप्यूटर का जो गैस रैंडम नंबर है, तो हम इसका अपोजिट काम करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूर गैस इज लोअर। अब जो तीसरी कंडीशन है वो हमारी विनिंग कंडीशन है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ यूजर नंबर इज इक्वल टू कंप्यूटर रैंडम नंबर, अगर ये कंडीशन मैच करती है तो इसका मतलब है हुर्रा हम गेम जीत गए। और फिर इस वक्त हमने क्या करना है, इस वक्त हमने डिफरेंट काम करवाना है, इस वक्त हमने अपने ये जो प्ले अगेन का कंटेनर है इसको शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्ले अगेन के कंटेनर को यहाँ जावास्क्रिप्ट में, ये क्लास है तो हमें क्वेरी सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी तमाम क्लासेस को लेके आते हैं और यहाँ से हम रिमूव मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, क्लास लिस्ट इस कंटेनर की तमाम क्लासेस को जावास्क्रिप्ट में लेके आएगी, और जो रिमूव मेथड है वो फिर हम क्लासेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, और कौन सी क्लास मैंने रिमूव करवानी है, मैंने करवानी है हाइड क्लास को
रिमूव, और इसके साथ ही साथ जो गेम प्ले कंटेनर है यहाँ पे, ये वाला गेम पैनल वाला, या गेम प्ले कह लो या गेम पैनल कह लो, ये हमारा गेम पैनल कंटेनर है। इसको हमने क्या करवाना है, हाइट करवाना है। हाइट किस तरह कराएंगे, इस क्लास को हमने रिमूव किया है, इसको यहाँ पे ऐड करवा देंगे। तो गेम प्ले कंटेनर को फौरन ही यहाँ पे इसी तरीके से सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर को यूज करके इस तरीके से, और क्वेरी सेलेक्टर है यहाँ पे, मुझे पीरियड साइन लगानी पड़ेगी और यहाँ पर भी पीरियड साइन लगाना पड़ेगी, और इसके ऊपर भी हम पहले इसकी तमाम क्लासेस को एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे अब हम क्लासेस के ऊपर ऐड मेथड को कॉल करेंगे और जो हाइट क्लास है यहाँ पे ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, पहला वाला ये है शो प्ले अगेन कंटेनर, और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे हम कर रहे हैं हाइड गेम पैनल कंटेनर। अब एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम मजीद कोड लिखें, ब्राउजर में जाते हैं और ये सारी डेवलपमेंट को चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये देखो कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे फिलहाल, इसको बंद करते हैं कंसोल को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से के नंबर 5। ये देखो योर गैस इज लोअर, तो मैं यहाँ पे बढ़ा के लिखता हूँ 10, नहीं 7 सॉरी, योर गैस इज हायर, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने जो जो नंबर रेंडमली सेलेक्ट किया है वो है 6। ठीक है, अब जब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा चेक के ऊपर, तो ये कंटेनर गायब हो जाएगा और दूसरा वाला कंटेनर आ जाना चाहिए। ये देखो अब ये जो हमारे पास कंटेनर आ गया है, ये प्ले अगेन का कंटेनर है, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम डालेंगे विनिंग मैसेज। तो यहाँ तक हमारा कोड सिंपली काम कर रहा है। अच्छा, अब विनिंग मैसेज भी डाल देते हैं। विनिंग मैसेज हमने किस में डालना है, वो हमें डालना है इस पैराग्राफ के अंदर, और इसके पास क्लास है रिजल्ट, और इस पैराग्राफ को हम जाते हैं और यहाँ पे जो हमारी विनिंग कंडीशन है इसी में रहेंगे, और यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को क्वेरी सेलेक्टर के साथ सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और इसका भी जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं के योर गैस इज राइट, इट वॉज ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये विनिंग मैसेज हो गया। हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, योर गैस इज राइट एंड इट वॉज कंप्यूटर रैंडम नंबर, जो भी कंप्यूटर का रैंडम नंबर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जरा चेक करते हैं इसके ब्राउजर में, रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि रैंडम गैस लेट्स से के 5 से शुरू करते हैं, योर गैस इज हायर ओके 3 करते हैं, योर गैस इज स्टिल हायर तो 1 करते हैं, और ये देखो मैं जीत गया और यहाँ पे आ रहा है योर गैस इज राइट इट वॉज 1। ठीक है, ये काम भी हमारा हो गया, जो जो रिजल्ट था और जीतने का जो मैसेज था वो भी हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमने इस प्ले अगेन को प्रोग्राम करना है। अच्छा, प्ले अगेन का प्रोग्राम क्या होगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में और इसके ऊपर हम पेज रिफ्रेश अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे उससे क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट दोबारा से ब्राउजर में लोड होगी और हमें गेम जो है वो शुरू से खेलने को मिलेगा। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जावास्क्रिप्ट लोड हुई और गेम हमारा दोबारा से शुरू हो गया। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे ये प्ले अगेन का बटन है, इसके पास ये आईडी है। तो एक काम करते हैं कि अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और इस बटन को यहाँ सबसे आखिर के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को लेके इसको इस तरीके से सेलेक्ट करवाते हैं और इसके ऊपर डायरेक्टली एड एवेंट लिस्टनर को अप्लाई करते हैं, एवेंट होगा क्लिक, जब क्लिक होगा तो हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पेज उसके लिए विंडोज लोकेशन के ऊपर रीलोड का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी पेज को रीलोड करवा देंगे। जैसे ही हम रीलोड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट दोबारा से शुरू से यहाँ से लोड होना शुरू हो जाएगी और हमारा जो सब कुछ है डाटा वगैरह वो सब रीसेट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये देखो ज़बरदस्त गेम था, हमने इसको प्रोग्राम किया, कंप्लीट हो गया। और तुमने देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर लर्न की हैं, लॉजिक देखा है कि किस तरीके से बिल्ड होती है और सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। अब चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, इसको आखिरी मरतबा चेक करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, आप 5 डालते हैं, चेक योर गेस इज लोअर, ठीक है 10 डाल देते हैं। ओह माय गॉड, ये तो 10 था, ऐसी किस्मत कभी कभार होती है। चलो देखो योर गेस इज राइट, इट वॉज 10। अब क्लिक करते हैं प्ले अगेन को और पेज रिफ्रेश होगा और ये देखो दोबारा से हमारे पास गेम दोबारा से खेलने के लिए आ गया। दोबारा डालते हैं यहाँ पे, चलो अब काम करते हैं कि 10 डालते हैं, देखते हैं कि किस्मत साथ दे रही नहीं दे रही। नहीं भाई नहीं दे रही साथ, हर वक्त किस्मत साथ नहीं देती। योर गेस इज मच हायर, यहाँ पे करते हैं 1, योर गेस इज लोअर, के 5 करते हैं, स्टिल लोअर, 7 देख लेते हैं, हायर, तो इसका मतलब है हमारा जो गेस है वो 6 होना चाहिए। चेक करते हैं, ये देखो इट वॉज राइट, इट वॉज 6, प्ले अगेन और ये दोबारा से एप्लीकेशन आ गए। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, लगे रहो और जुड़े रहो, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 6 था, राइट। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट नंबर 7 की। तो मेरे दोस्तों लगे रहो और जुड़े रहो, अब वक्त आ गया है कि हम अपने 7th प्रोजेक्ट को कोड करें। हमारा 7th प्रोजेक्ट भी पहले के प्रोजेक्ट्स की तरह इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा चीजें तुम लोग लर्न करने वाले हो। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम CSS वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। एप्लीकेशन मैं तुम लोगों को शुरू में दिखा चुका हूँ, एक मरतबा यहाँ पे और दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। हमारे पास एक इमेज होगी और दो स्लाइडर होंगे, रेंज स्लाइडर, एक स्पेसिंग का होगा और एक ब्लर का होगा। ये दोनों स्लाइडर जो हैं इनको हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करेंगे। स्पेसिंग का स्लाइडर स्पेस इंट्रोड्यूस करवाएगा इमेज के अंदर और जो ब्लर का स्लाइडर है वो इमेज को ब्लर करेगा। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो चलो देखते हैं कि इसको किस तरह से कोड करना है। तो एज यूजुअल हमें 3 फाइल्स तो चाहिए ही चाहिए हैं, एक HTML के लिए, एक CSS के लिए और एक जावास्क्रिप्ट के लिए। इसके साथ ही साथ हमें एक इमेज की भी जरूरत है, इमेज को मैंने अपने कोड एडिटर में डाल दिया है। ये एक ऐसे ही अच्छी सी नेचर की पिक्चर है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, इसको हम CSS के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। तो चलते हैं और डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो HTML है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमने रेंज स्लाइडर्स कोड करने हैं। सबसे पहले हम डिव ले लेते हैं एप्लीकेशन को रैपअप करने के लिए, इसको हम कहेंगे एप्लीकेशन कंटेनर। अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव लूंगा और यहाँ पे मैं ग्रुप करूंगा कंट्रोल्स को, ठीक है। कंट्रोल्स हमारे क्या हैं, हमारे कंट्रोल्स होंगे रेंज स्लाइडर्स। उसके बाद एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे एक और डिव लूंगा जिसको मैं नाम दूंगा इमेज कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली अपनी इमेज को डाल दूंगा, इमेज का मेरा नाम है नेचर डॉट जेपीजी और मैं इस इमेज को एक क्लास दे देता हूँ IMG करके, ठीक है। तो इमेज मैंने डाल दी, अब आ जाते हैं कंट्रोल्स वाले डिव में। यहाँ पे मैंने दो इमेज स्लाइडर बनाने हैं, एक बनाना है मैंने स्पेसिंग के लिए और दूसरा बनाना है मैंने ब्लर के लिए, ठीक है। इमेज स्लाइडर किससे बनता है, इनपुट एलिमेंट से बनता है जब इसकी टाइप होती है रेंज, राइट। ये हमारे पास एक रेंज स्लाइडर बन गया। अब एक दूसरा रेंज स्लाइडर बनाते हैं, ये होगा ब्लर के लिए, इसके भी टाइप होगी रेंज। हमने यहाँ पे इनको नेम देना है, वो जरूरी है क्योंकि इनका जो हम नेम यहाँ पे देंगे CSS में, हमने उन्हीं नामों के साथ वेरिएबल्स बनाने होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, फिर इसकी CSS लिखेंगे, बाद में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, तब तुम लोगों को खुद ब खुद रियलाइज होगा कि किस तरह से चीजें आपस के अंदर कनेक्ट हुई है। तो जो पहला इनपुट है स्पेसिंग वाला, इसको मैं नाम देता हूँ स्पेसिंग का और जो दूसरा इनपुट है इसको मैं नाम देता हूँ ब्लर का। तो CSS में जब हम स्पेसिंग और ब्लर का वेरिएबल बनाएंगे तो हमने यही नाम वहां पे चूज करने होंगे। ये काम करने के बाद हमने अपने रेंज स्लाइडर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को कोड करना है।
मिनिमम के लिए हम मिनिमम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 10 होगी, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो स्पेसिंग होगी इमेज की वो 10 पिक्सल्स होगी, और जो मैक्सिमम हम रखते हैं वो रखे हैं 100 पिक्सल्स की। अब जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो है वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्टिंग के अंदर हमारी इमेज के पास जो स्पेसिंग होगी वो 10 पिक्सल की होगी, राइट। तो हमारे स्पेसिंग इमेज स्लाइडर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 है, मैक्सिमम 100 हो सकती है, और इनिशियल वैल्यू जो है वो भी 10 है, यानी कि इनिशियली 10 पिक्सल की जो स्पेसिंग है वो हमारी इमेज पे होगी, और ये इसके साथ मैच भी कर रही है। अब आ जाते हैं अपने ब्लर वाले पे। ब्लर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 पिक्सल्स होगी, और इसको हम मैक्सिमम ले जाएंगे लेट से के 25 पिक्सल्स के ऊपर। यहाँ पे आके इमेज जो है वो बहुत ही ब्लर हो जाती है, और इसके बाद इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी 0। हो सकता है अभी तुम लोगों को ये चीजें समझ ना आ रही हो, लेकिन जब हम इनको कनेक्ट करेंगे सीएसएस के साथ और देन कनेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, तब तुम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारी HTML यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अपने पेज को ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखो ये इस वक्त हमारे पेज का आउटपुट आ रहा है, और इमेज का साइज बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे लेबल्स देना भूल गए, ठीक है। हम जाते हैं और जाके इन दोनों रेंज स्लाइडर्स को एक लेबल दे देते हैं। पहला वाला जो इमेज स्लाइडर है हमारा, इसको हम देते हैं लेबल स्पेसिंग, और जो दूसरा वाला है इसको हम देते हैं ब्लर, ठीक हो गया। रिफ्रेश मारते हैं पेज को, और ये देखो यहाँ पे आ रहा है लेबल, आ गया स्पेसिंग का और ब्लर का। अब चलते हैं सीएसएस में और इसकी सीएसएस को लिखते हैं। सीएसएस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सीएसएस इंपॉर्टेंट है। तो सीएसएस फाइल बनी पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको एक डिफरेंट टैब में खोल देते हैं। फाइल को मैंने ऑलरेडी अटैच भी किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे HTML के साथ ये अटैच हुई है, ठीक है। तो जब भी हम CSS लिखेंगे वो डायरेक्टली अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। मैं काम करता हूँ कि ये जो टैग्स हैं इनको हम डिफरेंट मल्टीपल लाइंस में ब्रेक भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इनपुट ब्रेक हो गया, और ये हमारा दोनों इनपुट को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया मल्टीपल लाइंस के अंदर, हमें अब अच्छे से दिखाई देगा। अब चलते हैं, और सबसे पहले हमेशा की तरह भूलने वाली बात नहीं है कि मार्जिन को 0 करते हैं, हेडिंग को भी 0 करते हैं, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अब रीसेट करने के बाद मैं यहाँ पे बॉडी वगैरह को टारगेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इस इमेज कंटेनर को टारगेट करूंगा और इस इमेज के साइज को कम करूंगा। इससे ये होगा कि फिर हम जब बाकी की सीएसएस लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ब्राउजर के अंदर क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इमेज कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको विड्थ देता हूँ 50%, मैंने इसको बॉडी का 50% बना दिया, और साथ ही साथ मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो। ये बैकग्राउंड कलर येलो जो है वो बेसिकली शो होगा जब हम स्पेसिंग को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अच्छा, ये काम करने के बाद अब मैं टारगेट करूंगा जो इसके अंदर इमेज है, और इमेज को मैंने रिस्पॉन्सिव बनाना है ताकि वो इस कंटेनर के अंदर आके फिट हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंटेनर को बेसिकली एक विड्थ देते हैं, और फिर इमेज को हम फोर्स करते हैं कि तुम इस कंटेनर के अंदर 100% एक्सपेंड कर जाओ। ये टेक्निक है रिस्पॉन्सिव इमेजेस को कोट करने की। वैसे तो बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये वन ऑफ देम है कि आप इमेज कंटेनर को एक साइज देते हो, ये साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमेज को जो आप साइज दोगे वो आप दोगे 100%। ये इमेज को फोर्स करेगा ब्राउजर और इस कंटेनर के अंदर लाके बिठा देगा। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारी इमेज का साइज 50% हो जाएगा बॉडी का। देखो रिफ्रेश मारते हैं, और ये देखो ठीक है, हमारी इमेज का साइज बॉडी का 50% हो गया। इमेज बहुत बड़ी है और हम ब्राउजर पर बर्डन डाल रहे हैं, ब्राउजर को फोर्स कर रहे हैं कि भाई इमेज को तुम इतना रिड्यूस करो, इसी वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी सी स्लो है। अब क्या करते हैं कि इस पूरी एप्लीकेशन को यहाँ पेज के सेंटर में ले आते हैं। उसके लिए मैं इस एप्लीकेशन कंटेनर को यहाँ पे टारगेट करता हूँ, इसको करवाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स,
जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो होंगे कॉलम, और अलाइन आइटम्स को हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम होगी, जब इस पे फ्लेक्स अप्लाई होगा तो ये वाला डिव और ये वाला डिव फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे। ठीक है, हमें ये कॉलम में चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे कॉलम अप्लाई किया और सेंटर में लाने के लिए हमने अलाइन आइटम्स सेंटर अप्लाई कर दिया। तो रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सेंटर में आ गई। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आते हैं, तो एक काम करते हैं कि बॉडी को हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ और इसको पैडिंग टॉप देता हूँ, लेट्स से के 20 पिक्सल्स की। और ये देखो हमारी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई। अभी तक हमने वेरिएबल्स नहीं बनाए, वो भी हमने बनाने हैं। पहले जरा एप्लीकेशन की शक्ल को थोड़ा सा ठीक कर लें। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस कंट्रोल्स कंटेनर को यहाँ पे हम पकड़ते हैं और इसको हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं, लेट्स से के 2 rem, और कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज हम 1.2 rem कर देते हैं। अब देखो मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा बीच में। ठीक है, ये देखो कंट्रोल्स के दरमियान और इमेज के दरमियान यहाँ पे स्पेसिंग आ गई। अब वक्त आया है CSS वेरिएबल्स बनाने का, हमारी एप्लीकेशन का लेआउट रेडी हो गया। अब चलो CSS में, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि CSS वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अभी जो CSS वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली CSS फाइल के अंदर बनाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि CSS फाइल के अंदर वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम CSS के वेरिएबल्स को रखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे। इसका जवाब यह है कि CSS वेरिएबल्स CSS फाइल में स्टोर करने के लिए, ताकि हम उनको बाद में यूज कर सकें, एक स्पेशल सेलेक्टर यूज होता है जिसका नाम है रूट। ये जो रूट है बेसिकली ये HTML डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है ये इसका दूसरा नाम है, और तुम ये कह सकते हो कि ये इसका CSS में जो नाम है वो है रूट। मैं तुम्हें इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाता हूँ, जल्दी से वहां पे इसकी कंफर्मेशन भी करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, गूगल पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML root, और सबसे पहले हमारे पास जो Mozilla की वेबसाइट आती है इसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है root CSS cascading style sheet। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम root के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन HTML root represents the HTML element, ठीक है, एंड इज आइडेंटिकल टू द सेलेक्टर HTML। यानी कि तुम CSS में HTML लिखो या तुम रूट लिखो, बात एक ही है। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, मैं अगर स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो रूट है ये बेसिकली अच्छी जगह है किसके लिए, ग्लोबल CSS वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। यहां पे लिखा हुआ है रूट कैन बी यूजफुल फॉर स्टोरिंग और डिक्लेयरिंग ग्लोबल CSS वेरिएबल्स। तो यही काम हम भी करने जा रहे हैं भाई, हमने एक रूट का सिलेक्टर बना लिया है और इसके अंदर हम CSS वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे। अब ये बात समझ में आ गई कि ये रूट बेसिकली क्या है, ये HTML एलिमेंट का, ये जो HTML एलिमेंट है ये इसका CSS नेम है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे मैं रूट लिखूं या मैं HTML का इस तरह से एक सेलेक्टर बनाऊं, ठीक है, ये दोनों बेसिकली एक ही चीज है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड है, हम उसी हिसाब से चलते हैं। अब हमने इसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाने हैं, एक होगा स्पेसिंग का और एक होगा ब्लर का। जो वेरिएबल्स होते हैं CSS उनका एक खास सिंटेक्स है, वो हमेशा दो हाइफ़न्स के साथ शुरू होते हैं। ये देखो दो मैंने हाइफ़न्स लगाए और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम चूज करते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल नेम्स हैं वो हमने वही चूज करना है जो कि यहाँ पे हमने अपने इनपुट एलिमेंट्स को दिए हैं। हमारा पहला जो इनपुट एलिमेंट है उसका नेम है स्पेसिंग, और स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग को इंक्रीज करेगा, और स्पेसिंग बेसिकली पैडिंग है जिसको अभी हम आगे जाके देखेंगे। और यहाँ पे स्पेसिंग की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 10 है, जो कि हमने रखी है, मिनिमम भी 10 है और इनिशियल भी 10 है, तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देंगे 10 और इसका यूनिट होगा पिक्सल। ये देखो सिंपल, हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिंग नाम का वेरिएबल बनाया और उसकी जो वैल्यू है वो 10। जो दूसरा वेरिएबल है हमारा उसका नाम होगा ब्लर, राइट, क्योंकि हमारा जो इनपुट एलिमेंट है उसका नाम ब्लर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमने इन नेम्स को एक्सट्रैक्ट करना है। और उसके बाद ब्लर की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0 pixel, ठीक हो गया। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया किसके लिए, स्पेसिंग के लिए। जो स्पेसिंग है वो बेसिकली क्या होगी, वो हेडिंग है जो कि हम इंक्रीज करेंगे। और जो दूसरा वेरिएबल हमने बनाया वो हमने बनाया है ब्लर के लिए,
वेरिएबल्स बनाना आ गया, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इन वेरिएबल्स को हमने यूज किस तरह करना है, इनकी वैल्यूज को हमने उठा के अप्लाई किस तरह करवाना है। ये जो स्पेसिंग है ये अप्लाई होगी किसके ऊपर, इमेज कंटेनर के ऊपर, इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, तो हम आते हैं इमेज कंटेनर के ऊपर, और जो स्पेसिंग है बेसिकली ये वैल्यू है हेडिंग की। हम यहाँ पे हेडिंग प्रॉपर्टी को लेते हैं। अब हमने इसको वैल्यू देनी है इस सेलेक्टर की और इस वेरिएबल की, सॉरी। तो वेरिएबल की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है यहाँ पे वो होता है वॉर का फंक्शन, और वॉर के फंक्शन के अंदर हम डाल देते हैं अपने वेरिएबल को। वेरिएबल क्या है हमारा, स्पेसिंग। तो क्या होगा कि 10 पिक्सल्स की जो स्पेसिंग है वो अप्लाई हो जाएगी कंटेनर के ऊपर, और कंटेनर को हमने ऑलरेडी येलो कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है तो वो पीछे से शो हो जाएगा। अब जरा ब्राउज़र में चलते हैं, देखते हैं कि 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। ये हमारे एप्लीकेशन आ गई और इसको रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो ठीक है 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग अप्लाई हो गई, कोई मसला नहीं हुआ। और ये स्पेसिंग कहाँ से आ रही है, ये बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू है। तो हमको दोनों चीजें समझ में आ गई कि CSS वेरिएबल्स को किस तरीके से बनाया जाता है और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है उसे किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है। अब ये जो ब्लर वाली वैल्यू है ये हमने अप्लाई करनी है इस इमेज के ऊपर, और जो ब्लर है वो बेसिकली फिल्टर के थ्रू होता है। CSS की जो फिल्टर प्रॉपर्टी है उसके पास जो ब्लर फंक्शन होता है इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्लर का वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ब्लर की जो भी वैल्यू होगी वो इस ब्लर फंक्शन के पास चली जाएगी, और ये ब्लर फंक्शन जो है वो फिल्टर प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, और फिल्टर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है कहाँ पे, इमेज के ऊपर। इस वक्त ब्लर की वैल्यू क्या है, जीरो है, देख सकते हो स्टार्टिंग में, तो हमें कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इस ब्लर की वैल्यू को लेट से के 5 पिक्सल कर दूं सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ब्लर को मिलेगा 5 पिक्सल का ब्लर और हमारी जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी। ब्राउज़र में चेक कर लेते, रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पे ब्लर हो गई। तो अब हमें प्रूफ मिल गया कि हमारे दोनों वेरिएबल्स काम कर रहे हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो CSS में एक्सट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो ये काम हो गया और जबरदस्त हो गया। अब जो ब्लर की वैल्यू है उसको हम दोबारा से 0 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अभी जो वेरिएबल्स हैं इनको अब हम कंट्रोल करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और ये भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो CSS हमारी मुकम्मल हो गई है, हमने वेरिएबल्स बना के यहाँ पे रख दिए हैं और उन वेरिएबल्स को हमने HTML के ऊपर अप्लाई भी करवा दिया। ठीक है, अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब सारा काम होगा जावास्क्रिप्ट से। CSS फाइल को मैं यहाँ से जो है वो बंद कर देता हूँ, और जावास्क्रिप्ट फाइल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये फाइल HTML के साथ लिंक भी हुई है। ठीक है, अब हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर करना क्या है, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इन दोनों इनपुट एलिमेंट्स को ग्रैब करना है। ठीक है, इनके पास मेरे ख्याल में, चलो इनके पास आईडी नहीं है, हम इनको उठा लेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। बहुत से तरीके हैं सिलेक्ट करने के, जावास्क्रिप्ट के पास 6 डिफरेंट मेथड्स हैं एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के। तो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इनपुट एलिमेंट्स को, अब यहाँ पे जो मेथड यूज करूंगा मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड यूज करूंगा, क्योंकि हमने एक से ज्यादा एलिमेंट को उठाना है, और जो सेलेक्टर होगा वो मैं दूंगा कंट्रोल्स एंड देन इनपुट, राइट। ठीक है, तो ये सेलेक्टर जो है वो दोनों के लिए, तो दोनों इनपुट एलिमेंट्स क्या हो गए कि यहां से उठ के इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। अब ये जो वेरिएबल है ये कोई आम सा वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे की तरह का वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं नोड लिस्ट। अगर मैं तुम लोगों को जल्दी से कंसोल में दिखाऊं कि इस वेरिएबल के अंदर क्या है, तुम लोगों को पास अच्छे से समझ में आएगी। अपने पेज को रिफ्रेश मारते हैं और जल्दी से क्या करते हैं कि कंसोल खोलते हैं, और ये देखो कंसोल में हमारे पास एक एरे की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि नोड लिस्ट है, और इसके अंदर इंडेक्सिंग भी होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो कंपोनेंट्स है मेरे पास। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर तुम देखोगे मेरे पास दोनों मेरे इनपुट एलिमेंट्स जो हैं, जो कि बेसिकली रेंज स्लाइडर हैं, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं और अपने अपने इंडेक्स के ऊपर मौजूद हैं। पहला वाला इंडेक्स 0 पे है और दूसरा वाला इंडेक्स 1 पे। अभी दोनों एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट में आ गए तो हम इनके ऊपर इवेंट भी रजिस्टर करवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं,
सिंपली अपने जो इनपुट है, क्योंकि ये एक एरे है, नोड लिस्ट है, तो इसके ऊपर हम फॉर ईच फंक्शन लगाते हैं जो कि लूप थ्रू करेगा दोनों को। और जो फॉर ईच फंक्शन है, इसका एक वेरिएबल होता है जिसको हम इनपुट कह देते हैं, लोकल वेरिएबल है, और इसका अपना एक फंक्शन होता है इस तरह से। तो ये फॉर ईच क्या करेगा, ये जो हमारे पास एरे लाइक स्ट्रक्चर है, नोड लिस्ट है, इसको लूप थ्रू करेगा और हर राउंड के अंदर ये एक एलिमेंट को इसमें से उठाएगा और इस लोकल वेरिएबल को असाइन कर देगा। और उसके बाद हम इस लोकल वेरिएबल को उस राउंड के अंदर इस फंक्शन के अंदर ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उस लोकल वेरिएबल के ऊपर एड इवेंट लिस्टनर को कॉल करना है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है इवेंट, यहाँ पे कोई क्लिक इवेंट या डबल क्लिक इवेंट हमने रजिस्टर नहीं करवाना। जो रेंज स्लाइडर्स होते हैं उनके ऊपर जो इवेंट लगता है वो होता है चेंज, राइट। जब उसकी वैल्यू चेंज होगी जब भी रेंज स्लाइडर की, तो ये चेंज इवेंट जो है वो रेज होगा, और जब ये रेज होगा तो उसको हमें हैंडल भी करना है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, वो हमने यहाँ पे बना लिया। तो ये हमारी अभी तक की डेवलपमेंट है, एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, हमने दोनों रेंज स्लाइडर्स को जो कि इनपुट एलिमेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट में लिया, उनको लूप थ्रू किया वन बाय वन, और दोनों के ऊपर हमने क्या किया कि चेंज इवेंट रजिस्टर करवा दिया। अब जब भी उनकी वैल्यूज चेंज होंगी, दोनों की वैल्यूज जब भी चेंज होंगी, तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दोनों एलिमेंट्स के पास अपने अपने चेंज इवेंट होंगे, लेकिन जो फंक्शन है दोनों का, जो इवेंट हैंडलर है, वो दोनों का सेम है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, आगे जाके इस पॉइंट को हमें डेवलप करना है। अब यहाँ पे मैंने जल्दी से कंसोल लॉग करके एक काम करना है कि एक मैसेज प्रिंट करवाना है ओके का, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक मेरा कोड जो है वो काम कर रहा है और दोनों रेंज स्लाइडर्स चेंज इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद मैं स्पेसिंग को थोड़ा सा हिलाता हूँ, तो ये देखो मुझे ओको मिल रहा है, और उसके बाद मैं ब्लर वाले को थोड़ा सा हिलाता हूँ, तो ये देखो मुझे दोनों तरफ जो है वो सही मैसेज मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब जब मैं इनकी वैल्यूज को चेंज करूंगा, चेंज इवेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर फायर होगा। अब यहां तक तो हमारा काम बहुत ही स्मूथली हो गया, हमें कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना नहीं पड़ा। अब मैंने जो पॉइंट तुम लोगों को बताया था वो ये कि दोनों रेंज स्लाइडर एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हमें ये किस तरह से पता चले कि कौन सा रेंज स्लाइडर कब इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर हमें ये पता नहीं चलेगा तो हम फिर उनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को कोड नहीं कर सकेंगे। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं एक मरतबा फिर से बता देता हूँ। ये जो दो रेंज स्लाइडर्स हैं हमारे पास, एक स्पेसिंग का और एक ब्लर का, दोनों के पास अपने अपने इवेंट्स हैं। यानी कि मैं अगर कमेंट में यहाँ पे लिख के बताऊं तो मेरे पास स्पेसिंग का है, उसके पास अपना एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है, चेंज इवेंट है, और जब वो चेंज होगा तो वो एक फंक्शन कॉल कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये फंक्शन जो है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये एक एबीसी फंक्शन है। अब जो दूसरा मेरे पास है वो है ब्लर का, ब्लर के ऊपर भी एक इवेंट है जो कि उसका अपना है चेंज, और जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो ब्लर भी एक ही फंक्शन कॉल कर रहा है जो कि है एबीसी, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं चीजों को तुम्हारे लिए आसान नहीं कर सकता, दो डिफरेंट हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स हैं, दोनों के पास अपने अपने इवेंट्स हैं, लेकिन जो फंक्शन दोनों कॉल कर रहे हैं वो सेम है, और हमें ये पता लगाना है कि कब कौन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। स्पेसिंग इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर स्पेसिंग इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो हम स्पेसिंग को इंक्रीज करवाएंगे या डिक्रीज करवाएंगे, और अगर ब्लर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो हम इस फंक्शन के अंदर ब्लर को इंक्रीज या डिक्रीज करवाएंगे। अब उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके पास हमारे लिए जो चीज जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, जो यूजफुल चीज जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, उसको कहते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट सिंपली एक एर्गुमेंट होता है जो कि इवेंट हैंडलर फंक्शन में पास करवाया जाता है, और इवेंट ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा HTML बेसिकली फंक्शन को रेज कर रहा है। इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अल्फाबेट चूज करते हैं और उसको हम यहाँ पे ये जो फंक्शन के पैरेंथेसिस हैं यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड अल्फाबेट है वो बेसिकली है ई, राइट, ई फॉर इवेंट ऑब्जेक्ट। अगर आप ई अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पे ENV लिख दो, बात जो है वो सेम होगी, या इवेंट लिख दो, बात जो है वो
सेम होगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो है ई। ई का मतलब है इवेंट ऑब्जेक्ट। तो हमने इवेंट ऑब्जेक्ट का पैरामीटर इस इवेंट हैंडलर फंक्शन के अंदर पास करवा दिया। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन होगी कि चेंज इवेंट जो रेज हुआ है ये बेसिकली किस एलिमेंट के ऊपर रेज हुआ है, ये स्पेसिंग वाले के ऊपर रेज हुआ है या ये ब्लर वाले के ऊपर रेज हुआ है। अब देखो वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। हम यहाँ पे लिखते हैं ई डॉट टारगेट। ई डॉट टारगेट हमें बताएगा कि कौन सा एलिमेंट बेसिकली इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, स्पेसिंग कॉल कर रहा है या ब्लर कॉल कर रहा है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम टारगेट प्रॉपर्टी को यूजुअली कॉल करते हैं उस एलिमेंट को लेने के लिए जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब प्रॉब्लम में चलते हैं और इस कंसोल लॉग को स्टडी करते हैं। अभी देखो मैं रिफ्रेश मारता हूँ पेज को। अब मैं स्पेसिंग वाले को छेड़ता हूँ, ठीक है। चेंज एवेंट फायर हुआ। अब देखो मुझे जावास्क्रिप्ट में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, मुझे पूरे का पूरा स्पेसिंग का जो इनपुट एलिमेंट है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल रहा है। यानी कि फंक्शन के अंदर हमें यह पता चल गया कि कौन से इनपुट एलिमेंट ने फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं अगर ब्लर वाले को छेड़ूंगा तो ये देखो मुझे ब्लर वाला जो इनपुट एलिमेंट है वो फंक्शन के अंदर मिल रहा है। आई होप कि तुम लोगों को बात समझ में आ रही होगी। हमने इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट प्रॉपर्टी को कॉल किया और टारगेट प्रॉपर्टी ने हमें वो एचटीएमएल दे दिया जो कि फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब हमें यहाँ पे पूरे पूरा एचटीएमएल की जरूरत नहीं है, हमें पूरा इनपुट नहीं चाहिए, ये पूरा इनपुट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम टारगेट के ऊपर नेम प्रॉपर्टी को कॉल कर देंगे। ये देखो जावास्क्रिप्ट में टारगेट के ऊपर मैं क्या करूंगा कि नेम प्रॉपर्टी को कॉल कर दूंगा। अब क्या होगा, जो भी एलिमेंट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका नेम मिलेगा। देखो मैं पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ फिर से और उसके बाद मैं स्पेसिंग को करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्पेसिंग मिल रहा है। और उसके बाद मैं ब्लर को करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्लर मिल रहा है। अब यहाँ पे 1 मिनट को रुको और थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करो। ये जो स्पेसिंग और ब्लर है ये बेसिकली क्या है, अरे भाई ये हमारे सीएसएस के वेरिएबल्स के नेम है, ऐसा ही है ना। अब जरा चीजों को रिलेट करो और देखो कि यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। हमने एचटीएमएल में नेम चूज किया है, स्पेसिंग और ब्लर, और उसके बाद सीएसएस में हमने इन्हीं नेम्स के हमने वेरिएबल बनाए, और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में आए और हमने जो नेम थे उन्हें इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया। देख रहे हो किस तरह से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स के नेम आ गए, हमने इनकी वैल्यूज को चेंज करना है और वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से। ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है इसका हम उसको रीड करेंगे तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी। उन वैल्यूज को हमने असाइन करवाना है इन वेरिएबल्स को और फिर इन वेरिएबल्स को हमने असाइन करवा देना है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को। बस ये सिंपल सा काम हमने करना है। किस तरह से करना है चलो जावास्क्रिप्ट में दिखाता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में मुझे कंसोल की जरूरत नहीं है, मैं इस वेरिएबल को जो वेरिएबल का नाम सीएसएस वेरिएबल का नाम मेरे पास आ रहा है इसको मैं जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर लेता हूँ। और साथ ही साथ जो रेंज स्लाइडर की जो वैल्यू है उसको भी मैं एक वेरिएबल में यहाँ पे ई डॉट टारगेट और उसके बाद जो प्रॉपर्टी मैंने रीड करनी है वो है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है, ये रेंज स्लाइडर की वैल्यू को होल्ड करती है। जब हम रेंज स्लाइडर को आगे या पीछे करेंगे तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रॉपर्टी से रीड की जाती है। तो यहाँ पे हम रेंज स्लाइडर की वैल्यू को रीड कर रहे हैं और उसे एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ कि जल्दी से तुम लोगों को कंसोल में दिखा भी देता हूँ कि हमें वैल्यू बेसिकली क्या मिल रही है। चलो अब कंसोल में चलते हैं, चेक करते हैं इसको। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद ये देखो जो भी मेरी स्पेसिंग की वैल्यू है वो मुझे मिल रही है और ये मैक्सिमम कहाँ पे होगी, 100 पे होगी, ठीक है। हमने मिनिमम और मैक्सिमम चूज किया हुआ है और इसको बिल्कुल शुरू में लेके जाऊंगा तो ये मुझे 10 मिलेगी। और इसी तरह ब्लर है, ये देखो ब्लर की मुझे वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, मैक्सिमम क्या है ब्लर की वैल्यू, 25 है। तो मुझे वेरिएबल्स के नेम भी मिल रहे हैं और मुझे उनकी वैल्यूज भी मिल रही है। अब बस मैंने असाइन करवाना है और वो किस तरीके से करना है मैं दिखाता हूँ। अब असाइन करवाने के लिए मैंने अपने HTML डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है वो हम सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी के साथ। अब HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने चेंज क्या करवाना है, हमने चेंज करवाना है CSS को, तो उसके लिए हम स्टाइल प्रॉपर्टी कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने HTML डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने उसकी CSS को सिलेक्ट किया। अब CSS के अंदर हमने प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है सेट प्रॉपर्टी का फंक्शन।
तुम खुद से देखो कि किस तरह से यहाँ पे चेन कॉलिंग हो रही है। हमने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, उसके एचटीएमएल पे आए, एचटीएमएल के स्टाइल पे गए, और फिर स्टाइल के अंदर हमने सीएसएस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, उसके ऊपर हमने सेट प्रॉपर्टी को कॉल किया। अब ये सेट प्रॉपर्टी जो फंक्शन है, ये बेसिकली दो आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आर्गुमेंट होता है उसके अंदर हम प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं जो कि हमने अपडेट करना है, और दूसरे आर्गुमेंट के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं जो हमने अपडेट करना है। और दोनों चीज हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का नेम है जो कि प्रॉपर्टी नेम है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी मौजूद है। जल्दी से यहाँ पे डाल देते हैं। पहला आर्गुमेंट हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जो प्रॉपर्टी का नेम है वो शुरू होता है हाइपन से, और उसके बाद हम जो प्रॉपर्टी का नेम है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। वो जिस वेरिएबल में है उसका नाम है वार अंडरस्कोर, ठीक है। और जो दूसरा आर्गुमेंट है उसके अंदर हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करवानी है, और जो वैल्यू है वो हमारी है वैल्यू वेरिएबल के अंदर, और उसके साथ वैल्यू के साथ जो चीज अटैच होके जाएगी वो है पिक्सेल का यूनिट। तो इस तरह से हम अपने सीएसएस वेरिएबल को अपडेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग को चूज करता हूँ तो वार अंडरस्कोर की जगह मुझे मिल जाएगा हाइफन हाइफन स्पेसिंग, और जो भी इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगाना भूल गया, अच्छा हुआ अभी से देख लिया यार, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी और सेट प्रॉपर्टी उसको अपडेट कर देगी हमारी सीएसएस फाइल के अंदर। तो दोस्तों ये देखो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। जबरदस्त प्रोजेक्ट था, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, एंड आई होप कि तुम लोगों ने काफी कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर लर्न किया होगा। अब चलते हैं ब्राउजर में, पेज को रिफ्रेश करते हैं और एप्लीकेशन को एक आखिरी मरतबा चेक करते हैं। तो रिफ्रेश मारते हैं एप्लीकेशन को, और उसके बाद कंसोल को यहाँ से बंद करते हैं, स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। ये देखो हमारी जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है, और उसके बाद अब ब्लर को बढ़ाते हैं। ये देखो हमारा जो ब्लर है वो भी हो रहा है, जबरदस्त काम हो गया। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7 जिसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बस लगे रहो और जुड़े रहो, और चलो मेरे साथ प्रोजेक्ट नंबर 8 की तरफ। अपने प्रोजेक्ट नंबर 8 के अंदर हम एक सिंपल सा इमेज स्लाइडर बनाएंगे जिसके अंदर दो बटन्स होंगे, एक प्रीवियस बटन दूसरा नेक्स्ट बटन, और दोनों बटन्स को यूज करके हम इमेजेस को स्लाइड करवाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें 3 फाइल्स तो एज यूजुअल चाहिए ही हैं, HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की। इन 3 फाइल्स के साथ साथ हमें इमेजेस चाहिए क्योंकि इमेज स्लाइडर इमेजेस के बगैर बन ही नहीं सकता। तो अब तुम देख सकते हो कि मेरे पास 10 डिफरेंट इमेजेस हैं जिनको मैंने पहले ही से डाउनलोड करके एक फोल्डर बनाया इमेज, और उसके अंदर मैंने सारी के सारी इमेजेस को डाल दिया। अब यहाँ पे मैं तुमसे कहूंगा कि एक चीज के ऊपर फोकस करो। देखो तमाम इमेजेस के पास एक नंबर है, देख रहे हो, और ये नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो हर इमेज के पास अपना एक इंडेक्स है, शुरू हो रहा है 0 से और जा रहा है 9 तक, तो टोटल बनता है 10। मैंने ये इंडेक्सिंग इस वजह से की है क्योंकि मुझे ये इमेजेस जावास्क्रिप्ट के एक एरे के अंदर चाहिए होंगे, और उसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगा और इमेज इंडेक्सेस को लूप थ्रू करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। थोड़ी सी प्लानिंग अगर हम पहले से कर लें तो हमारा काम भी आसान होगा और हमारा कोड भी इफेक्टिव होगा। तो ये तो हो गया इनिशियल सेटअप। अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की HTML को हम सेटअप कर लेते हैं। हमेशा की तरह HTML के अंदर हम एक एप्लीकेशन कंटेनर लेते हैं, और उसके अंदर हम दो कंटेनर्स और लेंगे। एक हमारा होगा इमेज कंटेनर जिसके अंदर इमेज आके बैठेगी, और दूसरा हमारा होगा कंट्रोल्स का कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन्स होंगे। ठीक हो गया। अब इमेज वाले कंटेनर के अंदर हम डालते हैं इमेज, और इसको क्लास भी दे देते हैं इमेज की। और ये जो हमारी पहली इमेज है जिसका इंडेक्स 0 है, ये हमारी डिफॉल्ट इमेज होगी, यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन ब्राउजर में लोड होगी तो ये वाली इमेज सबसे पहले विजिबल होगी या शो होगी। तो हम क्या करते हैं कि पिक्चर 0 को अपनी डिफॉल्ट इमेज बना देते हैं। अब जरा पेज पे जाके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ये देखो हमारी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अब आ जाते हैं कंट्रोल्स कंटेनर में। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बटन चाहिए जो कि होगा प्रीवियस का बटन, और इसमें हम लिख देते हैं प्रीवियस। बटन के बाद हम लेंगे एक पैराग्राफ जिसके अंदर हम शो करेंगे किस नंबर की इमेज शो हो रही है, 1 of 10, 2 of 10, 3 of 10 या 4 of 10, ठीक है। इस पैराग्राफ को हम एक क्लास देते हैं करंट की, और इनिशियली हम इसमें क्या डालेंगे, 1 of 10, ठीक है।
हमारी जो डिफॉल्ट इमेज है वो पहली है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे कि 1 of 10 इमेज इस वक्त शो हो रही है। और उसके बाद हमें एक बटन और चाहिए, ले लेते हैं और इसको हम क्लास देंगे नेक्स्ट की, और इसका भी जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट होगा। तो हमारा HTML रेडी हो गया। इससे ज़्यादा हमें HTML की ज़रूरत नहीं है इस सिंपल से इमेज स्लाइडर को कोड करने के लिए। अब जल्दी से पेज को रिफ्रेश मारते हैं और इस HTML का आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखो मैंने पेज को रिफ्रेश मारा तो ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इमेज ऊपर है और बाकी कंट्रोल्स हैं वो नीचे की तरफ हैं। अभी हम इनको एक रो में यहाँ पे अरेंज करवा देंगे। रो में अरेंज करवाने के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी। HTML हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलते हैं अब CSS को कोड कर लेते हैं। CSS मैंने बना के रखी हुई है और फाइल हमारी HTML के साथ लिंक भी है। अब मैं CSS फाइल को एक दूसरे टैब में खोल लेता हूँ, फिर हम इसकी अपने प्रोजेक्ट की CSS को रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने रीसेट मारना है। हमेशा की तरह हम मार्जिन को ज़ीरो करते हैं, हेडिंग को भी ज़ीरो, और बॉक्स साइजिंग को हम बॉर्डर बॉक्स पर ले आते हैं। उसके बाद पकड़ते हैं बॉडी को, और सबसे पहले तो बॉडी को एक हाइट देते हैं 100 व्यू पोर्ट की, और उसके बाद फ्लेक्स के ज़रिए हम इस पूरे कंटेनर को बॉडी के सेंटर में ले आते हैं। हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करेंगे, और उसके बाद अलाइन आइटम्स को भी हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, हमारी पूरी एप्लीकेशन सेंटर में आ जाएगी। अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो पूरी की पूरी हमारी एप्लीकेशन बॉडी के सेंटर में आ गई। अब मैंने बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर देना है, अच्छा लगेगा, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट मैं जनरेट करवा दूंगा CSS ग्रेडियंट की वेबसाइट से। ये देखो ये CSS ग्रेडियंट की वेबसाइट है, यहाँ पर जाओ और इस वेबसाइट में यहाँ ऊपर की तरफ देखो कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल्स को यूज़ करके तुम यहाँ से कोई भी अच्छा सा ग्रेडियंट जो है ना वो बनवा सकते हो। मैं देखो कि कोई ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल में, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से ले लेता हूँ। जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम वो यहाँ से बना लो, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास CSS आ जाएगी। इस CSS को यहाँ से कॉपी कर लो और जहाँ भी ग्रेडियंट अप्लाई करना है वहाँ पे डाल दो। मैंने बॉडी भी करना है तो मैंने इसको इस तरह से बॉडी के ऊपर डाल दिया, तो एक अच्छा सा ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अभी देखो पेज को रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट आ गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ी CSS और डालते हैं। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल्स कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 2 बटन हैं और एक पैराग्राफ है। डिस्प्ले फ्लेक्स करवा के जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करता हूँ, और उसके बाद अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे ये तीनों एलिमेंट्स हैं वो एक रो के अंदर आ जाएंगे और स्पेस बिटवीन अप्लाई हो जाएगी। देखो रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो हमारे तीनों एलिमेंट्स सही जगह पे आके बैठ गए। अब ये करते हैं कि इन बटन्स को पहले पकड़ लेते हैं, इन्हें स्टाइल कर लेते हैं। बटन्स के ऊपर हमने सेम स्टाइल लगाना है, तो दोनों बटन्स के पास अपनी एक एक क्लास है, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप सेलेक्टर बनवा लेते हैं इस तरह से। बटन्स के ऊपर हमने नॉर्मल सी CSS डालनी है। जो बॉर्डर है उसको नन करते हैं, हेडिंग देते हैं 10 पिक्सल की, फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल्स कर देते हैं, और कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। और अगर बटन्स को थोड़ा सा राउंडेड बनाना है तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस को डाल देते हैं। लेट्स से कि ओवल शेप करना है तो हम इनको 50% बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो बटन्स हमारे स्टाइल हो गए। अब एक काम करते हैं कि हवर के साथ इन बटन्स के ऊपर थोड़ी सी ट्रांजिशन भी डाल देते हैं। हमने सेम हवर इफेक्ट डालना है दोनों बटन्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, हवर इस फंक्शन को यूज करके, और इस फंक्शन को हम दोनों सेलेक्टर दे देंगे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। ये इस फंक्शन चेक करेगा कि अगर सेलेक्टर्स प्रीवियस हो और नेक्स्ट हो तो इनके ऊपर हवर लगा दिया जाए। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग हवर लगाते प्रीवियस के ऊपर नेक्स्ट के ऊपर, हमने इस फंक्शन को यूज करके एक साथ उन पर हवर लगा दिया। अब जब हवर होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अपने बटन्स को पॉप आउट करवाएंगे। उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म का स्केल फंक्शन यूज करते हैं। हम कितना स्केल करेंगे उसे 1.1, थोड़ा सा हम बाहर की तरफ हमारे जो बटन्स होंगे वो पॉप आउट करेंगे।
अभी देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ और अपने माउस पॉइंटर को लेके आता हूँ, तो ये देखो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ पॉप आउट कर रहे हैं। अब देखो ये बाहर की तरफ पॉप आउट कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, एकदम से निकल के ये सामने आ रहे हैं। तो अब डिले के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डालेंगे, यानी कि ये बेसिकली ट्रांजिशन हो रही है और इस ट्रांजिशन को हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे प्रीवियस और नेक्स्ट के पास और बोलेंगे कि जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। और जब ट्रांजिशन होगी तो किस तरीके से करनी है, हम बोलेंगे कि 1 सेकेंड का पूरा ड्यूरेशन हो, यानी कि ये जो पॉपअप आ रहा है इसमें 1 सेकेंड का ड्यूरेशन हो। और ट्रांजिशन फंक्शन हम कुछ भी चूज कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में इज इन जो है वो मुनासिब रहेगा। अब क्या होगा, इस ट्रांसफॉर्म को हमने असाइन कर दिया है एज ए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और उसके ऊपर हमने एक ट्रांजिशन डाल दी है स्लो सी 1 सेकेंड की। तो पॉप आउट जो पहले हो रहा था एकदम से, वो अब एक 1 सेकेंड की ट्रांजिशन के साथ होगा। रिफ्रेश मारते हैं पेज को और माउस पॉइंटर को बटन के ऊपर लेके आते हैं, तो हम देखना है कि ये पॉप आउट होगा लेकिन स्लो होगा, 1 सेकेंड के ट्रांजिशन के साथ होगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो, अच्छा 1 सेकेंड लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम है ना, तो हम क्या करते हैं ड्यूरेशन को 0.5 सेकेंड कर देते हैं। अब फिर से रिफ्रेश मारते हैं और माउस पॉइंटर को लेके आते हैं, ये देखो ये ड्यूरेशन जो है वो ठीक है 0.5 सेकेंड का। ये काम भी हमारा हो गया। अब इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसकी क्लास है करंट, इसको हम क्या करते हैं कि टारगेट करते हैं और इसके फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स। यही फॉन्ट साइज हमारा बटन्स के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका है। अब जरा रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। तो दोस्तों हमारी CSS रेडी हो गई, ये हमारा लेआउट होगा इमेज स्लाइडर का। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में और इस इमेज स्लाइडर को फंक्शनल बनाते हैं। CSS फाइल को मैं बंद करता हूँ। जावास्क्रिप्ट फाइल हमने पहले से बना के रखी हुई है और वो फाइल हमारे HTML के साथ लिंक भी हुई हुई है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पहला काम क्या करना है, वो ये है कि हमने इन इमेजेस को यहां से उठा के एक एरे के अंदर स्टोर करवा देना है। इमेजेस को एरे में डालने से क्या होगा, हमें बार बार इन इमेजेस को लेने के लिए अपने हार्ड डिस्क के पास नहीं आना, इससे हमारी एप्लीकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो जावास्क्रिप्ट में जाते हैं और सबसे पहले इन इमेजेस को एक एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ पिक्चर्स के नाम का, जो कि अभी इस वक्त है एम्प्टी, ठीक है। और उसके बाद मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम होगा नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है मेरे पास, 10 है। और अब मैंने इन सारी इमेजेस को लोड करना है इस एरे के अंदर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली चलाऊंगा एक फॉर लूप जो कि स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस 9 तक जाएगा, लेस देन का साइन लगाया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीज करवा देंगे। तो ये मैंने लूप बनाया जो कि 0 से 9 तक जाएगा और 0 से 9 ही हमारी पिक्चर के इंडेक्स वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने पिक्चर्स एरे के ऊपर पुश फंक्शन को कॉल करेंगे। अब तुम देखने का किस तरीके से मैं इन वैल्यूज को लूप थ्रू करवाऊंगा इस एरे वेरिएबल को लेके। अब बस चेक करते जाओ कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ये सारी इमेजेस कहाँ पर हैं, एक इमेज फोल्डर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे लिखूंगा इमेज फोल्डर का नाम और सारी इमेजेस के अंदर जो पिक्चर का स्ट्रिंग है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इंडेक्स है उसको मैं रिप्लेस करवा दूंगा लूप वेरिएबल से और उसके बाद मैं एक्सटेंशन दे दूंगा। लो जी, हो गया हमारा काम, ये सारी की सारी इमेजेस इस कोड की हेल्प से इस एरे के अंदर लोड हो गई। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, इमेज पिक्चर 0.jpg, और इसका मतलब है कि पिक्चर 0 उठ के इस एरे के अंदर पुश हो जाएगी। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा और इन सारी इमेजेस को उठा लेगा। अब यहाँ पे हम अपनी डेवलपमेंट को चेक करते हैं, जल्दी से कंसोल लॉग में जाते हैं और यहाँ पे हम अपने पिक्चर्स का जो एरे है उसको प्रिंट करवा देते हैं। अभी देखो पेज को रिफ्रेश मार के जल्दी से कंसोल खोलते हैं, यहाँ पे हमें एरे मिलेगा जिसके अंदर 10 की 10 पिक्चर्स हैं। ये देखो पूरे की पूरे 10 पिक्चर्स मौजूद हैं और ये इंडेक्स भी मौजूद है 0 से लेकर 9 तक और इमेजेस भी सारी मौजूद है। अब ये सारी इमेजेस जावास्क्रिप्ट में आ गई हैं, तो इनको यहाँ से उठा के हम वेब पे डाल देंगे। अब इस काम के बाद हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल्स बनाने की वजह यह है कि मैं इस एप्लीकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहा हूँ।
फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि अगर इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे और इमेजेस को ऐड करना पड़े तो मुझे अपने कोड में ज्यादा काम ना करना पड़े। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट करंट इमेज इंडेक्स, ठीक है। ये जो मेरा वेरिएबल है ये मुझे बताएगा कि अभी करंट इमेज कौन सी है, यानी कि जो भी करंट इमेज होगी उसका इंडेक्स ये वेरिएबल होल्ड करेगा। और इसकी वैल्यू मैंने जीरो रखी है क्योंकि पिक्चर जीरो हमारी डिफॉल्ट इमेज है जो कि सबसे पहले शुरू होगी और वो इस एरे में जीरो इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो एरे में से अगर मैंने पिक्चर जीरो को उठाना होगा तो उसके लिए मुझे जो इंडेक्स वैल्यू देनी होगी वो जीरो देनी होगी। तो इसी वजह से मैंने करंट इमेज इंडेक्स को जीरो लिया है। अब इसके बाद मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत और है। एक वेरिएबल हमें ये बताएगा कि लास्ट इमेज आ गई है और एक वेरिएबल हमें ये बताएगा कि फर्स्ट इमेज आ गई है। तो जो फर्स्ट इमेज इंडेक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। जब फर्स्ट इमेज आ जाएगी एरे के अंदर तो उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए और लास्ट इमेज का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो इस एरे की लेंथ माइनस वन होगा जो कि नाइन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पिक्चर्स डॉट लेंथ माइनस वन। मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट नाइन भी लिख सकता था लेकिन मैंने कहा ना कि मैं ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो कि फ्लेक्सिबल हो, बाद में जब हम तब्दीलियाँ करें इमेजेस को कम या ज़्यादा करें तो हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। ये हमारा करंट इमेज इंडेक्स वेरिएबल है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इमेज वेब के ऊपर शो हो रही होगी। ये हमारा फर्स्ट इमेज इंडेक्स वेरिएबल है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम पीछे की तरफ क्लिक करते जाएंगे और फर्स्ट इमेज आ जाएगी। और ये हमारा लास्ट इमेज इंडेक्स वेरिएबल है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम आगे की तरफ क्लिक करते जाएंगे और आखिरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो हम इन वेरिएबल्स को बेसिकली प्रोसेस करेंगे। अब इस सेटअप के बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने HTML से इस इमेज एलिमेंट को और इस पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करना है। तो इनके पास क्लासेस हैं इमेज और करंट, तो इनको हम जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, तो इमेज एलिमेंट जिसमें हमने इमेज शो करवानी है और पैराग्राफ जिसमें हमने करंट इमेज का नंबर शो करवाना है, दोनों जावास्क्रिप्ट में आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स को सिलेक्ट करना है और इनके ऊपर हमने इवेंट फायर करवाना है, क्लिक इवेंट फायर करवाना है। तो एक काम करते हैं कि बारी बारी दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रीवियस का बटन, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसकी जो क्लास है वो है नेक्स्ट, ठीक हो गया। ये हो गया प्रीवियस और नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये बात याद रखना कि हमारी जो करंट इमेज है वो जीरो है, ये पहली वाली पिक्चर जो है वो शो हो रही है और एरे के अंदर भी वो जीरो इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। जब हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो करंट इमेज इंडेक्स वेरिएबल है ये एक स्टेप पीछे की तरफ जाएगा, तो हम इसको माइनस माइनस करवाएंगे। और जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो करंट इमेज इंडेक्स वैल्यू वेरिएबल है ये आगे की तरफ जाएगा, एक वैल्यू आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी, ये सेम वेरिएबल है जो कि दोनों इवेंट्स के अंदर मौजूद है, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो बेसिकली एक इंडेक्स वैल्यू है और उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी इमेज होगी इस एरे के अंदर उसको हम यहाँ से उठाएंगे और इस इमेज एलिमेंट को असाइन करवा देंगे। किस तरीके से करेंगे, ये हमारा इमेज एलिमेंट है, इसके ऊपर हम कॉल करेंगे SRC एट्रीब्यूट को और उसके बाद हमारी सारी पिक्चर्स जो हैं वो पिक्चर्स एरे में है और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो हम डाल देंगे करंट इमेज इंडेक्स, ठीक है। जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो पिक्चर उठेगी और वेब के ऊपर जाके पब्लिश हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि ये जो करंट नंबर है इसका टेक्स्ट भी अपडेट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट नंबर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अब
तुम यहाँ पे देखोगे करंट इंडेक्स के अंदर मैंने 1 ऐड किया है, उसकी वजह यह है कि कोड के अंदर हम हर चीज काउंट कर रहे हैं 0 से, लेकिन वेब के ऊपर जो हम यूजर को दिखाएंगे वो दिखाएंगे 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 को ऐड किया है और यही काम हम करेंगे इधर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर। अब हमारे पास दो चीजें अपडेट होंगी। अभी हम वेब पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। इमेजेस हम देखेंगे कि प्रीवियस और नेक्स्ट पे काम कर रही होंगी और ये जो अपडेट वैल्यू है ये भी काम कर रही होगी। अभी देखो पेज को रिफ्रेश मारते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखो दूसरी इमेज आ गई और यहाँ पे 2 आ गया। ये मारते हैं, ठीक है। अभी हमारा नंबर 10 तक यानी कि लास्ट इमेज तक मामला हमारे बिल्कुल सही जाएंगे। अब यहाँ पे आके लास्ट इमेज पे आके हमारा मामला खराब हो जाएगा। 10th के बाद यानी कि लास्ट इमेज के बाद अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये दोबारा से शुरू होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं जाऊँ प्रीवियस पे तो ये मेरी फर्स्ट इमेज आ गई। अब अगर मैं दोबारा प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो मेरी इमेजेस जो है वो पीछे से शुरू होनी चाहिए यानी कि 10th से शुरू होनी चाहिए, लेकिन ये मामला यहाँ पे खराब हो जाएगा। अभी देखो मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो इमेज यहाँ पे गायब हो जाएगी और उसकी वजह यह है कि करंट इमेज इंडेक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हो गई है माइनस। इसी तरह मैं इसको अगर लेके जाऊंगा यहाँ पे, अब जब मैं क्लिक करूंगा तो करंट इमेज इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 और इंडेक्स 10 के ऊपर मेरे पास कोई इमेज नहीं है, जो लास्ट इमेज है वो है इंडेक्स 9 के ऊपर। तो तुम देख सकते हो कि फाइल नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। तो हमें अब यहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है, हमने चेक करना है कि कहीं फर्स्ट इमेज तो नहीं आ गई या कहीं लास्ट इमेज तो नहीं आ गई, और ये कंट्रोल दोनों पे अप्लाई होंगे, एक प्रीवियस पे होगा और नेक्स्ट पे होगा। और कंट्रोल अप्लाई करने की जो जगह है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा प्रीवियस बटन है और यहाँ पे हम करंट इमेज इंडेक्स को कम कर रहे हैं और यहाँ पे शो कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान हमें बेसिकली एक कंट्रोल की जरूरत है, यानी कि इमेज को शो करवाने से पहले हमने यहाँ पे एक कंट्रोल कोड करना है। अब ये वाला कंट्रोल क्या करेगा, ये प्रीवियस बटन का कंट्रोल है और यहाँ पे माइनस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे चांस है कि ये जो करंट इमेज इंडेक्स है ये 0 से कम हो जाए, ये माइनस में चला जाए। हम बोलेंगे यहाँ पे इफ करंट इमेज इंडेक्स इज लेस देन 0, यानी कि वो अगर 0 से कम हो जाए तो इसको तुम कर दो लास्ट इमेज, यानी कि जब हम एंड पे आ जाएंगे 0 पे आ जाएंगे तो फिर हम दोबारा से 10 से हमारी इमेजेस जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये जो लास्ट इमेज इंडेक्स वाला वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले ही से कैलकुलेट करके रखी हुई है जो कि है 9, ठीक है। तो देखो हमारा प्रीवियस बटन प्रोग्राम हो गया। अब मैं वेब पे चलता हूँ और तो मैं दिखाता हूँ। अभी पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, अभी इस वक्त हमारी इमेज जो शो हो रही है वो इंडेक्स 0 वाली है। मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो हमारा करंट इमेज इंडेक्स वेरिएबल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जैसे ही वो -1 होगा हम इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे और हम करंट इमेज इंडेक्स वेरिएबल को लास्ट इमेज का इंडेक्स अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो लास्ट इमेज यहाँ पे शो होगी, ये देखो, ठीक है। अब हम पीछे से इस तरफ जा रहे हैं और ये बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। तो हमारा प्रीवियस बटन जो है वो प्रोग्राम हो गया। अब चलते हैं और नेक्स्ट बटन को प्रोग्राम कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, इधर बिल्कुल सेम पोजीशन पे जहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पर हम इमेज को पब्लिश करवा रहे हैं, हम एक इफ स्टेटमेंट कोड करेंगे और हम कहेंगे इफ करंट इमेज इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाए तो क्या करो, करंट इमेज इंडेक्स में पहली इमेज को डाल दो और जो फर्स्ट इमेज है उसका हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है फर्स्ट इमेज इंडेक्स का, तो हम फर्स्ट इमेज इंडेक्स को यहाँ पे डाल दें। तो मेरे दोस्तों जबरदस्त काम हो गया, एक प्यारा सा इमेज स्लाइडर हमने कोड कर लिया। चलते हैं ब्राउजर में, इसको आखिरी मरतबा रिफ्रेश करते हैं और रिजल्ट को चेक करते हैं। देखो पेज को रिफ्रेश मारते हैं और बंद करते हैं कंसोल को, पहले नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, इसको लेके जाते हैं, ये लास्ट इमेज आ गई, अब पहली आनी चाहिए, ये देखो पहली इमेज आ गई। अब प्रीवियस को चेक करते हैं, ये फर्स्ट इमेज आ गई और उसके बाद अब लास्ट इमेज से शुरू होना चाहिए, ये देखो हमारा इमेज स्लाइडर परफेक्टली काम कर रहा है। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जबरदस्त, बस लगे रहो, जुड़े रहो और चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये कोर्स का सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 9, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बनाएंगे एक सिंपल काउंटर। इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो बटन्स होंगे, बटन्स को प्रेस करके हम काउंटर की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकेंगे।
काउंटर में हमारे पास दो लिमिट्स होंगी, एक जीरो की लिमिट होगी और एक 10 की लिमिट होगी। इसका मतलब यह है कि काउंटर हमारा जीरो से नीचे नहीं जा सकेगा और ना ही 10 से ऊपर जा सकेगा, राइट। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी हमें तीन फाइल्स चाहिए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी हुई है। एक HTML की होगी, एक CSS की और एक JavaScript की। अब हम हमेशा की तरह अपने प्रोजेक्ट की HTML को सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट की HTML बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम हमेशा की तरह एक कंटेनर लेंगे, एप्लीकेशन कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर सारी की सारी एप्लीकेशन होगी। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन का टाइटल आएगा, जिसके अंदर हम लिखेंगे काउंटर। अब टाइटल के बाद हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर और ले लेंगे, जिसके अंदर हम सारे कंट्रोल्स डाल देंगे। कंट्रोल्स में हमारे पास दो बटन्स हैं और एक स्क्रीन है। तो पहले हम लेंगे बटन इंक्रीमेंट का, इसको हम क्लास दे देंगे इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम डालेंगे प्लस की साइन। इंक्रीमेंट के बटन के बाद हम एक पैराग्राफ लेंगे और ये हमारी स्क्रीन होगी, जिसके अंदर हम काउंटर की वैल्यू को शो करेंगे। और जो इनिशियल वैल्यू है काउंटर की वो है जीरो। और इसके बाद हम एक और बटन लेंगे जो कि होगा डिक्रीमेंट का, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस। तो ये देखो, ये हमारी HTML रेडी हो गई। इससे ज्यादा हमें HTML की जरूरत नहीं है। अब ब्राउजर में जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करके इसका आउटपुट एक मरतबा चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये इस वक्त ब्राउजर में हमें आउटपुट मिल रहा है। अब चलते हैं CSS की तरफ और इस प्रोजेक्ट की CSS को कोड कर लेते हैं। अब CSS फाइल तुम लोग देख सकते हो मेरे पास बनी हुई है, उसको मैंने यहाँ पे HTML के साथ लिंक भी किया हुआ है। इस CSS फाइल को मैं एक डिफरेंट टैब के अंदर यहाँ पे खोल लेता हूँ हमेशा की तरह। अब जो पहला सेलेक्टर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो तुम लोगों को पता है, वो होगा रीसेट का सेलेक्टर, जिसके अंदर मैं मार्जिन को जीरो करवा दूंगा, हेडिंग को भी जीरो करवा दूंगा और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करवा दूंगा। उसके बाद एज यूजुअल हम सेलेक्ट करेंगे बॉडी को और बॉडी को देंगे एक हाइट 100 व्यूपॉइंट की। और अब मैं इस पूरे एप्लीकेशन को पेज के सेंटर में लाना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स करवाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को हम सेंटर करते हैं और अलाइन आइटम्स को भी हम क्या करते हैं सेंटर कर देते हैं। उसके साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ कि बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लूंगा डार्क ग्रे कलर, ठीक है। ये हमारी बॉडी स्टाइल हो गई। पेज को रिफ्रेश मारते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हमें किस तरह का रिजल्ट दे रही हैं। देखो रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड भी अप्लाई हो गया और ये पूरा का पूरा कंटेनर हमारा पेज के सेंटर में आ गया। अब आ जाते हैं इस कंटेनर के ऊपर और इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। अब हम चलते हैं और इस कंटेनर को पकड़ लेते हैं, एप्लीकेशन कंटेनर को। सबसे पहले इसको एक विड्थ देते हैं, लेट्स से के 500 की विड्थ ले लेते हैं। उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बॉडी को मैंने दिया है डार्क ग्रे और कंटेनर को मैं देता हूं ग्रे, और साथ ही साथ इसके अंदर हेडिंग डाल देते हैं 2 rem की, ताकि जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ आ जाए। अभी देखो रिफ्रेश मारा तो ये देखो कंटेनर यहाँ पर आ गया और हेडिंग भी अप्लाई हो गई। अब जल्दी से बारी बारी जो कंटेनर के एलिमेंट्स हैं इनको स्टाइल कर लेते हैं। अब कंटेनर के अंदर तो सबसे पहली चीज है वो है टाइटल। तो इस टाइटल को हम यहाँ से पकड़ते हैं और इसका टेक्स्ट अलाइन हम करवा देते हैं सेंटर, और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बड़ा कर देते हैं, 3 rem कर देते हैं, ठीक है। टाइटल है तो इसको बड़ा होना चाहिए। अब उसके बाद हम अपने टाइटल को एक बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, ठीक है। इससे एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएगी। इसको हम विड्थ देते हैं 2 pixels की, स्टाइल सॉलिड करते हैं और इसका कलर जो है हम व्हाइट कर देते हैं। अब इसके नीचे हम डाल देते हैं मार्जिन बॉटम, ताकि नीचे के जो कंट्रोल्स हैं और टाइटल के दरमियान एक गैप आ जाए। तो 20 pixels का हम यहाँ पे गैप डाल देते हैं। चलते हैं ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश मारते हैं। देखो ये मैंने रिफ्रेश मारा तो ये देखो हमारा टाइटल जो था वो स्टाइल हो गया। अब हमारे पास ये कंट्रोल्स रह गए। ये कंट्रोल्स मुझे एक रॉ में चाहिए, तो उसके लिए मैं फ्लेक्स यूज कर लूंगा। फ्लेक्स अप्लाई करने के लिए मुझे इस कंटेनर को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा फ्लेक्स कंटेनर बनेगा और इसके अंदर जो तीनों आइटम्स हैं वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे। और उसके बाद हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करके इनको एक रॉ में अरेंज करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कंट्रोल्स कंटेनर को पकड़ूंगा और इसको करवाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है, राइट। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हो। जस्टिफाई कॉन्टेंट को मैं करवाऊंगा स्पेस अराउंड, और उसके बाद
जो अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है उसको भी मैं सेंटर कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं वो एक रॉ के अंदर अरेंज हो जाएंगे। अभी देखो मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ, तो ये देखो तीनों के तीनों हमारे एलिमेंट्स एक रॉ के अंदर आ गए, वो इनके दरमियान जो स्पेस थी वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्योंकि हमने जस्टिफाई कॉन्टेंट में स्पेस अराउंड की वैल्यू को यूज किया। अब बारी बारी इंडिविजुअली इन तीनों एलिमेंट्स को स्टाइल कर लेते हैं। अब पहले मैं पकड़ लेता हूँ इस पैराग्राफ को जो दोनों बटन्स के बीच में बैठा हुआ है। इसके पास एक क्लास है स्क्रीन, तो इसका सिलेक्टर बनाते हैं। इस पैराग्राफ को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी देनी है, वो है फॉन्ट साइज की। इसका फॉन्ट साइज बड़ा सा कर देते हैं क्योंकि ये हमारा मेन काउंटर है। इसका हम कर देते हैं 3 रैम। ठीक है, ये रिफ्रेश मारा मैंने, ये देखो ये काम भी हो गया। अब आगे चलो। अब इसके बाद मैं दोनों बटन्स को एक साथ पकड़ लेता हूँ, दोनों बटन्स के ऊपर एक जैसे स्टाइल अप्लाई होना है। ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंट का बटन हो गया और ये हमारा डिक्रीमेंट का बटन हो गया। मैं यहाँ पे जो बॉर्डर है वो नन करवाता हूँ, इनका जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 2 रैम कर देता हूँ, और जो कर्सर है उसको कर देता हूँ पॉइंटर, और उसके बाद थोड़ी सी फेरिंग डाल देता हूँ, 10 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स, राइट। अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो हमारे बटन्स भी वैसे स्टाइल हो गए। लेकिन तुम ये देखो कि बटन्स का जो साइज है वो डिफरेंट आ रहा है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। अगर इसको फिक्स करना है तो हम इनको एक सेम विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इनको अपने दोनों बटन्स को एक विड्थ दे देते हैं 60 पिक्सल्स की। ठीक है, और उसके बाद जो फेडिंग है उसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और मेरे ख्याल में 5 पिक्सल्स की फेडिंग जो है वो काफी होगी। तो 5 पिक्सल्स की हमने फेडिंग दे दी और साथ ही साथ हमने दोनों बटन्स के ऊपर एक विड्थ डाल दी। अब इनका साइज जो है वो बराबर हो जाएगा। ये देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो दोनों बटन्स का साइज सेम हो गया। अब एक काम करते हैं कि इन बटन्स के ऊपर हवर इफेक्ट्स जो है वो डाल देते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसके ऊपर क्लिक किया जा रहा है या माउस कर्सर यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों बटन्स के ऊपर बारी बारी हवर अप्लाई करवा देते हैं। जब हवर होगा तो इनका जो कलर है उसको ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं और ये देखो। ठीक है, अब हमारी CSS कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में और इस काउंटर को फंक्शनल बनाते हैं। CSS फाइल को अब मैं यहाँ से बंद करता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, और जावास्क्रिप्ट फाइल बना के रखी हुई है उसको HTML के साथ लिंक भी कर दिया है। अब जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और इस एप्लीकेशन को फाइनल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमें इन तीनों एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इनके पास क्लासेस हैं इंक्रीमेंट, स्क्रीन और डिक्रीमेंट, तो हम इन क्लासेस को यूज करके इन्हें जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करवा लेंगे। अब जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ये वेरिएबल करंट काउंटर की जो वैल्यू होगी उसको होल्ड करेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसको करंट वैल्यू, और हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, हमने अपने काउंटर जो है वो 0 से स्टार्ट करना है, ये हम वेब के ऊपर भी 0 शो कर रहे हैं। तो हमने करंट काउंटर का जो वेरिएबल है उसके अंदर यहाँ पे डाल दिया 0। अब इसके बाद में क्या करूंगा, मैं बारी बारी इन दोनों बटन्स को जावास्क्रिप्ट में लेके आऊंगा और इनके ऊपर क्लिक इवेंट्स को रजिस्टर करवाऊंगा। तो चलो ये काम जल्दी से करते हैं। ये हमारा है इंक्रीमेंट का बटन। इंक्रीमेंट के बटन की जो क्लास है वो है INCR। एक मरतबा कंफर्म कर लेते हैं, HTML में INRE, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये होगा INCR। ठीक है, INCR का मतलब इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट के बटन को सेलेक्ट किया और डायरेक्टली हमने उसके ऊपर एड इवेंट लिस्टनर मेथड को कोड कर दिया। जो इवेंट है हमारा वो है क्लिक, और जब क्लिक होगा तो हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। ठीक है, अब यही काम हमने करना है किसके साथ, डिक्रीमेंट के साथ। तो हम यहाँ से इसको कोड कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा होगा डिक्रीमेंट का बटन, और इसकी जो क्लास है वो है डेक। एक मरतब फिर कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेक लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने दोनों बटन्स के ऊपर क्लिक इवेंट्स अप्लाई कर दिए। अब जब इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, ये जो करंट वैल्यू का वेरिएबल है ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और जब डिक्रीमेंट पे होगा तो क्या होगा, करंट वैल्यू का जो वेरिएबल है ये 1 से माइनस कर जाएगा, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा।
तो एक सेम वेरिएबल है जो कि दोनों इवेंट्स के अंदर यूज हो रहा है, और जैसे ही इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी हमने इसको वेब के ऊपर पब्लिश करवा देना है। और उसके लिए हमारे पास एक पैराग्राफ है स्क्रीन जिसकी क्लास है, तो हम क्या करते हैं कि उस पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और उसका जो टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी है उस पर कॉल करते हैं, और उस पर हम असाइन करवा देते हैं करंट वैल्यू वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी। और इसको हम यहां से उठाते हैं और हमने एज इट इज इसको यहाँ पे पेस्ट करवा देना है। तो अभी आधा काम हमारा हो गया, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो तुम देखना कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बटन से है वो काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी लिमिट्स डिफाइंड नहीं हुई है। हमारा जो काउंटर की वैल्यू है वो 0 से कम माइनस में भी जाएगी और 10 से ऊपर 11 12 13 तक भी जाएगी। तो देखो रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ पे देखो कि इस बटन के ऊपर से CSS हट गई है क्योंकि हमने इसकी क्लास जो है वो चेंज कर दी है। अभी छोटी छोटी चीजें ना होती रहती हैं। देखो हमने इसकी क्लास जो है वो मिस स्पेल की थी ना यहाँ पे, तो हमने क्लास INCR है, तो हम चलते हैं CSS में और जहां पर भी ये क्लास लिखी हुई थी ये देखो मैंने भी क्या काम किया यार, समझ नहीं आया। ये है INCR, और यहां पर भी हमने इसको करना है INCR, तो हमारी CSS वापस आ जाएगी। रिफ्रेश मारते हैं दोबारा से तो ये देखो CSS वापस आ गई। अब जरा इसको हम लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है, अब ये 10 के बाद जाता रहेगा। इसी तरह अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊं तो ये क्या होगा कि ये 0 के बाद माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो कंट्रोल्स जो है वो कोड करने हैं इफ स्टेटमेंट के साथ, ताकि इसकी लिमिट जो है वो डिफाइन हो सके। अब जो कंट्रोल्स हैं वो हमने कहाँ कोड करने हैं, उनकी जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट है, हमने वो कोड करने हैं यहाँ पे। जैसे ही वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी हमने फौरन यहाँ पे कंट्रोल कोड करना है और चेक करना है कि वैल्यू वैलिड है या नहीं है, इससे पहले कि हम उस वैल्यू को वेब के ऊपर पब्लिश करवाएं। तो इंक्रीमेंट का जो कंट्रोल होगा वो इस तरीके से होगा कि अगर करंट की जो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 हो जाए तो क्या करो, करंट की जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट कर दो 10 के ऊपर। समझ में आ रही ना बात? तो जब कभी भी करंट की वैल्यू ऊपर जाने की कोशिश करेगी 10 से, हमारा ये इफ स्टेटमेंट उसको दोबारा से इनिशियलाइज करवा देगा 10 के ऊपर, यानी कि करंट वैल्यू जो होगी वो 10 पे आके रुक जाएगी। हम चाहे जितना भी प्लस के बटन को दबाते जाए वो 10 पे आकर रुकी रहेगी। सेम स्टेटमेंट लेकिन अपोजिट हमने यहाँ पे कोड करनी है डेक्रीमेंट के अंदर। अब यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो है 0 की, अगर करंट की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 हो जाए तो हमने क्या करना है, करंट को 0 के ऊपर स्टक करवा देना है, यानी कि जब 0 आएगा और उसके बाद तुम तो मजीद डिक्रीमेंट करने जाओगे तो वो नहीं होगा और करंट की वैल्यू हमेशा 0 पे रीसेट हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये लो, हो गया हमारा सिंपल काउंटर प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थी एंड आई होप कि तुम लोगों को पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। अब चलते हैं ब्राउजर में और इसको एक आखिरी मरतबा चेक करते हैं। देखो रिफ्रेश मारते हैं, अब पहले इसको लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, ये देखो ठीक है मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन अब ये 10 से ऊपर वैल्यू नहीं जा रही। अब इसको मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ और ये 0 पे आके रुक जाएगी, ये देखो ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कोर्स का सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट था जिसको हमने सक्सेसफुली कोड कर लिया। लगे रहो और जुड़े रहो और चलो इस कोर्स के लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ। सो माई फ्रेंड्स यू गाइज आर अमेजिंग, मेरे साथ लगे रहे जुड़े रहे लर्न करते रहे, और अब वक्त आ गया है इस कोर्स के आखिरी लास्ट प्रोजेक्ट का। आई होप कि ये पूरा जर्नी तुम लोगों के लिए अमेजिंग रहा होगा। कमेंट करना और जरूर बताना कि तुम लोगों को ये कोर्स कैसा लगा। अब हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम डाइस सिमुलेशन बनाएंगे। दो डाइसेस होंगे जिनको हम थ्रो करेंगे एक बटन के क्लिक के ऊपर। हम इस एप्लीकेशन में डाइसेस का सम भी शो करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी एनिमेशन भी डालेंगे। अब इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें एज यूजुअल तीन फाइल्स तो चाहिए हैं, एक HTML की होगी, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की, लेकिन साथ ही साथ हमें डाइस इमेजेस चाहिए। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने डाइस के सारे फेसेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इंटरनेट के ऊपर तुम्हें बहुत सी डाइस इमेजेस मिल जाएंगी जिनके ऊपर कॉपीराइट इश्यू भी नहीं होगा, तो बस डाइस इमेजेस को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में डाल लो। देखो मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस को एक इमेज के फोल्डर के अंदर
डाल दिया है। मैं इनको यहां से उठाऊंगा और अपने वेब पेज के ऊपर पब्लिश करूंगा। अब यहां पे तुम लोगों ने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जरा गौर से देखो तो इमेजेस की जो नेमिंग है उसके अंदर एक इंडेक्स वैल्यू यूज हो रही है। डाइस का स्ट्रिंग तमाम के तमाम इमेजेस के अंदर सेम है, लेकिन जो डाइस फेस वन है उसका इंडेक्स वैल्यू है वन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डाइस फेस वन से मेरी क्या मुराद है। ये देखो, जब डाइस वन होगा तो उसकी इंडेक्स वैल्यू वन है, जो डाइस टू है उसकी इंडेक्स वैल्यू टू है। तो ये जो इंडेक्स वैल्यूज हैं ये बहुत जरूरी हैं। अगर ये इंडेक्स वैल्यूज नहीं होंगी तो फिर हम इन इमेजेस को वेब के ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने इमेज स्लाइडर वाले प्रोजेक्ट में किया था। वहां पर भी हमने अपनी इमेजेस के साथ इंडेक्सिंग को इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी ये जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो इस्तेमाल होंगी जावास्क्रिप्ट में। यानी कि जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारे पास रैंडम डाइस की वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर जो भी वैल्यू होगी, उसके हिसाब से हम यहाँ से पिक्चर को उठाएंगे और अपने वेब के ऊपर पब्लिश कर देंगे। ठीक हो गया। तो बस इस चीज को तुमने ध्यान में रखना है, तुम जो भी डाइस की इमेजेस डाउनलोड करो उनमें तुमने नंबरिंग कर देनी है 1 से लेके 6 तक, और बाकी का जो स्ट्रिंग होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इस चीज का तुमने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल सेटअप है, हमें डाइस इमेजेस चाहिए इस प्रोजेक्ट को कोड करने के लिए। तो चलो चलते हैं और जल्दी से इस प्रोजेक्ट की HTML को कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम एक एप्लीकेशन कंटेनर ले लेंगे, और इस कंटेनर में जो सबसे पहली चीज है वो है टाइटल। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्न द डाइसेस, ये हमारी एप्लीकेशन का टाइटल हो गया। और उसके नीचे हम क्या करेंगे कि एक डाइस कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हमारे दोनों डाइसेस आएंगे। डाइसेस इमेजेस के अंदर हैं तो उनको हम वेब पे कोड करने के लिए इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। और इनिशियली जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो डाइस फेस वन जो है वो डिफॉल्ट होगा। ठीक है, और दूसरा भी हमें डाइस चाहिए, इसके अंदर भी हम डाइस फेस वन को डाल देते हैं। तो ये दो हमारे डाइसेस हैं जिनको हमने इमेज एलिमेंट्स के अंदर कोड कर दिया। इन दोनों को हम एक क्लास भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमने अपने दोनों इमेज एलिमेंट्स को दो दो क्लासेस दे दिए हैं, डाइस वन डाइस टू, और जो डाइस क्लास है वो दोनों के अंदर सेम है। अब डाइस कंटेनर से बाहर जाते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं जिसको क्लास देते हैं सम। इस पैराग्राफ के अंदर हम अपने डाइसेस का सम शो कराएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो डाइस फेस वन है इसको मैंने डिफॉल्ट बनाया है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1 + 1 = 2। तो इनिशियली हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें डाइस टर्न करवाने के लिए, रोल करवाने के लिए एक बटन की जरूरत है। मैं एक डिव लूंगा, इसको क्लास दूंगा बटन, और इसके अंदर मैं बटन डाल दूंगा, इसमें टेक्स्ट लिख दूंगा टर्न, और इसको मैं भी एक क्लास दे देता हूं btn टर्न। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये हमारी HTML रेडी हो गई प्रोजेक्ट की। अब चलते हैं ब्राउजर में और इसको एक मरतबा रिफ्रेश मारते हैं। तो ये देखो ब्राउजर के अंदर मुझे ये आउटपुट मिल रहा है, सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, मुझे टाइटल मिल रहा है, डैशेस की इमेजेस मिल रही हैं, और नीचे मुझे सम और बटन भी मिल रहा है। अब चलते हैं और इस प्रोजेक्ट की CSS को रेडी करते हैं। अब देखो CSS फाइल मैंने बना के रखी हुई है और ये फाइल HTML के साथ मैंने कनेक्ट भी कर दी है। अब इस फाइल को मैं हमेशा की तरह एक डिफरेंट टैब में खोल दूंगा ताकि हमें CSS लिखने में आसानी हो। ये मैंने फाइल खोल दी। इस फाइल में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे रीसेट। हमेशा की तरह हम मार्जिन को कर देंगे 0, उसके बाद हम हेडिंग को भी 0 करेंगे और बॉक्स साइजिंग को हम बॉर्डर बॉक्स करेंगे, और उसके फौरन बाद हम पकड़ लेंगे बॉडी को, और बॉडी को हम देंगे एक हाइट 100 व्यू पॉइंट की। अब हाइट देने के बाद मैं अपनी बॉडी को एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर दूंगा, और उसके लिए मैं अगेन css gradient.io की वेबसाइट को यूज करूंगा जो कि मैंने तुम लोगों को पहले भी दिखाई थी। तो देखो ये CSS Gradient की वेबसाइट है, css gradient.io। यहाँ पे इन कंट्रोल्स को यूज करके तुम अच्छा सा ग्रेडियंट रेडी करवा सकते हो। तो मैं जो ग्रेडियंट यूज करूंगा वो थोड़ा सा ऑरेंज है, क्योंकि जो मेरे डाइसेस हैं उनके अंदर जो डॉट है वो ऑरेंज है, तो एक अच्छा सा कंट्रास्ट आएगा। तो मैंने अपना ग्रेडियंट बना के यहाँ पे रखा हुआ है, तुम लोगों को जो भी ग्रेडियंट समझ में आए, पसंद आए, वो तुम यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं CSS को कॉपी करूंगा
और उसको मैं सिंपली अपने बॉडी के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखो मैंने ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर दिया सिंपल इस तरीके से। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इस पूरी एप्लीकेशन को बॉडी के सेंटर में ले आऊंगा। उसके लिए मैं बॉडी पे फ्लेक्स को अप्लाई करूंगा, जस्टिफाई कॉन्टेंट को सेंटर करूंगा और अलाइन आइटम्स को भी मैं सेंटर करूंगा। तो क्या होगा कि पूरी की पूरी मेरी ये जो एप्लीकेशन है वो बॉडी के सेंटर में आ जाएगी। अब चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश मारते हैं और अभी तक की डेवलपमेंट्स को चेक करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो ठीक है, बॉडी के ऊपर ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी अप्लाई हो गया और हमारी जो एप्लीकेशन है वो इस वक्त पेज के सेंटर में आ गई। ये सारे एलिमेंट्स इनके साइज अभी बड़े बड़े हैं तो इस वजह से सही तरह से पता नहीं चल रहा। अभी हम डैशेस के साइज को जब कम करेंगे तो फिर पता चलेगा कि एप्लीकेशन पेज के सेंटर में है। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि डाइस इमेजेस के साइजेस को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ब्राउजर में समझ में भी आए क्या हो रहा है और CSS लिखने में मजा भी आए। तो मैं दोनों डैशेस को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं विड्थ देता हूँ लेट्स से के 200 पिक्सल्स की ठीक है। तो ये डाइस क्लास जो है वो दोनों यहाँ पे जो डाइस एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सेम है। इसको यूज करके मैंने अपने दोनों डाइसेस को सेलेक्ट कर लिया और मैंने हाइट नहीं दी, मैंने खाली विड्थ दी है। तो हमारा जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी हाइट एडजस्ट कर लेगा जिसके अंदर एस्पेक्ट रेशियो अच्छा हो। तो अभी देखो मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो ये देखो इमेजेस के साइजेस जो थे वो अच्छे हो गए, नॉर्मल हो गए और अब तुम देख सकते हो कि पूरा जो एप्लीकेशन कंटेनर है वो इस वक्त पेज के सेंटर में मौजूद है। अब चलते हैं और एप्लीकेशन कंटेनर को पकड़ते हैं, वहां से स्टाइल करना शुरू करते हैं। अब देखो ये हमारा एप्लीकेशन कंटेनर है ठीक है। अब मैं इसको CSS के अंदर सिंपली इसकी क्लास को लेके इस तरीके से पकड़ लेता हूँ। अब सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इस एप्लीकेशन कंटेनर को एक विड्थ देता हूँ जो कि मैं दूंगा 60% ऑफ बॉडी। अब इसके बाद मैं अपने एप्लीकेशन कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कलर ऑरेंज राइट। थोड़ी सी पैडिंग डालते हैं लेट्स से कि 1 RAM की और जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंडेड कर देते हैं ठीक है। बॉर्डर रेडियस को पकड़ते हैं, इसको हम 20 pixels राउंडेड कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन कंटेनर था वो भी स्टाइल हो गया। तो ये देखो रिफ्रेश मारा तो ये देखो हमारा एप्लीकेशन कंटेनर भी स्टाइल हो गया। अब इस एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर ये जो चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टाइटल है, इमेजेस हैं, ये पैराग्राफ है और ये जो बटन है, इसको हम बिल्कुल ही यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन कंटेनर के पास दोबारा जाएंगे, इसको कहेंगे कि तुम डिस्प्ले फ्लेक्स ले लो ठीक है, जस्टिफाई कॉन्टेंट को सेंटर करना है। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पे जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी वो हमने क्या करना है, कॉलम करना है। और जब हम कॉलम करेंगे तो फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी अलाइन आइटम्स सेंटर की। तो इससे क्या होगा, कंटेनर्स के अंदर जितने भी फ्लेक्स आइटम्स हैं वो पहले अपने आप को एक कॉलम के अंदर अरेंज करेंगे और उसके बाद वो सेंटर में आ जाएंगे। तो देखो ये हमारा कंटेनर है और इसके अंदर 1, 2, 3 और ये 4 फ्लेक्स आइटम्स हैं। अब ये सारे के सारे क्या करेंगे, अपने आप को इस कंटेनर के सेंटर में ले आएंगे। ये देखो मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो ये देखो ठीक है, पूरी की पूरी हमारी एप्लीकेशन सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे सेंट्रल लाइन हो गए। अब हमने बारी बारी इन एलिमेंट्स को पकड़ना है और इन्हें स्टाइल कर लेना है। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं इस टाइटल को, इसके फोन साइज को बड़ा करते हैं लेट्स से के 4 RAM करते हैं, इसको एक बॉर्डर बॉटम देते हैं 2 pixel सॉलिड ब्लैक और इसको मार्जिन बॉटम देते हैं ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो ये हमारा हेडर भी दोस्तों स्टाइल हो गया। तो देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो ये हमारा हेडर स्टाइल हो गया, यहाँ पे अच्छा सा गैप भी आ गया। अब इन इमेजेस के ऊपर हमने ज्यादा काम नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके दरमियान स्पेस को इंक्रीज करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने डैशेस के पास जाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्टर बना हुआ है और मैं यहाँ पे दोनों को लेट्स से के मार्जिन राइट देता हूँ 20 pixels का ठीक है। तो इमेजेस के पास एक मार्जिन आ गया तो गैप पड़ जाएगा बीच में। अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो अच्छा खासा गैप बीच में आ गया। अगर इतना गैप ठीक लग रहा है तो इसको रख लो, अदरवाइज थोड़ा सा गैप और भी डाला जा सकता है। हम इसको बेसिकली बाद में भी देख सकते हैं, जब एनिमेशन अप्लाई करेंगे उस वक्त देखेंगे कि गैप हमें मजीद चाहिए या नहीं चाहिए। अब जल्दी से इस पैराग्राफ को भी स्टाइल कर लेते हैं। अब देखो ये जो पैराग्राफ है इसके पास क्लास है सम, इसके पास जाते हैं और सम को यहाँ से टारगेट करते हैं। इस पैराग्राफ के फोन साइज को कर देते हैं 3 RAM और उसके बाद इसको
मार्जिन टॉप दे देते हैं, लेट्स से के 20 पिक्सल्स का। तो ये दोस्तों हमारा पैराग्राफ बेस्ड स्टाइल हो गया। रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो हमारा पैराग्राफ बेस्ड स्टाइल हो गया। और आखिर में इस बटन को स्टाइल कर लेते हैं। और अब ये जो बटन है इसके पास क्लास है btn turn, तो btn turn को इस तरीके से पकड़ते हैं, इस बटन के बॉर्डर को हटा के नन कर देते हैं। और उसके बाद इसको पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल्स की एंड 15 पिक्सल्स की। इसका जो फोन साइज है इसको 1.5 रैम करते हैं। बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ब्लैक, और जो टेक्स्ट कलर है उसको हम कर देते हैं वाइट, और उसके बाद जो कर्सर है उसको हम पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बटन भी जो है वो स्टाइल हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर मार्जिन टॉप भी डाल देते हैं, लेट्स से के 10 पिक्सल्स का। अब चलते हैं ब्राउजर में और जरा रिफ्रेश मारते हैं। ये देखो, ये मैंने रिफ्रेश मारा तो ये देखो हमारा टर्न का बटन भी जो है वो प्रोग्राम हो गया। तो दोस्तों हमारा लेआउट तो प्रोग्राम हो गया। अब क्या करना है, अब हमने जाना है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले हमने एक काम और करना है। हमने इस एप्लीकेशन के अंदर एनिमेशन डालनी है, रोटेटिंग एनिमेशन डालनी है कि हमारे जो टाइज होंगे वो एक 360 डिग्री का टर्न लेंगे, उसके बाद डिसअपेयर होंगे और फिर नए डाइसेस जो हैं वो शो होंगे। एनिमेशन बनती है CSS में। तो हमने ये काम करना है कि हमने एक रिजर्व एनिमेशन बना के रखनी है, और उस एनिमेशन को कंट्रोल करेंगे हम, या कंट्रोल किया जाएगा जावास्क्रिप्ट के। तो अभी CSS में चलते हैं और एक एनिमेशन को बनाते हैं। अब एनिमेशन बनाने के लिए CSS में जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो होता है की फ्रेम्स। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक एनिमेशन, राइट, की फ्रेम्स को यूज करके। ठीक है, इस तरीके से की फ्रेम का सेंटेक्स है, और यहाँ पे हम अपने एनिमेशन का नाम लिखते हैं। तो हम अपने एनिमेशन को कह देते हैं, लेट्स से के रोटेट फेड आउट। ठीक है, ये हमारी एनिमेशन का नाम है। अब ये जो CSS एनिमेशन होती है ये अमूमन 0 से 100% पे जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 0 100% के पॉकेट्स बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 0% का, और ये हमारा हो गया 100% का। ठीक है, तो हमारी एनिमेशन जो है वो 0 से 100% पे जाएगी। अब जब 0 पे होगी तो क्या होगा, और 0 से 100% जाने तक में क्या होगा वो मैं बताता हूँ कि क्या होगा। जब वो 0 पे होगी तो ट्रांसफॉर्म जो है वो रोटेट होगा कितना, 0 डिग्री। और जब वो 100 तक पहुंचेगी तो ट्रांसफॉर्म जो है वो रोटेट हो जाना चाहिए कितना, 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को पूरा रोटेट करवाने के लिए हमें जो डिग्री चाहिए वो 0 से 360 डिग्री चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने बोला है कि एनिमेशन को लेके जाओ 0 से 100%, और 0 से 100% के दरमियान किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करो कि हमारा एलिमेंट जो है वो 0 से 360 डिग्री घूम जाए। अब ये सारा काम जो है वो CSS एनिमेशन का है, की फ्रेम्स का है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे खाली डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो एनिमेशन हमारी डिफाइन हो गई, लेकिन डिफाइन करना काफी नहीं होता, इस एनिमेशन को अप्लाई भी तो करना है। और ये CSS की एनिमेशन है, तो इसका मतलब यह है कि इसको अप्लाई करने के लिए हमें कोई ना कोई सिलेक्टर चाहिए होगा। हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे ऊपर एक बनाते हैं एनिमेशन सिलेक्टर, और इसका नाम देते हैं एनिमेट। अब इस सिलेक्टर में हम एनिमेशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और हमने अभी जो एनिमेशन बनाई है रोटेट फेड आउट इसको अप्लाई करवा देंगे, और जो एनिमेशन का टोटल ड्यूरेशन है इसको हम कर देते हैं 2 सेकंड्स। ठीक है, तो हमारी जो एनिमेशन है 2 सेकंड लेगी इस पूरे चक्कर को लेने में, यानी कि 0 से लेके 360 तक जाने में, या 0 से 100% तक जाने में हमारी एनिमेशन 2 सेकंड लेगी। तो हमने एक सिलेक्टर बनाया एनिमेट, और उसके अंदर हमने अपनी एनिमेशन को अप्लाई करवा दिया। अब ये जो हमारा सिलेक्टर है एनिमेट, इसको हम जहां पर भी लगाएंगे वो एलिमेंट हमारा जो है वो घूम जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इस एनिमेट क्लास सेलेक्टर को अपने इस फर्स्ट वाले डाइस में यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। अब चलते हैं वेब पेज पे, वहां पे जरा रिफ्रेश मार। ये देखो मैंने रिफ्रेश मारा तो ये देखो हमारा जो पहला वाला डाइस था पूरा 360 डिग्री घूम गया, और इसने घूमने में कितना टाइम लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया। ठीक हो गया, तो ये एनिमेशन ऐसी है कि मैं इसको कहीं पर भी डाल दूंगा वो एलिमेंट जो है वो 360 डिग्री में घूम जाएगा। अब जैसे कि ये टाइटल है, मैं यहाँ पे टाइटल के पास जाता हूँ और यहाँ पर मैं एनिमेट क्लास डाल देता हूँ। तो अब ये पूरा टाइटल जो है हमारा ये भी 360 डिग्री घूम जाएगा। देखो रिफ्रेश मारते हैं तो ये देखो पूरा टाइटल हमारा 360 डिग्री घूम के वापस आ गया।
अब यहां से मैं टाइटल पर से एनिमेशन को हटाता हूँ। अब घुमाने के साथ साथ हमने एक काम और करना है कि जब 100% पे हमारी एनिमेशन पहुंचे तो डायसेस जो है वो बिल्कुल ही फेड आउट हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपली एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे। जब हमारी एनिमेशन पहुंचेगी 100% पे, हम बोल देंगे कि ओपेसिटी जो है वो जीरो कर दो। तो अब क्या होगा, रोटेशन होगी, 0 से 360 डिग्री पे रोटेट भी होगा और साथ ही साथ 100% पे हमारा जो एलिमेंट है उसकी ओपेसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि वो गायब हो जाएगा। अब मैं जल्दी से इसको दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एनिमेट, बल्कि दोनों डायसिस पे अप्लाई कर देता हूँ क्लास को एनिमेट। अब चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश मारते हैं। ये देखो मैंने रिफ्रेश मारा, ये दोनों घूमेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा से आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो देखो हमने सारी चीजें रेडी कर ली है, हमारा लेआउट भी रेडी हो गया और हमने सिंपल सी एनिमेशन भी बना के साइड में रख ली। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, अब सारा काम होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस सीएसएस फाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये जो एनिमेशन मैंने यहाँ पे लगाई थी इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एनिमेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगेगी और जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। इस फाइल को मैंने एचटीएमएल के साथ लिंक भी किया हुआ है। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं सबसे पहले इन दोनों डायसिस की और इस टर्न बटन की सिलेक्शन मारूंगा। तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इनको जल्दी से सिलेक्शन कर देते हैं, सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने तीनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, दोनों डायसिस मेरे पास आ गए और यहाँ पे मेरे पास टर्न वाला बटन भी आ गया। अब इस टर्न वाले बटन के ऊपर सारा काम होना है। जब इस पे क्लिक होगा डायसिस जो है वो रोल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बटन के ऊपर मैंने इवेंट लगाना है, तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ इवेंट जो कि होगा क्लिक। और जब क्लिक होगा तो हम सिंपली एक फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। अब यहाँ तक काम करने के बाद मैं क्या करूंगा कि कंसोल लॉग के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा और चेक करूंगा कि यहाँ तक मेरा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जल्दी से पेज को रिफ्रेश मारते हैं और कंसोल खोलते हैं। तो ये हमारा कंसोल आ गया। अब जरा टर्न पे क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ओके का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ तक काम कर रही है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर हमने रेंडम डाइस वैल्यूज को जनरेट कराना है। डाइस की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से लेके 6 तक होती हैं और हमने रेंडमली उनको जनरेट करवाना है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो रेंडम नंबर्स हैं वो जनरेट होते हैं रेंडम फंक्शन के साथ जो कि मैथ ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। अब ये जो रेंडम फंक्शन है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज देता है 0 से 0.999। अब ये एक प्रॉब्लम है। देखो मैंने रैंडम फंक्शन को कॉल किया कंसोल लॉग में, अभी चलते हैं कंसोल में और चेक करते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिल रही हैं। अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं और क्लिक करते हैं बटन के ऊपर, तो ये देखो, ठीक है ये देखो हमें क्या डेसिमल के अंदर रैंडम वैल्यूज मिल रही हैं। और ये कहाँ से रेंज करेंगी, ये 0 से 0.999 तक की रेंज के अंदर होंगी, यानी कि ये वैल्यू कभी 1 नहीं होगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का रैंडम फंक्शन इस तरह से काम करता है, हमें डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज होल नंबर में नहीं मिलती, हमें इनको बेसिकली बनाना पड़ता है। तो चलो इसको सीख लेते हैं कि इंटीजर होल वैल्यूज एक इंटरवल के अंदर किस तरह से बनाते हैं। हमारा जो इंटरवल है वो है 1 से 6 का। अब देखो इंटीजर वैल्यू लाने के लिए, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यू लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू मुझे रैंडम से मिलेगी मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जो मैक्सिमम डाइस वैल्यू है मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या होगा, अब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 0 से 5.999 की रेंज में। ठीक है, ये मुझे वैल्यूज मिलेंगी, मुझे 6 नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो वैल्यू है जो मुझे रैंडम से मिल रही है ये कभी भी 1 नहीं होगी, ये 0.99 रहेगी। तो जब तक मुझे यहाँ से 1 नहीं मिलेगा मुझे 6 यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो अभी इस वक्त कंसोल में हमें जो वैल्यूज मिल रही होंगी उनकी रेंज ये होगी 0.001, 0.002 से लेके 5.9999 तक की वैल्यूज हमें मिलेंगी। अभी देखो रिफ्रेश मारते हैं, उसके बाद बटन को पहले
क्लिक करके थोड़ी सी वैल्यूज को जनरेट करवा देते हैं। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे देखो लोअर और अपर बाउंड दोनों आ रहा है। हमें यहाँ पे जीरो भी मिल रहा है जो कि लोअर है और जो मैक्सिमम हमें मिलेगा वो फाइव मिलेगा। ये कभी सिक्स हो नहीं सकती, लॉजिकल सी बात है। लेकिन एक काम हमारा जरूर हो गया, वो ये कि हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज मिल रही है लेकिन हमें होल वैल्यूज नहीं मिल रही, हमें होल नंबर्स नहीं मिल रहे। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर डेसिमल पोर्शन नहीं होता। अब यहाँ से जो अगला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन वैल्यूज को बेसिकली राउंड करवाना है ताकि हमें होल नंबर मिले। और जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन डिफरेंट राउंड फंक्शन है। जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका नाम है सील। सील फंक्शन क्या करता है? किसी भी वैल्यू को ऊपर की तरफ राउंड अप कर देता है। यानी कि अगर सील फंक्शन के अंदर मैं जीरो डालूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा वन, और सील फंक्शन के अंदर मैं 5.40 डालूंगा तो मुझे होल नंबर में रिजल्ट मिलेगा सिक्स। और अगर ये वैल्यू जाएगी सील फंक्शन में तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फाइव के अंदर, ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी टू के अंदर। तो जो भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है मैं उसको पास करवा दूंगा सील फंक्शन में ताकि वो राउंड ऑफ हो जाए। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सील फंक्शन भी जो है वो मैथ ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे सील को कॉल करूंगा और जो भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है वो मैं सील में पास करवा दूंगा। अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे रियल डाइस की वैल्यू मिलेगी, वो मुझे मिलेगी वन से लेके सिक्स की रेंज में। देखो मैंने रिफ्रेश करवाया और क्लिक मारते हैं, ये देखो वन तो मुझे ऊपर ही मिल गया, अब मुझे कहीं ना कहीं सिक्स भी मिलेगा। ये मुझे देखो यहाँ पे मुझे सिक्स मिल गया। तो मेरे पास डाइसेस रैंडमली जनरेट हो रहे हैं और दोनों बॉन्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, लोअर बॉन्ड भी आ रहा है, अपर बॉन्ड भी आ रहा है और बीच की वैल्यूज भी आ रही हैं। तो जबरदस्त काम हो गया, हमें रैंडमली डाइसेस को जनरेट करवाना भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ नीचे की तरफ जाके एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ गेट रैंडम डाइस, ठीक है। और यहां से मैं रिटर्न करवा दूंगा ये जो डाइस की वैल्यू है इस तरह से, ठीक है। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये फंक्शन हमें एक रैंडम डाइस की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इस फंक्शन को हमने कहां पे कॉल करवाना है? जब भी हम रोल के बटन पे या टर्न के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट रैंडम डाइस वैल्यूज। और कितने डाइसिस हैं हमारे पास? हमारे पास दो डाइसिस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस फंक्शन को दो मर्तबा कॉल करवाने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा बेसिकली एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं और अब यहाँ पे हम गेट रैंडम डाइस को इस तरीके से कॉल करते हैं। तो हमने अपने फंक्शन गेट रैंडम डाइस को यहाँ पे दो मर्तबा कॉल किया और इसने जो भी हमें रैंडम डाइस की वैल्यू दी उसको हमने इन दो वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा ली। ये दो जो वेरिएबल्स हैं हमारे बेसिकली ये हमारे रियल डाइसेस हैं। ये जो इमेजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स हैं, ये वेब पे हमने शो करवाने के लिए यूज करनी है। जो असल डाइसेस हैं बेसिकली वो ये दो वेरिएबल्स हैं। अब हमारे पास असल डाइसेस की वैल्यूज तो आ गई, अब इन डाइसेस की वैल्यूज को लेके हम वही इमेजेस यहाँ से उठाएंगे और ये जो हमारे पास इमेज एलिमेंट्स हैं हम इनके अंदर डाल देंगे। अब वो काम किस तरीके से होगा वो भी देख लो। हम यहाँ पे लिखते हैं अपडेट जी यू आई। अब हमने ग्राफिक्स को अपडेट करवाना है। डाइस वन वाला जो इमेज एलिमेंट है उसमें हम डी वन की वैल्यू को लेके डाइस उठा के डाल देंगे। तो डाइस वन को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके सोर्स एट्रीब्यूट को टारगेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग बनाना होगा। समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही तो अभी समझा देता हूँ, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखो हमारा यूजर इंटरफेस भी अपडेट हो गया। हमने डाइस की इमेजेस को उठाया बेस्ड ऑन रैंडम वैल्यूज और उनको असाइन करवा दिया डाइस वन और डाइस टू इमेज एलिमेंट्स को। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन रहा है बिल्कुल वैसा जैसा कि हमने HTML में यूज किया था। ये देखो इमेज डाइस वन डॉट PNG। अब यहाँ पे लेट सपोज के ये जो रैंडम फंक्शन है ये हमें देता है वन की वैल्यू और जो दूसरा वाला रैंडम फंक्शन है
ये हमें देता है 6 की वैल्यू। तो अब जरा इसको प्रोसेस करो कि यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज डाइस, और यहाँ पे वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा जो कि है 1। तो ये पूरा स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से, इमेज डाइस 1.png। और इमेज डाइस 1.png का मतलब क्या है कि ये वाली जो इमेज है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू उठ के इस वाले पहले वाले इमेज एलिमेंट को असाइन हो जाएगी। और जो सेकंड वाला है उसमें हमने सपोज किया है कि हमें नंबर 6 मिलता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा इमेज डाइस 6.png। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो जावास्क्रिप्ट है, वो डाइस 6.png को उठाएगा और उसे इस सेकंड डाइस को असाइन कर देगा। तो देखो जबरदस्त सा काम हो गया, और आधे से ज्यादा एप्लीकेशन हमारी कोड भी हो गई है। अभी जरा ब्राउजर में चलते हैं और इसको क्लिक मार के देखते हैं कि डाइसेस हमारे अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रिफ्रेश मारते हैं पेज को और टर्न पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो हमारे डाइसेस जबरदस्त अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब जो नेक्स्ट काम क्या है, और नेक्स्ट काम ये है कि हमने जो एनिमेशन बना के रखी हुई है, अब जरा उसको अप्लाई करते हैं। अब एनिमेशन किस तरह से अप्लाई होनी है और उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन अप्लाई। अब सबसे पहली चीज ये है कि एनिमेशन अप्लाई कहाँ पे होगी। एनिमेशन बिल्कुल टॉप पे होगी, जैसे ही क्लिक होगा एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई होगी। अब ये याद रखो कि एनिमेशन जो है वो क्या है, ये देखो एनिमेशन जो है वो सिर्फ सिर्फ एक सेलेक्टर है, और कौन सा सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है। यानी कि जैसे ही इस क्लास को हम ऐड करवाएंगे अपने डाइसेस के ऊपर, हमारे डाइसेस जो है वो एनिमेट करना शुरू हो जाएंगे। एनिमेशन क्लास को ऐड करवाने से पहले हमने ये देखना है कि हमारे एलिमेंट्स के पास ऑलरेडी वो क्लास ना हो, अगर वो नहीं होगी तो हम उसको ऐड करेंगे। और इसका अपोजिट हमने आगे जाके लिखना है, अगर वो क्लास होगी तो हमने उसको वहां से रिमूव भी करवाना होगा। तो जब हम अप्लाई करवाएंगे तो हम लिखेंगे इफ नॉट डाइस वन क्लासलेट कंटेन्स क्लास एनिमेट। अगर डाइस वन के पास क्लास एनिमेट नहीं है तो क्या करो, डाइस वन क्लासलेस एड, तो डाइस वन को क्या करो कि एनिमेट क्लास डाल दो। और ये सेम हमने क्या करना है, डाइस टू के साथ करना है। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से इसको ऐड करवा देता हूँ, और यहाँ पे जो होगा वो डाइस टू होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंट्रोल्स हैं जो कि एनिमेशन क्लास को ऐड करेंगे, उस वक्त ऐड करेंगे जब डाइस वन के पास या डाइस वन की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर एनिमेट की क्लास नहीं होगी, या डाइस टू की जो क्लास होगी उसके अंदर एनिमेट की क्लास नहीं होगी। सिर्फ इसी सूरत के अंदर एनिमेशन जो है वो ऐड होगी। अब चलते हैं जरा ब्राउजर में देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। देखो मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखो एनिमेट की क्लास ऐड हुई और हमें एनिमेशन मिल गई। लेकिन अब क्योंकि क्लास ऐड हो चुकी है, ठीक है, अब ये एनिमेशन दोबारा नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे टर्न पे क्लिक करूंगा तो ये देखो डाइसेस तो चेंज हो रहे हैं लेकिन एनिमेशन नहीं चल रही। मैं तुम्हें यहाँ पे डॉम के अंदर दिखाता हूँ कि ये देखो ये मेरे डाइसेस हैं, और यहाँ पे देखो कि एनिमेट क्लास जो है वो ऐड हुई भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास एक मरतबा ऐड हुई और एनिमेशन चली और ख़त्म हो गई। लेकिन मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, अब वो एनिमेशन नहीं चलेगी क्योंकि क्लास ऐड होके अब यहाँ पे बैठ गई है। अगर मुझे दोबारा एनिमेशन चलानी है नेक्स्ट क्लिक के ऊपर, तो मुझे इस क्लास को यहाँ से रिमूव करवाना होगा और फिर से ऐड करवाना होगा। तो इस तरह का एक सिस्टम बनेगा। तो चलो कर लेते हैं ये काम जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमने लगाई एनिमेशन, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एनिमेशन लगाने से क्या हुआ कि हमारे डाइस घूमे, उसके बाद हमने इंटरफेस को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एनिमेशन को रिमूव करना है। ये है अप्लाई एनिमेशन, हम यहाँ पे कहते हैं कि एनिमेशन रिमूव। अब हम यहाँ पे बोलेंगे अगर डाइस वन कंटेन्स करती है एनिमेट क्लास तो एड के बजाय क्या करो, रिमूव कर दो। ठीक है, अगर डाइस टू कंटेन्स करती है एनिमेट क्लास तो एड मेथड के बजाय हम यहाँ पे रिमूव मेथड कॉल कर देंगे। काम तो हमारा हो गया लेकिन हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। लॉजिकली तो हमें लग रहा है कि सब कुछ सही हो गया, यहाँ पे हमने एनिमेशन डाला, उसके बाद हमने जो है वो
डायसिस को अपडेट करवाया और फिर हमने एनिमेशन को निकाल दिया। दोबारा से क्लिक करेंगे तो फिर एनिमेशन डलेगी और फिर डायसिस अपडेट होंगे वेब के ऊपर और फिर एनिमेशन निकल जाएगी। तो फ्लो तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो एग्जीक्यूशन है ऊपर से लेके नीचे तक, ये बहुत ही फास्ट है। तो इतना फास्ट है कि हमें जो आउटकम है, जो हमें आउटपुट है, वो मिलेगा नहीं। एनिमेशन डलेगी और एनिमेशन निकलेगी, ये सारा काम इतनी स्पीड में होगा कि हमें एनिमेशन इफेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं। चलो ब्राउजर में चलते हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो रिफ्रेश मारते हैं और क्लिक करते हैं तो ये देखो डायसिस जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और तुम यहाँ पे देखोगे कि ये देखो एनिमेशन जो है मौजूद भी नहीं है। एनिमेशन आई और आते ही फौरन निकल गई। ये देखो एनिमेशन आ रही है और आके फौरन निकल रही है कि हमें वो दिखाई भी नहीं दे रही, हमें पता भी नहीं चला। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से फिक्स करें कि एनिमेशन के ऐड और निकलने में थोड़ा सा डिले आ जाए। बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। जावास्क्रिप्ट के पास डिले फंक्शन है, उस डिले फंक्शन को यूज करके हम थोड़ा सा डिले बीच में डाल सकते हैं। अब देखो कि किस तरीके से डिले फंक्शन यहाँ पे यूज होगा। देखो जावास्क्रिप्ट का जो डिले फंक्शन है वो है सेट टाइम आउट। नाम सुना होगा तुम लोगों ने इसका, डिले फंक्शन सेट टाइम आउट। ये जावास्क्रिप्ट का डिले फंक्शन है। ये क्या करता है, कोड को डिले करता है सेकंड्स के लिए जो भी हम इस फंक्शन को देते हैं। तो पहले जरा मैं सेट टाइम आउट फंक्शन को यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये फंक्शन आ गया जो कि है सेट टाइम आउट, और इस फंक्शन की अपनी एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो डिले करेगा हम यहाँ पे जो भी सेकंड्स देंगे, ठीक है। अब ये देखो कि हमने करना क्या है, इस एनिमेशन के खत्म होने के बाद हमने इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। अब इस एनिमेशन का टाइम कितना है, ये एनिमेशन कितना जाएगी, ये एनिमेशन जाएगी 2 सेकंड्स। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे हमने इसका टाइम जो है वो 2 सेकंड लिया है। तो हमने क्या करना है कि 2 सेकंड के बाद हमने इस कोड को डिले करवाना है। तो यहाँ पे जो टाइम आउट है इसको हम यहाँ पे हमें टाइम देना है बेसिकली, और 2 सेकंड का टाइम मिली सेकंड में देना है। तो 2 सेकंड मिली सेकंड में कितना हो गया, 2000 मिली सेकंड। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे कोड को यहां से उठाएंगे सिंपली, उसको हम डाल देंगे यहाँ पे सेट टाइम के अंदर, ठीक है। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब ये पूरे का पूरा जो कोड ब्लॉक है ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये 2 सेकंड के डिले के बाद शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि जब ये एनिमेशन पूरी खत्म हो जाएगी 2 सेकंड में, तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हमें ब्राउजर के अंदर अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ये देखो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो पूरी एनिमेशन गई, उसके बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये देखो पूरी एनिमेशन गई, उसके बाद यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि जो एनिमेट क्लास है उसका एड और रिमूव होने में भी 2 सेकंड का डिले आ जाएगा। ये एनिमेट क्लास आई, 2 सेकंड के बाद वो रिमूव हो गई। तुम खुद एक्सपीरियंस करो कि किस तरह से जो जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फंक्शंस हैं हम उनको आपस में जोड़ के सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो ये काम हमारा हो गया। अब एक आखिरी काम रह गया, वो ये कि हमने इस पैराग्राफ को यहाँ पे अपडेट करना है। अब हमारे जो असल डायसेस हैं वो कहाँ हैं, D1 और D2 के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सम को अपडेट करते हैं, और सम के लिए हमारे पास एक पैराग्राफ है यहाँ पे जिसके पास क्लास है सम। तो हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली इस सम वाले पैराग्राफ को पकड़ते हैं इस तरीके से, उसके ऊपर हम कॉल करते हैं टेक्स्ट कंटेंट को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सम को डाल देते हैं सिंपली इस तरीके से, D1 + D2। लो दोस्तों, हो गया हमारा प्रोग्राम रेडी। जबरदस्त सी एप्लीकेशन हमारी रेडी हो गई। थोड़ी बड़ी एप्लीकेशन थी, काफी ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में भी आई होगी और इसको कोड करने में मजा भी आया होगा। अब चलते हैं पेज की तरफ और लास्ट टाइम उसको रिफ्रेश करते हैं और अपने कोड्स को वाइंड अप करते हैं।
कंसोल को मैं बंद करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ ट्रम के ऊपर और ये देखो और यहाँ पे सम भी आ गया यार, जबरदस्त सा काम हो गया, जबरदस्त हमारी एप्लीकेशन है काम कर रही है यहाँ पे। सो नाउ माई अमेजिंग फ्रेंड्स, मेरे दोस्त बहुत ही मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ ये कोर्स तुम लोगों के लिए बनाया एंड आई होप के तुम्हें मजा आया होगा। जरूर बताना कि कैसा लगा ये कोर्स और क्या क्या तुम लोगों ने नया लर्न किया, और अगर इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री भी चाहिए तो कमेंट्स में लिख के बताओ कि यस आई नीड पार्ट वन, आई नीड पार्ट टू। इससे मुझे पता चलेगा कि यार तुम लोग कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो। मेरी और तुम्हारी मुलाकात अब होगी किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल।